हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा चैप्टर नंबर 14, कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप एंटिटीज। ये चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस अपन ऑलरेडी लेक्चर में कर चुके हैं, तो अब मैं आपको आज इसके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो वापस से डिटेल में रिवाइज करवाऊंगा। तो रिविज़न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक चीज़ वापस से बता दूं, जो अपने लेक्चर में भी देखी थी, कि ये चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन पे कमांड होनी चाहिए, वो आपका रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर बिजनेस कॉम्बिनेशन से लिंक्ड है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने लेक्चर्स देखे हैं, तो उसमें तो ऑलरेडी अपने करा हुआ है बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसके बाद अपने पढ़ा था ये चैप्टर। जो डायरेक्टली सिर्फ यूट्यूब से रिविजन वीडियो सुन रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन का रिविजन वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, तो आप पहले वो रिवाइज करिएगा, उसके बाद ये चैप्टर सुनिएगा। ये चैप्टर पूरा का पूरा बिजनेस कॉम्बिनेशन से लिंक्ड है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए एक बार देखिए, बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने आपको सबसे पहले एक मास्टर चार्ट दिया था, उस चार्ट से आप समझिए। सबसे पहले जब मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ाया था या रिवाइज कराया था, उसमें ये चार्ट आप लोगों को दिया था। इस चार्ट में मैंने बताया था कि बस बिजनेस कॉम्बिनेशन CFS इसी से जुड़ा हुआ है सारा का सारा। एक कंपनी अगर दूसरे कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदती है, तो उसकी अकाउंटिंग हम जनरली सीखते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी के लेस देन 20% इक्विटी शेयर्स लेते हैं, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता है 109 में अकाउंटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर्स ले लें अपन, 50% से ज़्यादा इक्विटी शेयर लेने पर सामने वाली हमारी सब्सिडियरी बन जाती है, वो बिजनेस एक्विजिशन हो जाता है। उस केस में हम लोग अपनी पावर दिखाने के लिए अपने SFS तो बनाते हैं, साथ में एक CFS भी बनाते हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मैं अपना डेटा तो लेता ही हूँ, सामने साथ में मैं अपनी सब्सिडी का डेटा भी उठा के उसमें दिखाता हूँ, अपनी पावर दिखाने के लिए, समाज में अपना स्टेटस दिखाने के लिए। तो SFS में तो मैं Ind AS 27 के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग करता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी। लेकिन जब मैं CFS बनाऊंगा, तो डे वन पे जो CFS बनाते हैं वो हम Ind AS 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन चैप्टर में पढ़ा था अपन ने, और फिर जो एट ईच ईयर एंड CFS बनाना है वो Ind AS 110 CFS चैप्टर जो अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप सीखते हो। यानी हमें लोगों को अपना स्टेटस दिखाना है, समाज में अपनी पावर दिखानी है, वो CFS के थ्रू दिखाते हैं। तो जब आप एक कंपनी को खरीदते हैं, तो डे वन का CFS बनाते हैं Ind AS 103 के अकॉर्डिंग जो सीख चुके हैं, और एट ईच ईयर एंड अब लोगों को आप अपना स्टेटस दिखाओगे CFS बना के, वो कैसे बनाओगे एज पर Ind AS 110 जो अपने को चैप्टर 14 में सीखना है। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ की बात होगी। इसके अलावा मैंने वहाँ एसोसिएट की बात करी थी, 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो बट लेस देन इक्वल्स टू 50%, तो सामने वाला एसोसिएट बनता है। तो वहाँ पे भी आप SFS में Ind AS 27 लगाते हो, SFS में कैसे अकाउंटिंग करते हैं वो मैं ऑलरेडी बिजनेस कॉम्बिनेशन में बता चुका हूँ। लेकिन एसोसिएट को CFS में आपको कंसोलिडेट करना है, तो Ind AS 28 लगाना पड़ेगा। ऐसे ही जॉइंट वेंचर के लिए मैंने बोला SFS में Ind AS 27 और CFS के लिए Ind AS 28। तो ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 14 में कवर हो जाएंगी, जो CFS बनाने वाला पार्ट था। तो इतना पार्ट हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन में देखा था। तो CFS में देखिए आप लोग, CFS में क्या करना है आपको, कंसोलिडेशन वाला पार्ट सीखना है। किसी कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो वो Ind AS 27 में आपने सेपरेट बुक्स में दिखा दिया, अब उसका कंसोलिडेशन कैसे करें। सब्सिडी के केस में एट ईच ईयर एंड का कंसोलिडेशन, और एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में नॉर्मल CFS कैसे बनाएंगे उनको कंसिडर करके, वो आपको इस चैप्टर में सीखना है। तो सबसे पहले हम Ind AS 110 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हमें तीन इंडेक्स देखने हैं। सबसे पहला इंडेक्स है Ind AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस इंडेक्स का नाम है। सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है इस चैप्टर का। ये इंडेक्स क्या बताता है, ये बताता है अक्वायरर कंपनी, अक्वायरर को हम बोलेंगे पेरेंट कंपनी, सामने अक्वायरी यानी सब्सिडरी कंपनी। जब हम एक कंपनी को खरीदते हैं, तो डे वन पे जो CFS बनाते हैं Ind AS 103 में बनता है, पर एट ईच ईयर एंड जो CFS बनेगा उसके बारे में Ind AS 110 बनाएगा। यानी अक्वायरर जब एक कंपनी खरीदता है, तो एट ईच ईयर एंड का वो CFS कैसे बनाएगा, वो ये इंडेक्स आपको सिखाता है। तो अब यहां पे देखो, अक्वायरर वर्ड यूज में नहीं लेते इस चैप्टर में, अपन पेरेंट कंपनी वर्ड यूज में लेते हैं अक्वायरर के लिए, और अक्वायरी के लिए अपन अक्वायरी वर्ड यूज में नहीं लेंगे इस चैप्टर में, अपन काम में लेंगे सब्सिडरी कंपनी वर्ड, क्योंकि यहां पे अब अपन खरीद नहीं रहे, खरीदना था जब खरीद चुके, अब तो खरीदे हुए टाइम हो चुका है, ईयर एंड आ चुका है। तो अब मैं क्या बन चुका हूं, जब मैंने उसको खरीदा तो मैं उसका बाप बन चुका हूं, तो पेरेंट कंपनी, और वो मेरा बेटा बन चुका है यानी मेरी सब्सिडरी कंपनी। तो यहां पे जो वर्डिंग यूज में आएगी वो आएगी पेरेंट और सब्सिडरी। तो Ind AS 110 एट ईच ईयर एंड पे पेरेंट कंपनी CFS कैसे बनाएगी अपनी सब्सिडरी के लिए, वो सिखाता है आपको। तो इतनी बात आपको अभी तक समझ में आनी चाहिए। अब ये इंडेक्स आपको CFS बनाना कैसे बताएगा, तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है कंसोलिडेट करने का। कंसोलिडेट करने का एक पूरा प्रोसीजर है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अपन ने बिजनेस कॉम्बिनेशन में डे वन पे CFS बनाना सीखा था सब्सिडरी के लिए, तो वहां मैंने टोटल एट स्टेप्स में आपको वर्किंग बताई थी। यहाँ पे जब आप CFS बनाएंगे या टीचर रेंट का, तो टोटल 10 स्टेप्स में मैं आपको वर्किंग बताऊंगा। टोटल 10 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, आपको एट ईच ईयर एंड का CFS तैयार हो जाएगा, एग्जाम के लिए भी, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी, कभी भी आप फॉलो करो ये 10 स्टेप्स, बस आपको फॉलो करने हैं, आपका एट ईच ईयर एंड का CFS बन जाएगा।
तो ये 10 स्टेप्स और कोई स्पेसिफिक कहीं पे दिए हुए हैं क्या? ये कहीं आपको बता नहीं रखे कि ये 10 स्टेप्स ही फॉलो करने हैं, ये कोई मॉडल नहीं है, ये मैंने तैयार किया है ये 10 स्टेप्स वाली चीज़। ये चीज़ देखो, CFS बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। CFS हर टीचर अपने तरीके से बनवाता है, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग अपने तरीके से CFS बनाते हैं। तो मैंने जो ये 10 स्टेप्स बनाए हैं, ये वो बनाए हैं जो ICI फॉलो कर रहा है अपने एग्जाम में, ICI जिसके बेसिस पे सॉल्यूशन करता है। अगर आपने ये 10 स्टेप्स फॉलो करे तो एग्जाम में आपका सॉल्यूशन तो पूरा एज इट इज मैच होगा ही, साथ में आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत इजी स्टेप्स, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप यही स्टेप्स फॉलो करिए, क्योंकि लोग अलग अलग मेथड बताते हैं, उनमें आपका फाइनल आंसर में भी मैच कर जाए, लेकिन बस उससे आपको मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये वाले जो 10 स्टेप्स मैं आपको CFS के बताऊंगा, ये एज इट इज फॉलो कर लेना, बहुत ईजी स्टेप्स हैं। तो CFS बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बस जो मैं ये 10 स्टेप्स बताऊंगा वो फॉलो करते हैं। तो इंडेस क्या बोलता है, जब आप सर ये 10 स्टेप्स मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो इंडेस क्या बताता है? देखो, CFS जो बनाने वाली चीज़ होती है, CFS जो हमें बनाना होता है, कंसोलिडेटेड बुक्स यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें बनानी है। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के लिए हमें क्या बनाने पड़ेंगे? अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, जनरल एंट्रीज होनी चाहिए, लेजर बुक मेंटेन होनी चाहिए, ट्रायल बैलेंस, सब जाके आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो आपको बता दूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी CFS के लिए अलग से अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। CFS के लिए अकाउंट्स जनरली कंपनीज मेंटेन करते ही नहीं है। आप जैसे मैं ए लिमिटेड हूँ, मैंने रिलायंस को खरीद लिया, रिलायंस को मेरी सब्सिडरी बना लिया, तो डे वन पे मैं CFS बनाता हूँ, बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक जनरल एंट्री पास करके CFS की तैयार हो जाता है। अब जब ईयर एंड पे CFS बनाऊंगा ना, मैं अपना कोई अकाउंट्स मेंटेन नहीं करूंगा कि भाई CFS की मैं अपनी अलग से बुक्स मेंटेन करूँ, जिसमें मेरा डेटा भी और रिलायंस का डेटा हो उसकी अलग से बुक्स मेंटेन करूँ, ऐसा काम कोई भी कंपनी नहीं करती है प्रैक्टिकल लाइफ में। CFS के अगर अकाउंट्स मेंटेन होते ना, तो ये अपने को सीखना ही नहीं पड़ता भाई। लेजर बुक्स, आपकी जनरल एंट्री, ये सब मेंटेन हो रही होती तो डायरेक्टली कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाती उसी से, कोई अलग से मेहनत करनी पड़ती क्या? नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है, इसलिए अपने को CFS बनाने का एक प्रोसीजर डिजाइन करना पड़ता है कि हम कैसे CFS तैयार करें। कंपनी चाहे तो प्रैक्टिकल लाइफ में सेपरेट बुक्स मेंटेन कर सकती है CFS की, पर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, जो कोई भी कंपनी नहीं करना चाहती है, क्योंकि बस आपको तो एज पर लो रेगुलेशन के अकॉर्डिंग CFS की एक बैलेंस शीट और P&L वगैरह यानी कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो पब्लिश करने होते हैं। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग तो आपको CFS की एक बैलेंस शीट तैयार कर दी और वो पब्लिश करनी होती है, एक पेज की बैलेंस शीट, दो पेज की, जो भी आपको वो पब्लिश कर देनी है, बस इतना आपके ऊपर लो एप्लीकेबल है। वो ये नहीं बोलता कि CFS की अलग से, कंसोलिडेटेड बुक्स की अलग से आप सेपरेट बुक्स मेंटेन करो, तो ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है। इसलिए ये एक इवेंट है, CFS बनाना एक इवेंट है, इसके लिए अलग से बुक्स मेंटेन नहीं करी जाती, इसलिए अपने को एक प्रोसीजर सीखना पड़ता है कि ए टीचर एंड CFS कैसे बनाएं। तो उसके अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अलग अलग तरीकों से बनाया जा सकता है। और वो जो भी आपके मन में डाउट आएंगे वो सब भी मैं इस रिवीजन वीडियो में भी आपको रिवाइज कराऊंगा, जो मैंने लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब देखिए एक बार, आप लोग CFS अब आपको बनाना है, तो CFS आपने डे वन का बनाना सीखा एज पर इंडेक्स 103। अब CFS बनाना आपको एट ईच ईयर एंड का, हम किसकी बात कर रहे हैं? सब्सिडरी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट सब्सिडरी का ही होता है, इस चैप्टर में इसी में से क्वेश्चन आता है जनरली। तो एट ईच ईयर एंड का जो CFS बनाएंगे सर, तो डे वन पे जो हमने CFS बनाया था, डे वन पे मैं ए लिमिटेड हूँ प्लस मैंने अपने आप में रिलायंस लिमिटेड को परचेज करके उसको जोड़ लिया था अपने साथ में, तो वो जो मैंने CFS बनाया था उस CFS से ईयर एंड वाले CFS में क्या क्या डिफरेंस होंगे? ईयर एंड पे जो CFS बनेगा इसमें क्या क्या डिफरेंसेज होंगे? सेम नहीं रहता क्या भाई? डे वन पे जो मैंने बैलेंस शीट बनाई थी, डे वन सपोज था मेरा 1 अप्रैल 2023, इस दिन मैंने रिलायंस को खरीदा था, ठीक है, अपना एग्जांपल सेम रहता है, मैं हूँ ए लिमिटेड, सामने रिलायंस, मैंने रिलायंस को खरीदा था डे वन पे 1 अप्रैल 2023 को, आज ईयर एंड आ चुका है 31 मार्च 2024। तो अब लोगों को अपनी पावर दिखानी है तो मुझे आज के दिन भी CFS प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सर जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आज के दिन जो मैं बनाऊंगा उसमें क्या डिफरेंस आ चुके होंगे, क्या फर्क पड़ेगा? ये सेम नहीं रहेगी क्या? एज इट इज सेम एप्लीकेबल नहीं हो सकती क्या? सेम जो CFS बनाया वही पब्लिश कर दूं क्या? वो नहीं होता, चेंज आते हैं। आप खुद लॉजिकली सोचो, आज के दिन आप क्या करोगे? आज है 31 मार्च 2024, आज के दिन ए लिमिटेड के खुद के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रखे होंगे और रिलायंस लिमिटेड के खुद के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रखे होंगे। तो आज के दिन बताओ, ए लिमिटेड की बुक्स में जो PPE, डेटर, क्रेडिटर वगैरह आ रहे होंगे, उनके बैलेंस चेंज हो गए होंगे ना, जो 1 अप्रैल 2023 को आ रहे थे। सेम ऐसे रिलायंस लिमिटेड की बुक्स में जो असेट लाइबिलिटीज आ रही थी, क्या आज के दिन उनके बैलेंस सेम होंगे? चेंज हो चुके होंगे, जो 1 अप्रैल को थे वही बैलेंस थोड़ी ना कंटिन्यू कर रहे होंगे। हम आज के दिन की बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिलायंस का आज के दिन का डेटा उठाएंगे बैलेंस शीट से, डेटर, क्रेडिटर, असेट्स, लाइबिलिटी सब, उनके बैलेंसेज में चेंज आ सकते हैं ना। डेटर का पेमेंट मिल गया, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया, नए डेटर क्रिएट हो गए, कुछ भी चेंज आ सकता है।
तो उनके बैलेंसेस चेंज हो गए होंगे, इसलिए एक तो ये चेंज आएगा। दूसरा क्या चेंज होगा वो आप समझिए। सपोज 1 अप्रैल 2023 को मैंने रिलायंस का 60% स्टेक लिया था, कितना परसेंट स्टेक लिया था 60%। तो उस दिन मैंने उसका 60% स्टेक लिया, बिजनेस कॉम्बिनेशन याद करिए आप क्या करते थे, उसकी नेट असेट्स तो टोटल ले लेते थे, 40% जो आपने नहीं लिया वो NCI बन जाता था और बाकी गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाता था। सामने वाले की हम शेयर कैपिटल और रिजर्व्स नहीं लेते थे, सामने वाले की शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं उठाते थे, बिजनेस कॉम्बिनेशन याद कर लेना। क्यों नहीं उठाते थे उसके रिजर्व भाई? उसके रिजर्व उसके प्रीवियस ओनर से रिलेटेड थे। भाई आज मैं रिलायंस को खरीद रहा हूँ और आज की उसकी बुक्स में 1000 करोड़ का मुझे रिजर्व दिखाई दे रहा है, तो वो किसका है? अंबानी था मान लो उसका आज के दिन तक ओनर, तो वो अंबानी से रिलेटेड है, वो पैसा अंबानी ने कमाया है, अंबानी से रिलेटेड है, उसमें मेरा हक नहीं है। तो मुझे उसके रिजर्व और शेयर कैपिटल में शेयर नहीं लेता था, उसकी नेट असेट्स उठा लेता था। समझ में आई ये बात? पर जैसे ही मैंने 1 अप्रैल 2023 को रिलायंस को खरीद लिया, अब उसके बाद एक साल निकल गया, आज आ चुका है 31 मार्च 2024। तो 1 अप्रैल के बाद रिलायंस ने जो भी प्रॉफिट कमाया, 1 अप्रैल के बाद रिलायंस ने जो भी प्रॉफिट कमाया, सपोज रिलायंस ने 1 अप्रैल के बाद 1 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कमाया इस ईयर में, करंट ईयर में 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 में कितने का प्रॉफिट कमाया? 1 करोड़ का। तो 1 अप्रैल के बाद जो भी रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया बताओ उसमें किन लोगों का हक है? उसके ओनर का, रिलायंस के ओनर का। पर अब की बार रिलायंस का ओनर कौन है? मैं हूं। यानी मैंने रिलायंस में 60% पैसा डाला हुआ है, तो अब रिलायंस ने जो भी प्रॉफिट कमाया है ना इस साल में, उसका 60% हिस्सा मेरा है, उसका 60% हिस्सा मेरा है। यानी 1 करोड़ का 60% 60 लाख रुपीज मैं रिलायंस वालों से मांगूंगा, लाओ भाई मुझे दे दो, क्योंकि ये पैसा मेरा हक बनता है। यानी जिस भी दिन मैं किसी कंपनी को खरीदता हूं, उस दिन के बाद से उसका जो प्रॉफिट होता है उसके अंदर मेरा स्टेक आ जाता है, जितना मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। सिंपल सी बात है, ये तो आपको लॉजिकली समझ में आना चाहिए। यानी अब आप ईयर एंड का जब CFS बनाओगे, उसमें नया डेटा तो ले ही लोगे बैलेंस शीट का, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक्विजिशन डेट के बाद सामने वाली कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए हैं उसके अंदर आप अपना हिस्सा मांगोगे, एक्विजिशन डेट के बाद सामने वाली कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाए हैं उसमें भी आप हिस्सा मांगोगे। ये काम और आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है, इसलिए ईयर एंड का CFS डिफरेंट होता है। ये थोड़ा मैंने बेसिक ओवरव्यू दिया है जो आप सीखने जा रहे हो उसका, ठीक है? तो ये एक पूरा बेसिक ओवरव्यू है क्यों ईयर एंड का CFS बन रहा है, अलग क्यों बन रहा है, उसका प्रोसीजर अब आपको इजीली समझ में आने लगेगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो मैं आपको बताऊंगा, और आपको ये एज इट इज फॉलो करना है। इसके अलावा अगर आप दूसरे तरीके से बनाते हो तो आपका हो सकता है फाइनल बैलेंस शीट सब मैच हो जाए, लेकिन मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। ये ICAI का मेथड है पूरा एज इट इज, और आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगाओ, सबसे ईजी मेथड है ये, और पूरा लॉजिकली अपन डिस्कस करेंगे। तो अब देखो, एट ईच ईयर एंड सब्सिडीज के लिए जो आप CFS बनाओगे उसके लिए आपको क्या कंसोलिडेशन प्रोसीजर फॉलो करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। टोटल 10 स्टेप्स की वर्किंग है ये जो नोट्स हैं आपको मैं शेयर कर दूंगा ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे या हमारी वेबसाइट पे, ये सारे अपडेटेड नोट्स आपको शेयर हो जाएंगे, तो इनकी आप टेंशन मत लेना। तो अब देखो, पेरेंट कंपनी क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगी CFS बनाने के लिए वो आप लोगों को देखना है। सबसे पहला स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा स्टेप है, आप पता कर लो सब्सिडी कंपनी में पेरेंट कंपनी का स्टेक कितना है कंसोलिडेशन डेट वाले दिन। तो आज के दिन मेरा स्टेक कितना है, सपोज क्वेश्चन में गिवन है 60% मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, बस खत्म, मेरा स्टेक कितना है 60%, यानी स्पेशली क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन नहीं है तो आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? आपको बोला हुआ है कि आपने रिलायंस के 600 शेयर्स परचेस कर रखे हैं और रिलायंस ने मार्केट में टोटल 1000 शेयर इशू करे हुए हैं, तो बताओ मेरा स्टेक कितना होगा? मैंने उसके 600 शेयर ले रखे हैं, उसने टोटल 1000 इशू कर रखे, यानी 600 / 1000, यानी 60% स्टेक है मेरा। यानी नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी हेल्ड बाय पेरेंट कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इशू बाई सब्सिडरी कंपनी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया परसेंटेज में चाहिए तो। यानी पहला स्टेप तो एकदम फालतू स्टेप, आपको पेरेंट कंपनी का स्टेक पता कर लेना सब्सिडरी में। सेकेंड स्टेप भी बिल्कुल सिमिलर उसी के टर्म्स पे, NCI का आपको हिस्सा पता कर लेना है सब्सिडरी कंपनी में कंसोलिडेशन डेट वाले दिन कितना है। NCI कौन होता है? बिजनेस कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं अपन, भारी लोग होते हैं, हमारे अलावा जितने भी बचे हुए शेयर्स हैं रिलायंस के जितने खरीद रखे हैं वो हैं NCI, ठीक है, जिनके पास रिलायंस का कंट्रोल नहीं है। तो ये स्पेशली गिवन होगा क्वेश्चन में कि NCI का 40% स्टेक है, या फिर आप पता कर सकते हैं 100% माइनस शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी। यानी मान लो रिलायंस में मेरा शेयर है 60%, मेरा स्टेक 60% है रिलायंस में, तो बताओ NCI का कितना होगा? 40%। भाई मैंने 60% शेयर्स ले रखे हैं तो NCI ने कितने ले रखे होंगे? 40%। खत्म स्टेप टू। तो ये दो स्टेप्स में तो कोई मेहनत नहीं करनी। अब इसके बाद स्टेप थ्री और स्टेप फोर, ये भी क्वेश्चन से उठा के लिखना है। स्टेप थ्री में आप लिखोगे डेट ऑफ एक्विजिशन, रिलायंस को मैंने कब खरीदा था, 1 अप्रैल 2023। खत्म। फोर्थ स्टेप डेट ऑफ कंसोलिडेशन, मेरे को CFS कब का बनाना है, क्वेश्चन में CFS कब का बनाने के लिए आपको बोला गया है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है 31 मार्च 2024 का CFS बनाओ, तो वो हो जाएगी डेट ऑफ कंसोलिडेशन। यानी स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स में तो आपको क्वेश्चन से उठा के डेटा लिखना है और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है स्टेप नंबर 5, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसी को समझने में आपको टाइम लगेगा। ये स्टेप आप समझ गए और इस स्टेप को ढंग से कर लेते हो तो सीएफएस का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो स्टेप नंबर 5 देखिए, एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सामने वाली कंपनी जो है हमारी, उसके रिजर्व्स का हम एनालिसिस करेंगे, उसके रिजर्व्स का एनालिसिस करेंगे। अब सर ये क्या चीज़ है, उसके रिजर्व्स का हम एनालिसिस क्यों कर रहे हैं और रिजर्व्स का एनालिसिस करना चीज़ क्या है, वो अब आपको मैं समझाऊंगा। तो इसको एक मैं जो क्लास में आपको एग्जांपल से समझाया था वैसे ही समझा रहा हूँ, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा बस। देखिए अब आप लोग, मैंने क्या बोला कि मैं हूँ ए लिमिटेड, सामने रिलायंस लिमिटेड। मैंने कब परचेज किया रिलायंस को, मैंने इसको परचेज किया 1 अप्रैल 2023 को और आज की डेट है 31 मार्च 2024। तो मैंने इसमें 60% स्टेक किया, परचेज किया था, 60% मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था। 1 अप्रैल 2023 के बाद से रिलायंस से जितना भी प्रॉफिट कमाया होगा इस साल में 31 अप टू 31 मार्च 24, मैं उसके अंदर अपना 60% हिस्सा मांगूंगा। उसने जो भी प्रॉफिट कमाया होगा उसमें अपना 60% हिस्सा मांगूंगा। ये तो होता है डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद सब्सिडियरी कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसमें पेरेंट कंपनी अपना हिस्सा मांगने लगती है, क्योंकि मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, मैं वो हिस्सा मुझे पता करना है। अब सीएफएस बना रहा हूँ, वो हिस्सा पता करना है ताकि मैं अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकूँ, वो मुझे पता करना है, इसलिए उसके रिजर्व्स का अपन एनालिसिस करते हैं। रिजर्व्स का एनालिसिस क्यों करते हैं, देखो आपको क्या होगा क्वेश्चन में, आज के दिन 31 मार्च 2024 की रिलायंस की बैलेंस शीट दे रखी होगी और रिलायंस की इस बैलेंस शीट में देखो, रिलायंस की इस बैलेंस शीट में आपको बता रखा होगा कि इसके रिजर्व में बैलेंस पड़ा है 5 लाख रुपीज़। सपोज रिलायंस कौन है, अपनी सब्सिडरी कंपनी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आज जिस दिन आपको कंसोलिडेशन करना है उस दिन की रिलायंस की बैलेंस शीट में रिजर्व आ रहे हैं 5 लाख रुपये के। तो अब बताओ ये 5 लाख रुपए की रिजर्व है, कैश टोटल रिजर्व्स में मैं हिस्सा ले लूँ, कैश टोटल रिजर्व्स में मैं हिस्सा ले लूँ। रिजर्व को एक तरीके से प्रॉफिट समझो, रिजर्व्स में क्या जाते हैं जनरली, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह होते हैं जो कि कंपनी का प्रॉफिट ही होता है, प्रॉफिट ही तो एक्यूमुलेटेड होकर रिटेन्ड अर्निंग में जाता है। तो एक बार के लिए हम उसे ही मान रहे हैं कि रिजर्व में वही चीज़ है। तो 5 लाख रुपए का आज जो रिलायंस का रिजर्व दिख रहा है, क्या उसके अंदर टोटल का 60% हिस्सा ले लूँ, मत ले लेना, वो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं लेना, 5 लाख रुपए का जो रिलायंस के रिजर्व का बैलेंस दिख रहा है वो एक्यूमुलेटेड बैलेंस है। रिजर्व का जो बैलेंस शीट में बैलेंस आता है वो कौन सा बैलेंस होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है, इकट्ठा होता जा रहा है ईयर ऑन ईयर। पहले साल रिलायंस ने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया होगा, फिर मान लो 2 लाख का उसको लॉस हुआ, फिर 6 लाख का लॉस हुआ, फिर उसने 4 लाख का और प्रॉफिट कमाया, ऐसे करते करते उसका एक्यूमुलेटेड बैलेंस आया है टोटल 5 लाख का। ठीक है, रिजर्व का बैलेंस क्या होता है, एक्यूमुलेटेड बैलेंस होता है। तो ये जो 5 लाख का बैलेंस है, क्या ये 1 अप्रैल 2023 के बाद ही कमाया रिलायंस ने, नहीं, ये तो आज तक का टोटल बैलेंस है। तो मुझे इसमें पता करना पड़ेगा रिलायंस ने 1 अप्रैल 2023 के बाद से कितना प्रॉफिट कमाया है और उससे पहले का रिजर्व का कितना था, यानी इस 5 लाख रुपये में पुराना बैलेंस कितना था 1 अप्रैल 2023 तक का, और 1 अप्रैल 2023 के बाद इस बैलेंस के अंदर कितना अमाउंट और इंक्लूड हुआ है, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद रिलायंस ने कितना और पैसा कमाया, वो मुझे बाइफरगेट करना पड़ेगा, यानी रिलायंस के मुझे रिजर्व्स का एनालिसिस करना पड़ेगा। समझ में आया, रिजर्व्स का एनालिसिस क्यों करते हैं, तो रिलायंस के रिजर्व्स का एनालिसिस करना पड़ेगा मुझे, उसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन रिजर्व्स कितने थे और पोस्ट रिजर्व्स कितने थे। प्री मतलब जिस दिन मैंने रिलायंस को खरीदा उस दिन तक के उसका रिजर्व का बैलेंस कितना था और उस दिन के बाद का कितना हुआ, उस दिन के बाद उसने कितना और कमाया, तो वो मुझे बाइफरगेट करना पड़ेगा, नहीं इस 5 लाख को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। सपोज वो 2 टुकड़ों में मैंने बांटा और उससे मुझे पता चला प्री का बैलेंस तो था 3 लाख और उसके बाद इसने कमाया 2 लाख, यानी रिलायंस के जो 5 लाख रुपये के आज के दिन रिजर्व दिखाई दे रहे हैं उसमें 3 लाख रुपये का रिजर्व ऐसा था जो उसका 1 अप्रैल 2023 को भी एग्जिस्ट करता था जिस दिन मैंने रिलायंस को खरीदा था, और 2 लाख रुपए ऐसा बैलेंस है जो 1 अप्रैल 2023 के बाद उसने कमाया है। तो बताओ मुझे हिस्सा किसमें चाहिए, इस 2 लाख में चाहिए, तो इसलिए मुझे पोस्ट रिजर्व्स में हिस्सा लेना होता है। रिलायंस कंपनी के यानी सब्सिडियरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में मुझे हिस्सा चाहिए होता है, इस वजह से मैं सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व्स का एनालिसिस करता हूँ स्टेप नंबर 5 में। एनालिसिस कैसे करेंगे वो बाद की बात, अभी मैं समझा रहा हूँ क्यों करते हैं रिजर्व्स का एनालिसिस। इसके बाद एक और चीज़ देखो सर, रिजर्व्स का एनालिसिस कर रहे हैं, आपने लॉजिक बताया कि पोस्ट रिजर्व्स हमें चाहिए और उनका क्या रोल है वो आपने बताया, इसलिए हमें रिजर्व के एनालिसिस की ज़रूरत है। पर प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री वाले रिजर्व अलग से पता करने की क्यों जरूरत है सर, प्री वाले रिजर्व क्यों पता कर रहे हो। ठीक है, आपने पोस्ट वाले रिजर्व पता करे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का बैलेंस कितना है इस 5 लाख में से वो पता करा क्योंकि उसमें अपने को हिस्सा चाहिए, पर प्री एक्विजिशन रिजर्व कितने थे वो क्यों पता कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, जब आप एनालिसिस करोगे रिजर्व का, आपको 2 टुकड़ों में बांटना है कि उसका एक्विजिशन डेट के बाद का कितना था 2 लाख, तो सिंपल सी बात है प्री वाला कितना होगा 3 लाख,
ऐसे अपने आप ही निकलेगा ये, तो अपने आप तो निकलेगा, पर इसका कोई रेलिवेंसी भी है क्या प्री वाली रिजर्व की? एक्विजिशन डेट तक, प्री रिजर्व का मतलब होता है एक्विजिशन डेट तक सामने वाली कंपनी के रिजर्व का बैलेंस कितना था एक्विजिशन डेट वाले दिन तक, 1 अप्रैल 23 अपने एग्जाम्पल में एक्विजिशन डेट है सपोज, तो उस दिन तक उसके रिजर्व का बैलेंस कितना था? इसका कोई रोल आएगा क्या? बिल्कुल रोल आएगा। वो क्या रोल आएगा वो समझो। देखो अब क्या होगा, ICA के जो क्वेश्चन होते हैं, ICA के क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको जो CFS बनाना होता है, CFS जब आप बनाओगे तो आप मेरे को एक बात बताओ, डे वन पे जब हम CFS बनाते हैं तो हम सामने वाले को PC देते हैं, उसकी नेट एसेट टेक ओवर करते हैं, डिफरेंस गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाता है, तो हम गुडविल सपोज रिकॉर्ड कर लेते हैं डे वन पे, तो ईयर एंड का जो CFS बनेगा वो गुडविल उसमें भी आनी चाहिए, जो डे वन के CFS में गुडविल आई वो आगे कंटिन्यू होनी चाहिए ना अगले वाले CFS में, ईयर एंड वाले CFS में भी आनी चाहिए वो गुडविल, बिल्कुल आनी चाहिए। तो क्वेश्चन में वो गुडविल आपको गिवन नहीं होगी कि डे वन पे CFS में क्या गुडविल कैलकुलेट हुई थी। तो सर क्या प्रॉब्लम है आपको, डे वन की गुडविल हमें निकालनी आती है, आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में सिखा दिया, उस दिन की सामने वाले की नेट एसेट्स टेक ओवर कर लेंगे और उसका PC का डिफरेंस ले लेंगे। मैं आपको बताऊं क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं होगी, डे वन की इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं होगी कि डे वन पे रिलायंस लिमिटेड की नेट एसेट का डेटा ही नहीं दे रखा होगा, डे वन पे रिलायंस लिमिटेड की नेट एसेट कितनी थी उसका डेटा ही नहीं दे रखा होगा। अब क्या करें सर? तो इसलिए अब हमें अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व तो पता करना ही पड़ेगा, हमें गुडविल या कैपिटल रिजर्व डे वन पे कितना आया था वो पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईयर एंड का जब CFS बना रहे हैं तो वो गुडविल कैपिटल रिजर्व एज इट इज कंटिन्यू करेगा ना CFS में भी, और वो हमें चाहिए। वो गुडविल कैपिटल रिजर्व ना तो क्वेश्चन में दे रखा और ना ही डे वन का, जिस दिन मैंने रिलायंस को खरीदा था उस दिन का डेटा दे रखा रिलायंस की नेट असेट्स का। अब क्या करूं मैं, डे वन की नेट असेट्स का डेटा भी नहीं है और गुडविल कैपिटल रिजर्व दे भी नहीं रखा, तो हमें गुडविल कैपिटल रिजर्व तो चाहिए, वो निकालने के लिए हमें एक टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। आप देखिए, अब सपोज डे वन की मैं एक बार रिलायंस लिमिटेड की बैलेंस शीट बनाता तो क्या क्या आता उसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल आती, उसके रिजर्व आते, लाइबिलिटीज और असेट्स आती। नेट असेट्स हम किसे बोलते हैं? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज को, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज के अमाउंट को हम नेट असेट्स बोलते हैं। तो क्या ये, इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, बोल सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व भी नेट असेट के बराबर ही होगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है, या बचपन से सीखते आ रहे हो, इवन आप SFM में भी देखते हो। नेट असेट्स का मतलब क्या होता है? या तो आप असेट्स माइनस लाइबिलिटीज कर दो, या आप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व कर दो। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, इंडेक्स की लैंग्वेज में रिजर्व को अदर इक्विटी बोल देते हैं अपन, ठीक है? ये शेड्यूल 3 में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अदर इक्विटी हेड में ही जाते हैं रिजर्व, बाकी चीजें भी जाती है बट जनरली अदर इक्विटी में रिजर्व ही होते हैं, ठीक है? तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व क्या होंगे? नेट असेट्स ही तो होंगी। असेट्स माइनस लाइबिलिटीज को हम नेट असेट बोलते हैं, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व को भी हम नेट असेट बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन में आपको डे वन की रिलायंस की असेट्स और लाइबिलिटीज का बैलेंस तो दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व का बैलेंस हम पता कर सकते हैं क्या? तो ये पता करने की कोशिश करो, तो ये नेट असेट्स के बराबर होगा। तो रिलायंस की डे वन की नेट असेट्स पता चल जाएंगी, तो उसको पीसी में से हटा लेंगे तो आपको गुडविल या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट पता चल जाएगा जो डे वन पे निकल के आया होगा, जो आप CFS में कंटिन्यू कर लोगे। समझ में आया? तो अब डे वन पे रिलायंस की कैपिटल कितनी होगी, जब मैंने उसको खरीदा था उसकी इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी? तो ये हम जनरली अज्यूम करते हैं कि आज के दिन की रिलायंस की बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल आ रही है वही सेम होगी। देखो शेयर कैपिटल जनरली चेंज नहीं होती जब तक रिलायंस नए शेयर इशू ना कर दे या बाईबैक ना कर ले, वो बहुत रेयर केस में होता है, होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आप क्या अज्यूम कर लोगे, देखो आज के दिन 31 मार्च 2024 का आपको CFS बनाना है, तो आज के दिन की तो रिलायंस की बैलेंस शीट कंफर्म क्वेश्चन में मिलेगी। ऐसा मत बोलना सर आज के दिन की भी ना दे तो फिर आप CFS बना ही नहीं पाओगे, ठीक है? आज के दिन का तो डेटा मिलेगा ही, तो आज के दिन की बैलेंस शीट में देख लेना शेयर कैपिटल कितनी है, और यही अज्यूम कर लेना डे वन पर भी वही एग्जिस्ट कर रही होगी। तो चलो सर शेयर कैपिटल का तो काम हो गया, रिजर्व्स का क्या करें? रिलायंस के रिजर्व्स का आज के दिन का बैलेंस शीट में बैलेंस आ रहा है 5 लाख रुपए 31 मार्च 2024। डे वन 1 अप्रैल 23 जब मैंने उसको खरीदा था उस दिन उसके रिजर्व्स का बैलेंस कितना होगा ये तो नहीं पता ना सर? तो सर ये पता कर रहे हैं ना, एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस में प्री रिजर्व्स पता कर रहे हैं ना, प्री एक्विजिशन रिजर्व, प्री रिजर्व पता चल जाएंगे, यानी प्री रिजर्व का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन पे उसके रिजर्व का बैलेंस कितना था वो पता चल गया। डेट ऑफ एक्विजिशन पे सामने वाले के रिजर्व्स कितने थे, डेट ऑफ एक्विजिशन पे सामने वाले की कैपिटल कितनी थी, दोनों का टोटल करोगे तो नेट असेट्स पता चल जाएगी, गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल लो, खत्म हो जाएगा काम। आप समझ में आया कि आपको एनालिसिस ऑफ रिजर्व का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यही कैलकुलेशन करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या स्टेप है? आपको आज के दिन के रिलायंस के रिजर्व, सब्सिडी के रिजर्व उठाने हैं, उनका एनालिसिस करना है कि इसमें प्री वाला पार्ट कितना है, पोस्ट वाला पार्ट कितना है। प्री का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन तक के रिजर्व, और पोस्ट का मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद सामने वाले ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो।
ये दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है। पोस्ट वाले रिजर्व क्या काम में आएंगे, पेरेंट कंपनी उसमें अपना हिस्सा मांगेगी, और प्री वाले रिजर्व क्या काम में आएंगे, डे वन पर सामने वाली कंपनी की नेट एसेट्स पता करने के काम में आएंगे, ताकि हम उसकी डे वन की गुडविल कैपिटल रिजर्व पता कर सके। बस प्री रिजर्व का सिर्फ यही रोल होता है। प्री रिजर्व में पेरेंट अपना शेयर नहीं मांगेगा, प्री रिजर्व में हमारा कोई हिस्सा नहीं होता है, हमारा हिस्सा सिर्फ पोस्ट रिजर्व में होता है। मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, प्री रिजर्व में सिर्फ इसलिए पता कर रहे हैं ताकि डे वन की उसकी नेट एसेट्स पता चल सके और हम गुडविल कैपिटल रिजर्व पता कर सके कि उस दिन कितनी रही होंगी। क्लियर? तो ये स्टेप की ये रेलिवेंसी है, वो मैंने आपको समझाई है। आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अलग पार्ट है, ये तो सिर्फ आपको समझाया इसके पीछे का लॉजिक क्या था। रिवीजन वीडियो में भी मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंस रखता है, आपको समझ में आनी चाहिए। बाकी क्लास में तो अपने और भी डिटेल में डिस्कशन किया हुआ ही है। इसके अलावा आपके मन में एक दो डाउट और आते हैं तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कुछ बच्चों के डाउट आ सकते हैं। एक डाउट ये आ सकता है, सर आप इतनी सब मेहनत करवा रहे हो ICAI के क्वेश्चन में, मतलब आपको पोस्ट रिजर्व आपको पता करना है कि उसने डे वन के बाद कितना कमाया है, तो आप देख लो ना, जिस दिन आपने कंपनी को खरीदा था 1 अप्रैल 2023 को रिलायंस के, उस दिन बैलेंस शीट में देख लो रिजर्व का बैलेंस कितना आ रहा है, और आज के दिन रिजर्व का बैलेंस देख लो कितना है, वो डिफरेंस अमाउंट क्या हो जाएगा, पोस्ट रिजर्व हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही आप नेट असेट डे वन की देख लो ना, उसकी बैलेंस शीट में जाके कितनी थी, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व अलग से निकालने की क्या जरूरत है, मतलब आपको इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो वो ICAI के क्वेश्चन की वजह से करना पड़ रहा है, क्योंकि ICAI के क्वेश्चन में आपके पास डे वन का डेटा ही नहीं होगा, आपको डायरेक्टली सिर्फ आज की बैलेंस शीट दे रखी होगी रिलायंस की, उसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी जो ये सब कैलकुलेशन में हेल्प करेगी, इसलिए आपको ये तरीका सीखना पड़ रहा है। तो सर इसका मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में तो अवेलेबल होगी ना डे वन की बैलेंस शीट, डे वन पर रिलायंस की बैलेंस शीट की नेट असेट्स का डेटा हमारे पास होगा, डे वन पर उसकी रिजर्व्स कितने थे वो भी पता होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, बिल्कुल पता होंगे। तो सर वहाँ तो डायरेक्टली हमें मिल जाएगा, बिल्कुल डायरेक्टली मिल जाएगा, तो आप वैसे भी पता कर सकते हो, उस अकॉर्डिंग भी CFS बना सकते हो। मैंने बोला ना CFS एट ईच ईयर एंड बनाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो आपके डेटा पे डिपेंड करता है, लेकिन हमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट फॉलो करना जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये 10 स्टेप्स ऐसे हैं, चाहे आप ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी लगाओगे ना तो भी आपका CFS प्रॉपर बनेगा, और एग्जाम में तो ये फॉलो ही करना पड़ेगा आपको, एग्जाम में और कोई चॉइस आपके पास है नहीं। समझ में आया? तो प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप ये मेथड लगाना चाहो जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लगाओ, बिल्कुल प्रॉपर वही CFS बनेगा। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आप बोलो मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है फिर मैं ये जबरदस्ती क्यों लगाऊँ, तो भाई वैसे फॉलो कर लो, आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो इतनी मेहनत मत करना चाहिए, आप डायरेक्टली बना लेना। तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो मैं अपनी सेपरेट बुक्स भी तो CFS की मेंटेन कर सकता हूँ, CFS की अलग से टैली मेंटेन कर लूँ तो कर लो आप, कौन रोक रहा है आपको, पर उतनी मेहनत अगर आप कर सकते हो तो आपका डायरेक्टली CFS बन जाएगा, कोई स्टेप्स लगाने की जरूरत नहीं। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब ये मत पूछना सर ये ही क्यों फॉलो कर रहे हैं, मैंने उसका रीज़न दे दिया, ICAI के क्वेश्चन में अपने पास और कोई तरीका नहीं होता है, जितना डेटा होता है उस पर यही स्टेप्स लगाए जा सकते हैं, और ICAI के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी और अलग अलग तरीके करवाते हैं टीचर्स, जिसकी वजह से आपके ICAI के क्वेश्चन का सॉल्यूशन का डेटा मैच नहीं हो पाता, पूरा वर्किंग नोट्स प्रॉपर नहीं आते और मार्क्स कट जाते हैं। तो मैं आपको वही तरीका दे रहा हूँ जिससे आपको पूरे मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है? सबसे बेस्ट तरीका आप ये फॉलो करो, इस तरीके से अच्छा कोई तरीका है नहीं, ICAI एकदम परफेक्ट तरीका फॉलो कर रहा है इससे। तो रिजर्व्स का एनालिसिस करेंगे सब्सिडियरी कंपनी का स्टेप नंबर 5 में, क्यों करेंगे वो मैंने आपको उसका रीजन बता दिया। तो इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, इस तरीके से आप बनाएंगे। फॉर्मेट एज इट इज, कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस स्टेटमेंट इस तरीके से बनेगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट लिखा है। क्या करोगे, पर्टिकुलर्स, उसके बाद हम करेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व का एक कॉलम डालेंगे और एक पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी के रिजर्व का प्री का एक कॉलम डालेंगे, हमें प्री के रिजर्व पता करने हैं एक्विजिशन डेट पे कितने थे, और पोस्ट वाले रिजर्व का बैलेंस कितना था, यानी एक्विजिशन डेट के बाद उसने रिजर्व के बैलेंस में क्या चेंज किया वो हमें पता करना है। तो ये इस तरीके से 3 कॉलम बनेंगे। इसके बाद आप इसमें देखेंगे, एक चीज नोटिस करेंगे, प्री वाला जो रिजर्व का कॉलम है उसमें बस एक ही कॉलम में आ गया सब कुछ, लेकिन पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स और सब्सिडियरी का जो कॉलम है ना उसको फिर मैंने अलग अलग कॉलम में बाइफरकेट किया है, अलग अलग रिजर्व्स के लिए। रिटेन्ड अर्निंग के लिए एक कॉलम बनाया, जनरल रिजर्व के लिए एक कॉलम बनाया, बाकी अदर रिजर्व्स के लिए अलग कॉलम बनाया। उन अदर रिजर्व्स का जो भी नाम होगा वो रेस्पेक्टिव वही नाम इसके अंदर आ जाएगा। समझ में आई ये बात? तो ऐसा क्यों किया है, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स में मैंने अलग अलग कॉलम क्यों बनाया, उसके पीछे भी रीजन है, समझो आप लोग। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स हम क्यों पता करते हैं सामने वाली कंपनी के, ताकि उसके प्रॉफिट में उनके अंदर अपन अपना हिस्सा ले सकें, और प्री रिजर्व्स क्यों पता करते हैं, ताकि डे वन की उसकी नेट असेट्स पता करके गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाल सकें। तो प्री रिजर्व्स में हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए होता है, बस वो तो नेट असेट्स की कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो उनमें क्यों बाइफरकेशन करना भाई अलग अलग, कि रिटेन्ड अर्निंग के कितने थे, जनरल रिजर्व के कितने थे, अदर रिजर्व के कितने थे, वो तो अपने को टोटल नेट असेट्स की कैलकुलेशन के लिए चाहिए, तो बस उनको तो टोटल में चलने दो। पर पोस्ट वाले जो रिजर्व्स हैं सब्सिडियरी कंपनी के, जो पोस्ट रिजर्व्स हैं उनमें अपन अपना हिस्सा मांगेंगे, तो भाई रिटेन्ड अर्निंग में जो हिस्सा मांगेंगे वो अपन अपने रिटेन्ड अर्निंग में लेके जाएंगे, उसके
जनरल रिजर्व में जो अपन हिस्सा मांगेंगे वो अपन अपने जनरल रिजर्व में लेके जाएंगे, उसके अदर रिजर्व में जो हिस्सा मांगेंगे वो अपन अपने अदर रिजर्व में लेके जाएंगे। इसलिए पोस्ट एक्यूशन रिजर्व में आप अलग अलग कॉलम बनाते हो। इसके हर एक चीज़ के पीछे रीज़न है, कोई भी चीज़ बिना बात में नहीं होती है, हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करोगे, देखो मान लो रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस है, इसको प्री और पोस्ट में डाल दो, ठीक है। इसके बाद कोई जनरल रिजर्व का बैलेंस है, प्री पोस्ट में डाल दो। अदर एडजस्टमेंट्स में आपको सिखाऊंगा, उनको आप एडजस्टमेंट कर दोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा। टोटल करने के बाद अब आपको क्या करना है, पोस्ट वाले जो एक्विजिशन रिजर्व्स एंड सब्सिडी के उसमें शेयर ले लेना है। पेरेंट कंपनी अपना परसेंट का शेयर ले लेगी और एमसीआई वाले लोग भी अपना हिस्सा लेंगे। देखो सामने वाली कंपनी में 60% मैंने हिस्सा लिया, तो 40% कोई और लोगों का हिस्सा है ना। सामने वाली कंपनी ने एक्विजिशन डेट के बाद सपोज 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, तो 60,000 रुपीज़ का हिस्सा उस प्रॉफिट में मेरा है, पर 40,000 किसका है, दूसरे लोगों का, छोटे मोटे लोगों का, जिन्हें अपन एनसीआई बोलते हैं। तो 60,000 रुपीज का हिस्सा मैं ले लूंगा और 40,000 का हिस्सा छोटे मोटे लोग ले लेंगे रिलायंस के प्रॉफिट में, ठीक है, वो अपने घर ले जाएंगे। यानी पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व जो होता है सब्सिडी का, वो बांट दिया जाता है पेरेंट और एनसीआई के अंदर। उसका रीजन आपको क्लियर हो चुका होगा। प्री वाले को अपन नहीं बांटते हैं क्योंकि वो बटता नहीं है, वो तो सिर्फ अपन इसलिए पता कर रहे हैं हमें डे वन की उसकी नेट असेट पता चल जाए। तो रिजर्व का एनालिसिस होता है कौन सी कंपनी का, सब्सिडी का। सिर्फ सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व का एनालिसिस होता है, पेरेंट अपने रिजर्व का कुछ नहीं करता, उसका तो बैलेंस एज इट इज आता है। क्लियर हो गई ये चीज़ आपको। आगे देखिए, आप एक एग्जांपल देख लीजिए इसमें। आप लोग, आपको दे रखी है एक्विजिशन डेट 31 मार्च 2023, कंसोलिडेशन डेट दे रखी है 31 मार्च 2024, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी कंपनी का आपको बैलेंस दे रखा है। रिटेन्ड अर्निंग को आप शॉर्ट में अपन आर ही बोलेंगे बाकी सब जगह। तो रिटेन्ड अर्निंग का सब्सिडरी का 31 मार्च 2023 का आपको बैलेंस बता रखा है 6 लाख, और आगे लिखा हुआ है मैंने 31 मार्च 2024 का बैलेंस ₹8 लाख, ठीक है। इसके बाद अदर रिजर्व्स ऑफ सब्सिडी का 31 मार्च 2023 का बैलेंस 1.5 लाख और 31 मार्च 2024 का भी सेम बैलेंस है 1.5 लाख। आपका शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी है 80% और एनसीआई हो गया 20%। सब्सिडरी कंपनी में पेरेंट का 80% शेयर है तो एनसीआई कितना हो गया 20%। अब इसके रिजर्व का एनालिसिस करते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। देखिए कैसे करेंगे आप लोग, आप वही कॉलम बना लीजिए, पर्टिकुलर प्री रिजर्व, पोस्ट रिजर्व। पोस्ट में आपको हर रिजर्व के लिए अलग अलग कॉलम बनाना पड़ेगा। तो सब्सिडरी के कितने रिजर्व का डेटा दे रखा है, एक रिटेन्ड अर्निंग का और एक अदर रिजर्व का, तो इन दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बना दिए पोस्ट में, आप देख लीजिए सॉल्यूशन में मैंने। आप सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग को बांट लेते हैं। रिटेन्ड अर्निंग देखो 31 मार्च 2023 को रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस था 6 लाख रुपए। सब्सिडरी कंपनी के रिटेन्ड अर्निंग का 31 मार्च 2023 को बैलेंस कितना था 6 लाख, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो 31 मार्च 2023 कौन सी डेट थी, एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट ही है ना, क्वेश्चन का डेटा पढ़ लो आप लोग। तो एक्विजिशन डेट को उसके रिजर्व का जो भी बैलेंस है वो कहाँ जाएगा, प्री में की पोस्ट में, सब प्री में जाएगा पूरा का पूरा। तो रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2023 6 लाख कहाँ डाला है मैंने, प्री के कॉलम में, पोस्ट में कुछ नहीं डाला है। क्लियर। अब इसके बाद देखिए रिटेन्ड अर्निंग का आपको 31 मार्च 2024 का बैलेंस दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 8 लाख रुपीज़। 31 मार्च 2024 का 8 लाख रुपीज़ बैलेंस दे रखा है। तो सर ये 8 लाख रुपए है उसने 31 मार्च 2024 वाले ईयर में कमाए, इसका ये मतलब है नहीं, रिजर्व का बैलेंस एक्यूमुलेटेड होता है। आज के दिन उसके अगर रिजर्व में 8 लाख रुपए का बैलेंस दिख रहा है, यानी उसके रिजर्व में टोटल एक्यूमुलेशन बता रहा है आज के दिन तक का। तो अब आप मुझे बता सकते हैं इस रिजर्व में करंट ईयर का कितना होगा, इस रिजर्व में 8 लाख रुपए जो है ये पूरा का पूरा बैलेंस प्री होगा पोस्ट होगा, क्या सीन होगा। तो इसमें देखो उसने ड्यूरिंग द ईयर कितना पैसा कमाया वो पता कर लो ना आप। 31 मार्च 2023 तक 6 लाख बैलेंस था। देखो यहाँ पे आप लोग 31 मार्च 2023 इस दिन 6 लाख का बैलेंस था, और यह 31 मार्च 2024 इस दिन 8 लाख का बैलेंस है रिजर्व का। तो यानी ये जो पीरियड है, ये जो पीरियड है, ये कितने साल का पीरियड है, 1 ईयर, 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024, कितनी दूर है, 1 साल दूर है। तो इस 1 साल के पीरियड में रिजर्व कितना बढ़ा, 2 लाख, यानी इसने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया सामने वाले ने, साफ साफ पता चल रहा है ना कितना प्रॉफिट कमाया है, 2 लाख। तो इंक्रीज इन रिजर्व, नीचे आप टेबल में देखिए मैंने लिखा है इंक्रीज इन रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग में कितना इंक्रीज आया है, 8 लाख माइनस 6 लाख, 2 लाख रुपीज़ का इंक्रीज आया है। अब रिटेन्ड अर्निंग में ये 2 लाख रुपये का बैलेंस बढ़ा है, तो सर ये 2 लाख का जो इंक्रीज आया है प्री में डालूँ कि पोस्ट में, ये प्री पीरियड का है पोस्ट, आप एनालाइज खुद से करिए, खुद से सोचिए कौन से पीरियड का है। ये 2 लाख रुपये का बैलेंस बढ़ा कब है सर, 31 मार्च 2023 के बाद से, 31 मार्च 2023 के बाद से। 31 मार्च 2023 कौन सी डेट थी, एक्विजिशन डेट, यानी एक्विजिशन डेट के बाद, एक्विजिशन डेट के बाद सामने वाली कंपनी ने 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है। यानी ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, पोस्ट के अंदर, तो मैंने पोस्ट में डाला है 2 लाख। समझ में आ गई आपको बात। तो रिटेन्ड अर्निंग का एनालिसिस कंप्लीट। अब देखो अदर रिजर्व, सब्सिडरी के अदर रिजर्व में 31 मार्च 2023 को कितना बैलेंस दिख रहा है, 1.5 लाख,
तो 1.5 लाख 31 मार्च 2023 को जो है वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, प्री में, क्योंकि वो तो एक्विजिशन डेट है, तो 1.5 लाख यहाँ डाल दिया। इसके बाद 31 मार्च 2024 को भी उसका बैलेंस कितना रहा, 1.5 लाख। यानी इसके बैलेंस में कोई इंक्रीज हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ भाई, इंक्रीज इन अदर रिजर्व कितना किया मैंने नीचे टेबल में देखूँ, अदर रिजर्व के बैलेंस में इंक्रीज जीरो है, 1.5 लाख माइनस 1.5 लाख जीरो। यानी पोस्ट पीरियड में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, पोस्ट में मैंने जीरो कर दिया, कुछ नहीं है, बस फाइनल खत्म। अब आपको टोटल कर लेना है, प्री का टोटल कितना आया 7.5 लाख, पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में टोटल कितना आया 2 लाख, अदर रिजर्व में पोस्ट कुछ है ही नहीं, खत्म। अब आपको क्या करना है, पेरेंट और एनसीआई में शेयर बांट देना है, किसका, पोस्ट रिजर्व का। पोस्ट रिजर्व में पेरेंट अपना हिस्सा ले लेगा और एनसीआई अपना। पेरेंट का कितना हिस्सा है, इस एग्जाम्पल में 80% लिखा है मैंने, तो पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में पेरेंट का कितना हो गया 2 लाख का 80%, 1.6 लाख। तो एनसीआई का कितना हो गया 2 लाख का 20%, 0.4 लाख। पोस्ट अदर रिजर्व जीरो है, कुछ है ही नहीं, खत्म। प्री वाला एज इट इज छोड़ दो। ये होता है आपका एनालिसिस, ये एकदम बेसिक एग्जांपल था एनालिसिस का। ये सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने आपको बताया थोड़ा आइडिया देने के लिए, अब इसमें और भी एडजस्टमेंट्स आते चले जाएंगे। अब देखो एनालिसिस ऑफ रिजर्व वाला ही स्टेप चल रहा है, सबसे बड़ा स्टेप है, तो इसमें आप कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स आप लोगों को पढ़ने हैं, बस ये एडजस्टमेंट सीख जाओ, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला स्पेशल एडजस्टमेंट है, इफ सब्सिडरी कंपनी इज अक्वायर्ड इन बिटवीन ऑफ अ ईयर, देन प्रॉफिट अर्न्ड बाय सब्सिडरी कंपनी इन दैट ईयर विल बी एलोकेटेड इन प्री एंड पोस्ट पीरियड ऑन टाइम बेसिस। अगर सब्सिडरी कंपनी को मैंने एक ईयर के बीच में अक्वायर किया है, एक साल के बीच में अक्वायर किया है, तो उस साल जो भी वो सब्सिडरी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, उस प्रॉफिट को आपको प्री और पोस्ट पीरियड में टाइम बेसिस पे बांटना पड़ेगा। तो क्या बोला, समझ में नहीं आया तो एग्जाम्पल से समझो, अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखो, मैंने सामने वाली जो कंपनी है रिलायंस, उसको कब खरीदा, एक्विजिशन डेट है 30 जून 2023। बाकी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है जो ऊपर देखा था, बस एक्विजिशन डेट बदल दी। ऊपर वाले एग्जाम्पल में एक्विजिशन डेट मैंने क्या रखी थी 31 मार्च 2023, और अब की बार एग्जाम्पल में मैंने एक्विजिशन डेट क्या रखी है, देखो 30 जून 2023 को मैंने रिलायंस को खरीदा, कंसोलिडेशन डेट है 31 मार्च 2024। ध्यान से सुनिएगा इस एग्जाम्पल में क्या चेंज हुआ। सपोज ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, यहाँ पे बीच में कहीं आ रही होगी 30 जून 2023। तो मैंने आपकी बार क्या बोला, रिलायंस को मैंने खरीदा इस दिन, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल से 31 मार्च का 12 मंथ्स का। रिलायंस को कब खरीदा मैंने, 30 जून को, और CFS कब बनाना है, 31 मार्च को आपको CFS बनाना है, यानी ईयर एंड का CFS बनाना है। Ind AS 110 का एनालिसिस ऑफ रिजर्व कर रहे हैं अपन। अब देखो आपको रिटेन अर्निंग का बैलेंस दे रखा है सब्सिडरी का रिलायंस का, 31 मार्च 2023 का 6 लाख, 31 मार्च 2024 का 8 लाख। देखो ये है 1 अप्रैल 2023, तो 31 मार्च 2023 का सामने वाली कंपनी का रिजर्व का बैलेंस है अपने पास रिटेन अर्निंग का। 31 मार्च 2023 को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 1 अप्रैल 2023, सेम ही बात है ना, 31 मार्च 2023 का जो क्लोजिंग होगा अगले दिन का वही ओपनिंग होगा। तो यानी इस दिन जो रिजर्व का बैलेंस होगा रिलायंस का वो कितना था, 6 लाख। 31 मार्च 2024 को रिजर्व का बैलेंस कितना है, 8 लाख। तो आप मुझे बता सकते हैं करंट पीरियड में, करंट पीरियड कौन सा, इस पीरियड में, इस पीरियड में रिलायंस ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, सर 2 लाख का। इस पीरियड में रिलायंस ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा, 2 लाख रुपीज़ का। तो ये 2 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफिट है, अब इसको आपको प्रॉफिट को बांटना है प्री और पोस्ट में। एनसीआई का शेयर है 20%, पेरेंट का है 80%। एनालिसिस ऑफ रिजर्व करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपको दे रखा है 6 लाख का 31 मार्च 2023 का रिलायंस का रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस, ये कहाँ जाएगा, प्री में या पोस्ट में। सर 31 मार्च 2023 ये कौन सी डेट है, सर ये है 30 जून से पहले की डेट। 30 जून कौन सी डेट है, एक्विजिशन डेट। रिलायंस को मैंने जिस दिन खरीदा था उससे पहले का उसका रिजर्व का बैलेंस मुझे बता रखा है, उससे 3 महीने पहले का उसका रिजर्व का बैलेंस बता रखा है, तो सर वो तो पूरा का पूरा प्री है। तो 6 लाख तो मैंने पूरा का पूरा कहाँ डाल दिया, प्री में डाल दिया, समझ में आया। इसके बाद इंक्रीज कितना हुआ रिलायंस के रिटेन्ड अर्निंग में, सर 2 लाख का, 6 से 8 लाख का बैलेंस हो गया, 2 लाख का इंक्रीज हुआ है। तो सर ये 2 लाख कहाँ डालूँ, सर पोस्ट में डाल दो ना, प्री का 6 लाख था उसमें जितना इंक्रीज हुआ वो पोस्ट में डाल दो। तो बस यहीं आप गलती कर दोगे, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे आप सब्सिडरी कंपनी को मैंने कब खरीदा है, 30 जून 2023 को। तो आप एक चीज़ देखो, ये 30 जून से पहले का ये पीरियड है, 30 जून से पहले का जो पीरियड है वो कौन से पीरियड में काउंट होगा, प्री में काउंट होगा। और 30 जून के बाद का जो पीरियड है
ये कहाँ काउंट होगा, पोस्ट का अकाउंट होगा, यानी करंट ईयर, करंट ईयर के बीच में खरीदा है मैंने सब्सिडियरी को, करंट ईयर के बीच में 30 जून का है, ईयर के बीच में उस दिन सब्सिडियरी को खरीदा, तो 30 जून से पहले के जो 3 महीने हैं करंट ईयर के वो प्री पीरियड काउंट होगा, और 30 जून के बाद का जो टाइम है वो पोस्ट पीरियड काउंट होगा। सिंपल सी बात है, प्री पीरियड का मतलब होता है वो टाइम जब तक एक्विजिशन डेट ना आ जाए, यानी एक्विजिशन डेट तक का टाइम, और पोस्ट पीरियड मतलब एक्विजिशन डेट के बाद वाला टाइम, तो 30 जून से पहले का सब कुछ प्री होगा। क्लियर? तो सर ये जो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है रिलायंस ने, वो कब कमाया? 1 अप्रैल 2023 के बाद से। सर 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो 12 मंथ्स हैं उसमें कमाया, तो 1 अप्रैल 2023 के बाद से जो 12 मंथ्स हैं ना, उसमें से स्टार्टिंग के 3 महीने अप टू 30 जून, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो सर प्री पीरियड है, और 30 जून के बाद के 9 मंथ्स, 30 जून के बाद के अप टू 31 मार्च 2024 9 मंथ्स जो हैं वो पोस्ट पीरियड है, 9 मंथ्स जो हैं वो पोस्ट पीरियड है। यानी करंट ईयर का जो 2 लाख का प्रॉफिट कमाया रिलायंस ने, उसको भी आपको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, उसको भी आपको प्री और पोस्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, रिलायंस ने 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 2 लाख रुपये कमाए, लेकिन ये जो 12 महीने का पीरियड है इसमें स्टार्टिंग के 3 महीने तो प्री में आते हैं और बाद के 9 महीने पोस्ट पीरियड में आते हैं। तो यानी ये 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में थे रिलायंस ने, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में जो प्रॉफिट कमाया होगा वो तो आप प्री में डालना, और बाद के 9 मंथ्स में जो प्रॉफिट कमाया होगा वो पोस्ट में डालना। ठीक है सर, एग्री करते हैं ये बात। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा रिलायंस ने इस टोटल 2 लाख के प्रॉफिट में से स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कितना कमाया था और बाद के 9 मंथ्स में कितना कमाया था? तो सर प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप उसके P&L, उसकी टैली, लेजर कुछ भी देख के पता कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कितना प्रॉफिट था और 9 मंथ्स में बाद में कितना हुआ। सिंपल सी बात है, क्लियर? पर एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में आपको जनरली ये डेटा दे ही नहीं रखा होता कि स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में कितना कमाया, बाद के 9 मंथ्स में कितना कमाया। दे रखा हो तो वैद इट इज़ मान लेना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर एग्जाम में ये डेटा दे नहीं रखा होगा। अब क्या करा जाए, तो आपको फिर एक अजम्पशन लेनी पड़ेगी जो ये इंडेक्स आपको बताता है। क्या बोलता है कि आप प्री और पोस्ट पीरियड में उस प्रॉफिट को टाइम बेसिस के रेशियो में बांट देना, टाइम बेसिस के रेशियो में बांट देना। यानी स्टार्टिंग के 3 मंथ्स प्री हैं, बाद के 9 मंथ्स पोस्ट, यानी 2 लाख के प्रॉफिट को 3:9 के रेशियो में बांट दो, 3:9 के रेशियो में बांट दो, 3 मंथ्स प्री 9 मंथ पोस्ट, 3 मंथ्स जितना प्री में 9 मंथ जितना पोस्ट में। हम ये अजम्पशन लेते हैं कि जो प्रॉफिट कमाया गया 2 लाख का वो इक्वल कमाया गया, हर दिन इक्वल प्रॉफिट कमाया गया। यानी मैं ऐसा बोलूँ 2 लाख का जो प्रॉफिट उसको डिवाइड बाई 365 करो, यानी हर दिन 547.95 रुपीज़, 547.95 जितना रुपीज़ का हर दिन इक्वल प्रॉफिट कमाया कंपनी ने, ये अजम्पशन लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी मान लो डेटा नहीं है तो आप ये अजम्पशन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ले सकते हो, अलाउड है इंडेक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप जो 2 लाख के प्रॉफिट को 3:9 के रेशियो में बांट दो, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 / 12, डिवाइड में 12 कैसे आया, 3 + 9। ऐसे पोस्ट पीरियड में कितना आएगा, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 9 / 12, तो बांट दिया इसको, टोटल हो गया। प्री वाले में कोई हिस्सा दिया जाता नहीं, पोस्ट वाले में पेरेंट और एनसीए को हिस्सा दे दो, खत्म। ये था आपका पहला स्पेशल एडजस्टमेंट। यानी अगर आप सब्सिडी कंपनी को इन बिटवीन ऑफ ए ईयर लेते हो तो उसके जो करंट ईयर के प्रॉफिट को आपको प्री और पोस्ट पीरियड में टाइम बेसिस के रेशियो में बांटना है, इसको मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया। आगे देखिए आप सेकंड स्पेशल एडजस्टमेंट, सेकंड स्पेशल एडजस्टमेंट देखिए आप लोग, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी इन करंट ईयर आफ्टर एक्विजिशन डेट बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट। सामने वाली सब्सिडरी कंपनी है जिसको मैंने खरीदा हुआ है, उस कंपनी ने कोई डिविडेंड बांटा है, कब, करंट ईयर में एक्विजिशन डेट के बाद लेकिन कंसोलिडेशन डेट से पहले। मान लो मैंने सामने वाली रिलायंस को खरीदा 1 अप्रैल 2023 को और CFS बनाना है 31 मार्च 2024, तो ये हो गया आपकी कंसोलिडेशन डेट। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद रिलायंस अगर कोई डिविडेंड पे करती है, रिलायंस कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनी कोई डिविडेंड पे करती है करंट ईयर के बाद, करंट एक्विजिशन डेट के बाद और कंसोलिडेशन डेट से पहले, तो उस डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो अब आपको सीखना है। तो वो ट्रीटमेंट मैं आपको सिखाता हूँ क्यों करते हैं, उसका रीज़न बताता हूँ और फिर ट्रीटमेंट भी आपको बताता हूँ। देखो अब आप लोग, 1 अप्रैल 2023 को मैंने खरीदा रिलायंस को, 31 मार्च 2024 CFS बनाने वाला दिन आपको बोला गया कि इस दिन CFS बनाओ,
इस पीरियड के बीच में रिलायंस ने कोई डिविडेंड पे किया, ठीक है, सब्सिडी ने डिविडेंड पे किया, मैं हूँ पेरेंट कंपनी, मैं भी अपना डिविडेंड पे कर सकता हूँ ना अपने इन्वेस्टर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को, अपने शेयर होल्डर्स को, तो मेरे डिविडेंड से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे सकता है डिविडेंड पेड बाई पेरेंट कंपनी, आप उसको इग्नोर करो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल चलता रहेगा। हमारे जो भी एडजस्टमेंट होते हैं CFS में सारे सब्सिडी से रिलेटेड होते हैं। तो सब्सिडी कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड पे किया है एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट, तो उसका एडजस्टमेंट क्या करेंगे, तो उसके लिए पहले आप रीजन समझो फिर एडजस्टमेंट बताता हूँ। तो देखो, रिलायंस जो है वो अपने SFS बना रही होगी। रिलायंस लिमिटेड ने जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, सपोज उसने 1000 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो वो डिविडेंड जैसे ही डिक्लेयर करेगी वो कहाँ से कम करेगी, अपने रिटेन अर्निंग को कम कर लेगी। डिविडेंड जो पे किया जाता है वो बैलेंस शीट में रिटेन अर्निंग में से पे किया जाता है ना, P&L का अप्रोप्रिएशन होता है, P&L में नहीं जाता, डायरेक्टली बैलेंस शीट में से रिटेन अर्निंग को कम कर लेते हैं, रिटेन अर्निंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डिविडेंड पे कर दिया, ठीक है। तो अपने रिटेन अर्निंग को रिलायंस कम कर लेगी 1000 रुपये से, सपोज उसने 1000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया तो 1000 रुपये से कम कर लेगी। अब उसने 1000 रुपये का ये जो डिविडेंड पे किया ये मिलेगा किसको, आप ये बताओ। तो एक बार के लिए मैं इस क्वेश्चन में अज्यूम कर रहा हूँ, ये दूसरा केस है, एक बार के लिए अज्यूम कर रहा हूँ कि रिलायंस में 100% मेरा स्टेक है, रिलायंस लिमिटेड का 100% शेयर्स मेरे पास है, वो मेरी सब्सिडरी है। तो रिलायंस ने जो 1000 रुपये का डिविडेंड दिया वो किसको मिलेगा, रिलायंस के शेयर होल्डर्स को, वो बताओ कौन है, मैं ए लिमिटेड, वो कौन है, मैं ए लिमिटेड, यानी रिलायंस का जो शेयर होल्डर है वो मैं हूँ। सारा का सारा 1000 रुपये का डिविडेंड मुझे मिलने वाला है तो ए लिमिटेड, मैं अपने सेपरेट बुक्स में क्या करूँगा, डिविडेंड की इनकम बुक करूँगा, P&L के अंदर लेके जाऊँगा ना बाई डिविडेंड इनकम करके, पुराना ट्रेडिशनल P&L याद करूँगा, बाई डिविडेंड इनकम करके P&L में ले जाऊँगा, ठीक है, अल्टीमेटली मेरी रिटेन अर्निंग को बढ़ा लूंगा। देखो P&L का जो प्रॉफिट लॉस का बैलेंस आता है वो जाके कहाँ एक्यूमुलेट होता है, बैलेंस शीट में, रिटेन अर्निंग, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है P&L का एक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो यानी ए लिमिटेड को डिविडेंड की इनकम मिलेगी और मैं ले जाके P&L में ले जाऊंगा, P&L का बैलेंस एक्यूमुलेट हो जाएगा रिटेन अर्निंग में, यानी मेरा रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा, सब्सिडी कंपनी अगर डिविडेंड पे करती है तो उसका तो रिटेन अर्निंग कम होगा और वो डिविडेंड मिलेगा मुझे, मेरा रिटेन अर्निंग बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आती है, बिल्कुल नॉर्मल है, अपने अपने SFS में ये अकाउंटिंग कर लेंगे, SFS को अपने को छेड़ना भी नहीं है, अपन SFS की अकाउंटिंग पे ध्यान भी नहीं देते, अपने को तो CFS की अकाउंटिंग सीखनी है। अब ये रैंक का जब CFS बनाएंगे, ए लिमिटेड रिलायंस लिमिटेड के साथ मिलकर CFS बनाएगी तो क्या होगा, देखो अब ए लिमिटेड अपनी खुद की कैपिटल लेगी और अपने खुद के रिटेन अर्निंग लेगी, सब्सिडी के अपन रिटेन अर्निंग वगैरह नहीं लेते हैं, उसके तो नेट असेट्स लेते हैं। तो अब ए लिमिटेड अपना खुद का जब रिटेन अर्निंग का बैलेंस लेगी, मैं अपना जब रिटेन अर्निंग का बैलेंस लूंगा CFS बनाते वक्त, तो उस रिटेन अर्निंग में पता है क्या इंक्लूडेड होगा, वो जो डिविडेंड मेरे को रिलायंस से मिला था, मेरी सब्सिडी से जो मुझे डिविडेंड मिला था वो भी इस रिटेन अर्निंग में ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, बिल्कुल इंक्लूडेड होगा। और ये CFS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और रिलायंस ये दोनों एक कंपनी है, मैंने बोला था CFS क्या रिप्रेजेंट करता है, दोनों कंपनी एक ही कंपनी है ये मानते हुए अपनी बैलेंस शीट बनाती है कि हम दोनों एक हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। ए लिमिटेड और रिलायंस लिमिटेड अगर एक ही हैं तो उनका रिटेन अर्निंग के अंदर वो डिविडेंड कैसे आ सकता है जो उसने खुद को ही दिया हो। अब रिलायंस और ए लिमिटेड एक ही बन गए तो कोई कंपनी क्या खुद को ही डिविडेंड पे कर सकती है, मैं क्या अपने आप को ही डिविडेंड दे सकता हूँ, मैं ऐसा बोलूँ रिलायंस लिमिटेड ने खुद को ही डिविडेंड दे दिया, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। कोई कंपनी अपने आप को ही डिविडेंड कैसे दे सकती है, इसे हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप आइटम। रिलायंस ने डिविडेंड पे दिया, रिलायंस ने डिविडेंड पे किया, मिला किसको, ए लिमिटेड को, तो ए लिमिटेड कौन है, रिलायंस का पेरेंट, रिलायंस मेरी क्या है, सब्सिडरी, ये जो डिविडेंड पे किया है उसने पे किया है, मिला है मुझे, यानी इंट्रा ग्रुप है, पेरेंट और सब्सिडरी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, पेरेंट और सब्सिडरी के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, इसे अपन बोलते हैं इंट्रा ग्रुप आइटम, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। यानी सब्सिडरी कंपनी अगर कभी कोई डिविडेंड पे करती है तो जनरली मिलेगा किसको, पेरेंट कंपनी को, पेरेंट कंपनी को मिलेगा, यानी इसे हम बोलते हैं इंट्रा ग्रुप आइटम। और इंट्रा ग्रुप आइटम जो होते हैं वो CFS बनाते वक्त आपको एलिमिनेट करने होते हैं, खत्म करने होते हैं। क्यों खत्म करने होते हैं, सिंपल सा रीजन है, ए लिमिटेड और रिलायंस लिमिटेड अपने आप को एक मानते हुए अपनी बैलेंस शीट प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें अब आप बोलो कि मैंने अपने आप को ही डिविडेंड दिया, उस बैलेंस शीट में आप दिखाओ मैंने अपने आप को ही डिविडेंड दिया, क्या वो सही होगा, वो गलत होगा, वो सही नहीं है। तो उस ट्रांजेक्शन को आपको कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेट करने का ये मतलब है, ये मानना है अगर वो ट्रांजेक्शन नहीं होता तो, अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं होता तो क्या बैलेंसेस होते, ये मानते हुए आपको CFS में कंसीडर करना है। तो अब आप देखिए इसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आया।
इस रिलायंस ने जो डिविडेंड बांटा था उसकी वजह से इम्पैक्ट कहाँ कहाँ गया, उस इम्पैक्ट को आपको रिवर्स कर देना है, उस इम्पैक्ट को आपको CFS बनाते वक्त रिवर्स कर देना है ताकि उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाए। तो रिलायंस ने जब डिविडेंड डिक्लेयर किया तो अपना रिटेंड अर्निंग, रिलायंस ने क्या किया था, अपना रिटेंड अर्निंग कम किया था, रिलायंस ने अपना रिटेंड अर्निंग कम किया था, तो रिटेंड अर्निंग यानी रिजर्व का बैलेंस उसने कम किया था। तो यानी रिलायंस के रिजर्व को अब मुझे वापस एडबैक करना है, तो रिलायंस के रिजर्व को आप छेड़ते कहाँ हो, CFS बनाते वक्त प्रोसीजर याद करो, अभी वही तो बता रहा हूँ, स्टेप नंबर 5 एनालिसिस ऑफ रिजर्व, इसी में तो आप उसके रिजर्व को छेड़ते हो। तो रिलायंस के रिजर्व में आपको कुछ छेड़खानी करनी है, क्या छेड़खानी करनी है वो समझो आप लोग। रिलायंस के रिटेंड अर्निंग ने, रिलायंस ने अपने रिटेंड अर्निंग को क्या किया था, कम किया था, रिलायंस ने अपने रिटेंड अर्निंग को कम किया था जब डिविडेंड बांटा था। अब हमें उसका इफेक्ट रिवर्स करना है तो उसके रिटेंड अर्निंग को वापस से बढ़ाना है, रिलायंस के रिटेंड अर्निंग को ऐड करना है, यानी रिलायंस के रिटेंड अर्निंग में 1000 रुपीज़ का जो डिविडेंड इसने बांटा था वो ऐड बैक करना है, वो ऐड बैक करना है। तो रिलायंस के रिटेंड अर्निंग में अपन 1000 रुपीज़ ऐड बैक करेंगे। लेकिन सर एनालिसिस में अभी हमने पढ़ा था, एनालिसिस ऑफ रिजर्व में हमने पढ़ा था दो कॉलम बनते हैं, एक प्री का और एक पोस्ट का। प्री रिजर्व में एडबैक करें कि पोस्ट में एडबैक करें, रिलायंस के प्री रिजर्व में एडबैक करें कि पोस्ट रिजर्व में एडबैक करें, ये तो बताओ। आपने बोला रिलायंस के रिटेंड अर्निंग में ऐड करना है, समझ में आ गया लॉजिक CFS बनाते वक्त। SFS में आप कुछ नहीं करोगे, उनके SFS में एज इट इज डिविडेंड दिखेगा, रिलायंस का पे करा हुआ दिखेगा, ए लिमिटेड का मिला हुआ दिखेगा। CFS की बात कर रहे हैं तो CFS में रिलायंस के रिजर्व को वापस एडबैक करना है इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो रिलायंस के रिटेंड अर्निंग में ऐड तो करना है, पर रिलायंस के प्री रिजर्व में ऐड करें कि पोस्ट वाले में ऐड करें, ये तो बताओ। तो आप एक बार खुद सोचो कि कहां ऐड होना चाहिए। ये देखो रिलायंस ने जो प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटा है, जो डिविडेंड बांटा वो कब बांटा है, हम बोले हैं एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट। कब बांटा है, एक्विजिशन डेट के बाद, एक्विजिशन डेट के बाद बांटा है डिविडेंड। तो यानी इस ईयर के प्रॉफिट में से ही बांटा होगा, जो डिविडेंड दिया जाता है वो यही अजम्पशन पे दिया जाता है कि जिस ईयर में दे रहे हैं डिविडेंड उसी ईयर के प्रॉफिट में दे रहे होंगे। इस ईयर में डिविडेंड बांटा तो इस ईयर के प्रॉफिट में से दे रहे होंगे। तो ये ईयर कहाँ पे आ रहा है, पूरा का पूरा पोस्ट के अंदर आ रहा है जनरली, ठीक है। इसमें एक और केस होगा वो थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, पर ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये कौन से पीरियड का है, पोस्ट पीरियड का है। तो यानी डिविडेंड बांटा गया पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट में से, तो एडबैक भी पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट में करो, यानी पोस्ट रिजर्व में एडबैक भी कहाँ करेंगे, पोस्ट रिजर्व में। समझ में आता है, अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रखिए, क्योंकि याद रखने से भी आपका प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम पर दोनों सॉल्व होंगे, पर आप जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप कभी भूल भी जाते हैं तो आप याद करके लिख पाएंगे एडजस्टमेंट क्या होता है, सोच के लिख पाएंगे। समझ में आया, तो एक एडजस्टमेंट ये हो गया। कभी भी ध्यान रखना, जब भी एडजस्टमेंट होंगे CFS में तो एक जगह नहीं होगा, दो जगह होंगे कम से कम। आप खुद से सोचो, जो अकाउंटिंग होती है वो डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, तो एक चीज़ का इफेक्ट दो जगह जाता है, एक जगह नहीं जाता है सिर्फ, तो इसका इफेक्ट एक और जगह जाएगा। तो रिलायंस ने जो डिविडेंड बांटा था, रिटेंड अर्निंग कम किया था, हमने उसके रिटेंड अर्निंग को बढ़ा दिया CFS में, कहाँ, पोस्ट रिजर्व में। तो एनालिसिस ऑफ रिजर्व करेंगे तो उसके पोस्ट रिजर्व में ऐड कर देंगे डिविडेंड जितना उसने डिक्लेयर किया होगा। दूसरा इंपैक्ट बताओ कहां गया होगा, दूसरा क्या हुआ, इसका जो रिटेंड अर्निंग, रिलायंस ने जो डिविडेंड बांटा था, डिविडेंड बांटा था वो मिला किसको था, मुझे, पेरेंट ए लिमिटेड को। तो मैंने ये डिविडेंड कहां बुक किया था, अपने P&L में, और उससे मेरा रिटेंड अर्निंग बढ़ गया था। तो CFS बना रहा होगा तो मेरे रिटेंड अर्निंग में वो इंक्लूडेड बैलेंस आ रहा होगा ना, इंक्लूडिंग जो डिविडेंड मुझे मिला है, डिविडेंड की इनकम जो आई है वो भी तो इसमें इंक्लूडेड होगी, यानी मेरा रिटेंड अर्निंग बढ़ा हुआ दिख रहा होगा। तो अब मेरे को इसका इफेक्ट रिवर्स करना है, तो इस रिटेंड अर्निंग में से हटाना पड़ेगा, इस रिटेंड अर्निंग में से हटाना पड़ेगा। वो डिविडेंड मुझे मिला होगा रिलायंस से तो मैंने P&L में दिखाया होगा, मेरा रिटेंड अर्निंग बढ़ गया होगा, लेकिन मुझे इसका इफेक्ट रिवर्स करना है, खत्म करना है, तो इसमें बढ़ा हुआ है ये बैलेंस पहले से, अब इसमें से हटाना है, यानी इसमें से रिवर्स करना है, लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने रिटेंड अर्निंग में से, मैं कौन, ए लिमिटेड की बात कर रहा हूं, ए लिमिटेड यानी पेरेंट कंपनी अपने खुद के रिटेंड अर्निंग के बैलेंस को कम करेगा, क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूडेड है जो उसे एज ए इनकम मिला था रिलायंस से, तो वो हटाना पड़ेगा। अब आपको एक चीज और बताता हूं, नई चीज, जब CFS आप बनाते हो, CFS जब बनाते हो तो उसके अंदर रिटेंड अर्निंग आता किसका, पेरेंट का ही आता है, पर इसे हम बोलते हैं CFS बनाते वक्त ग्रुप रिटेंड अर्निंग, ठीक है, ग्रुप रिटेंड अर्निंग या कंसोलिडेटेड रिटेंड अर्निंग या फिर कंसोलिडेटेड रिजर्व या ग्रुप रिजर्व कुछ भी बोल दिया जाता है। तो एक बार के लिए हम वर्डिंग काम में लेंगे ग्रुप रिटेंड अर्निंग, पूरे चैप्टर में आप जब भी ग्रुप रिटेंड अर्निंग वर्डिंग लिखे आए समझ जाना मैं पेरेंट के P&L में एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पेरेंट के P&L। तो ग्रुप रिटेंड अर्निंग में आप मेरे को क्या करना है, लेस करना है, किसमें, ग्रुप रिटेंड अर्निंग में, क्यों किया, क्योंकि पेरेंट कंपनी को डिविडेंड मिला होगा, उसने अपने P&L में दिखाया होगा और उससे उसका रिटेंड अर्निंग बढ़ गया होगा, तब इसका इफेक्ट रिवर्स करना है, तो पेरेंट का अपने रिटेंड अर्निंग में से हटाना है, यानी ग्रुप रिटेंड अर्निंग। पेरेंट की रिटेंड अर्निंग में अगर कोई भी एडजस्टमेंट करना रहा तो हम वर्डिंग काम में लेंगे क्या, ग्रुप रिटेंड अर्निंग। तो ग्रुप रिटेंड अर्निंग में से लेस कर देंगे 1000 का डिविडेंड, खत्म, बस ये एडजस्टमेंट आपका डिविडेंड का, ये एडजस्टमेंट आपका डिविडेंड का। यानी सब्सिडियरी कंपनी कोई भी डिविडेंड पे करती है आफ्टर एक्विजिशन डेट बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट, तो उसका एडजस्टमेंट क्या करोगे, सब्सिडियरी के रिजर्व में ऐड कर दो, रिटेंड अर्निंग में, पोस्ट के अंदर जनरली, और पेरेंट को मिलाया तो पेरेंट अपने ग्रुप रिटेंड अर्निंग में से कम कर लेगा।
इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है, आप दूसरे एग्जांपल समझो इसका। अब की बार रिलायंस में मेरा 100% स्टेक नहीं है, था बहुत 80% स्टेक है। कितना स्टेक है? 80%। रिलायंस ने कितना डिविडेंड बांटा? 1000। अब ये डिविडेंड बताओ मिलेगा किसको? इसका 80% तो मिलेगा पेरेंट को, ए को, कितना? 800। और इसका 20% किसको मिलेगा? बाकी के शेयर होल्डर्स को। भाई जिसका जिसका जितना स्टेक होगा उसको उतना ही तो डिविडेंड मिलेगा। तो 1000 का 20% यानी एनसीआई वाले लोगों को 200 का डिविडेंड मिलेगा। तो अब की बार इसका इफेक्ट कैसे रिवर्स करोगे? देखो रिलायंस ने अपना रिटेन अर्निंग कम किया तो रिलायंस में तो ऐड कर दो 1000 रुपीज़। लेकिन अब की बार देखो क्या होगा, ये रिटेन अर्निंग मिला किसको, ये डिविडेंड की इनकम मिली किसको? पेरेंट को। मुझे कितने मिली? 800। तो मैंने अपने ग्रुप रिटेन अर्निंग में कितना डाला होगा? 800। तो वहाँ से हटाना है तो 800। अब की बार मैं हटाऊंगा 800। और ऐसे ही एनसीआई के लोगों को कितना मिला है? 200 का। तो उनके एनसीआई की वैल्यू बढ़ी होगी ना, जब उनको एनसीआई वालों को डिविडेंड मिला होगा तो उनकी वैल्यू बढ़ी होगी 200 रुपये से। तो अब उसमें से भी 200 हटाना है, 200 एनसीआई में से हटाएंगे। तो आपका अल्टीमेट जो एडजस्टमेंट होगा डिविडेंड का, वो देखिए क्या होगा। सब्सिडी कंपनी कोई भी डिविडेंड पे करती है एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट, तो ये इंटर ग्रुप आइटम है, सीएफएस में एलिमिनेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सब्सिडी कंपनी के रिजर्व में एडबैक करो एनालिसिस ऑफ रिजर्व के अंदर। कैसे करेंगे वो आपको और डिटेल में अभी बताऊंगा। अब चार्ट के सेकंड एरो में देखिए क्या लिखा है मैंने, शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी डिविडेंड पेड बाई सब्सिडी कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रुप आरई। पेरेंट अपना शेयर ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से कम कर लेगा। ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग की कैलकुलेशन में स्टेप 9 में आपको सिखाऊंगा, तो वहां इसका ऑटोमेटिक रेफरेंस आ जाएगा। इसके बाद एनसीआई को जितना डिविडेंड होगा सब्सिडी के डिविडेंड में, एनसीआई अपनी वैल्यू कम कर लेगा क्योंकि उसने पहले बढ़ा रखी होगी। तो स्टेप 7 में वो एडजस्टमेंट बता दूंगा, स्टेप 7 में एनसीआई निकालते वक्त वहां उसका इफेक्ट ले लेंगे। ठीक है, सारे इफेक्ट आपस में लिंक हो जाएंगे। देखो सीएफएस में सारे स्टेप्स पढ़ोगे तो लिंकेज बनता है, आपको लेक्चर में भी बताया था जब हमने सारे लेक्चर डिटेल में पढ़े थे। तो अब आप रिविजन वीडियो से कर रहे हो तो भी वापस बता रहा हूं, आपको सारे स्टेप्स एक साथ देखने पड़ेंगे तब लिंकेज बनेगा, तो आप सुनते जाओ। अब देखो जो सब्सिडी कंपनी है इसका मैंने क्या बोला, पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में जनरली एडबैक करता है, तो वो मैं आपको समझा दिया था। उसका डिटेल में सिनेरियो की बात और करनी है, पर उससे पहले एक एग्जांपल देख लो। एक्विजिशन डेट है 31 मार्च 2023, कंसोलिडेशन डेट 31 मार्च 2024। सब्सिडी का रिटेन अर्निंग 31 मार्च 2023 का 3 लाख था, 31 मार्च 2024 का 8 लाख। डिविडेंड जो सब्सिडी ने पे किया कब किया? 1 नवंबर 2023 को 40,000 रुपीज़ का। पेरेंट का शेयर 80% है, एनसीआई 20% है। तो यहाँ पे देखो एनालिसिस ऑफ रिजर्व ऑफ सब्सिडी करते हैं, जो 31 मार्च 2023 को उसका रिटेन अर्निंग था वो पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाएगा, उसकी बात ही नहीं करनी। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग देखो कितना हुआ इसका, 8 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख का बढ़ा 31 मार्च 2023 के बाद से। वो पूरा का पूरा पीरियड पोस्ट पीरियड है क्योंकि हमने 31 मार्च 2023 को खरीदा था, तो 5 लाख मैंने पूरा इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग कहाँ डाल दिया? पोस्ट में डाल दिया। अब देखो इस क्वेश्चन में डिविडेंड भी बता रखा है, जो सब्सिडी ने पे किया तो इसका एडजस्टमेंट आपको देना पड़ेगा। डिविडेंड कब पे किया? 1 नवंबर 2023 यानी एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट, तो इसका एडजस्टमेंट होगा। 40,000 का डिविडेंड पे किया सब्सिडी ने, तो कहाँ ऐड बैक कर दें? सब्सिडी के रिटेन अर्निंग में, पोस्ट के अंदर। पोस्ट रिटेन अर्निंग में 40,000 ऐड कर दिया, टोटल आ गया प्री पोस्ट का। पेरेंट को शेयर दे दो, एनसीआई को दे दो, पोस्ट के अंदर खत्म। अब डिविडेंड जो बांटा सब्सिडी ने उसमें पेरेंट अपना शेयर अपने ग्रुप रिटेन अर्निंग में से कम करेगा और एनसीआई अपना शेयर एनसीआई की वैल्यू में से कम करेगा, अपने रेस्पेक्टिव स्टेप्स जहां पे अपन कैलकुलेशन सीखेंगे। तो 40,000 का 80% पेरेंट का शेयर है, 30,000 जो ग्रुप आरई में से कम कर लेगा। एनसीआई का 20% शेयर है 40,000 के डिविडेंड में यानी 8,000 वो अपने एनसीआई की वैल्यू में से कम कर लेगा। इस तरीके से डिविडेंड का टोटल एडजस्टमेंट होगा। सिंपल था ये। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, एक्विजिशन डेट है 30 जून, पूरा एग्जांपल सेम है, बस आपकी बार एक्विजिशन डेट क्या होगी? 30 जून 2023। 31 मार्च का रिटेन अर्निंग 23 का, 31 मार्च 2024 का रिटेन अर्निंग का बैलेंस। डिविडेंड सब्सिडी ने वही बांटा 1 नवंबर 2023 के बाद 40,000 का, आपको स्टेक बता रखे हैं एनसीआई और पेरेंट का। अब देखो एनालिसिस ऑफ रिजर्व में क्या होगा, 31 मार्च 2023 का जितना भी बैलेंस है वो तो प्री, 31 मार्च 2023 के बाद जो बैलेंस में इंक्रीज आया कितना, 8 लाख माइनस 3 लाख 5 लाख का रिटेन अर्निंग में, वो प्री में जाएगा कि पोस्ट? सर वो करंट ईयर के बीच में सब्सिडी को अक्वायर किया हुआ है इस क्वेश्चन में 30 जून को, तो प्री और पोस्ट में टाइम बेसिस के रेशियो में बांटा जाएगा, 3:9 के रेशियो में बांट दो इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग को। क्लियर? डिविडेंड कंपनी ने बांटा है सामने वाली ने 40,000 का, तो सर पोस्ट में ऐड करते हैं ना, पोस्ट में कर दो। बस यहाँ पे एक ट्रिक है, डिविडेंड जब आप सब्सिडी के प्रॉफिट में एनालिसिस में ऐड करोगे तो आपको देखना है क्या सब्सिडी को इन बिटवीन ए ईयर अक्वायर किया हुआ है। सब्सिडी को अगर अपन ने इन बिटवीन ए ईयर अक्वायर किया तो जो डिविडेंड एडबैक करोगे ना वो आपको फिर प्री और पोस्ट पीरियड में टाइम बेसिस के रेशियो में एडबैक करना पड़ेगा, यानी 40,000 के डिविडेंड को भी 3:9 के रेशियो में प्री और पोस्ट पीरियड में एडबैक करना, जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में किया।
समझ में आया। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो सब्सिडी ने जो डिविडेंड बांटा वो करंट ईयर में बांटा है, तो करंट ईयर के प्रॉफिट से बांटा होगा। करंट ईयर का प्रॉफिट बताओ 3 मंथ तो प्री है और 9 मंथ पोस्ट है, तो डिविडेंड भी 3 मंथ प्री होगा 9 मंथ पोस्ट होगा। इसलिए यहाँ पे जब एडबैक भी करोगे तो 3:9 के रेशियो में करोगे। तो बस यही एक स्पेशल चीज़ थी, बाकी सबको सेम है। इनका पोस्ट में शेयर ले लिया और एनसीआई और पेरेंट अपना अपना डिविडेंड का शेयर रेस्पेक्टिव जगह से लेस कर लेंगे, ग्रुप आर ई और एनसीआई में से, बाकी कुछ अलग नहीं था। तो इसी एग्जांपल की वजह से यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है। सब्सिडी के रिजर्व्स में जब आप एडबैक करोगे डिविडेंड जो सब्सिडी ने पे किया, तो अगर सब्सिडी को आपने ऑन और बिफोर बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर परचेस कर रखा था, तो डिविडेंड सारा का सारा आप पोस्ट वाले में ऐड कर दो। लेकिन अगर आपने सब्सिडी को इन बिटवीन एक करंट ईयर अक्वायर कर रखा है, तो डिविडेंड आपको करंट ईयर में प्री और पोस्ट जो प्रॉफिट है उसमें टाइम बेसिस के रेशियो में एडबैक करना पड़ेगा। यही इस चार्ट में मैंने लिखा हुआ है, एग्जांपल से आपको समझा भी दिया, उसका लॉजिक भी बता दिया। तो ये हो गया आपका डिविडेंड का एडजस्टमेंट कंप्लीट। अब देखिए डिविडेंड के एडजस्टमेंट में एक और बात, मैंने यहाँ पे वर्डिंग बार बार बोली है कि डिविडेंड कौन सा होना चाहिए जो सब्सिडरी बांटे, पेरेंट कंपनी। मैंने अगर कोई डिविडेंड बांटा है तो वो मेरे शेयर होल्डर्स को मिल गया होगा, उसका आपको कोई कुछ भी नहीं करना है, सब्सिडरी का बांटा हुआ होना चाहिए। इसके बाद मैंने बोला वो एक्विजिशन डेट के बाद बांटे बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट, तो उसका ही एडजस्टमेंट करेंगे, उसके अलावा कोई और डिविडेंड का एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। वो क्यों नहीं करेंगे वो समझो, सब्सिडरी कंपनी ने देखो एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट डिविडेंड बांटा तो ही उसका एडजस्टमेंट होगा, वरना नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा तो उसका समझो, 1 अप्रैल 2023 को मैंने सब्सिडरी को खरीदा, उस दिन से पहले अगर मान लो सब्सिडी ने कोई डिविडेंड बांटा है, 1 अप्रैल 2023 से पहले सामने वाले ने कोई डिविडेंड बांटा है, तो बताओ उस डिविडेंड बांटने से मुझे क्या लेना देना। मैंने उस कंपनी को अपना बनाया ही कब, 1 अप्रैल 2023, उससे पहले उसने जो डिविडेंड बांटा उसमें ना मेरा कोई हक है ना मुझे उससे कोई लेना देना है। तो उसने जो बांटा वो सब रिकॉर्ड कर लो, जिनको भी मिला होगा उसको आपको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी रिलेशनशिप तो उसके साथ कभी स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 2023, ठीक है। इसके बाद देखो 31 मार्च 2024 तक उसको डिविडेंड बांटना है, यानी कंसोलिडेशन की डेट तक, तो ये एडजस्टमेंट करोगे। उसके बाद अगर वो डिविडेंड बांटता है तो भी एडजस्टमेंट नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, मान लो सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा 15 अप्रैल 2024 को, इस दिन डिक्लेयर किया डिविडेंड, तो इसका कोई एडजस्टमेंट करेंगे इस CFS में 31 मार्च 2024 वाले में नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये करंट ईयर में बांटा ही नहीं गया, तो करंट ईयर के प्रॉफिट को इम्पैक्ट ही नहीं करता, तो उसके CFS में कोई इम्पैक्ट उसका रिवर्स कर रहे हो। ये कौन से प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, 15 अप्रैल वाला जो डिविडेंड है अगले साल के प्रॉफिट को इम्पैक्ट करेगा, तो अगले साल का जब CFS बनाएंगे तब लेंगे इसका एडजस्टमेंट। तो सर हमने तो एक चीज़ पढ़ी थी प्रपोज डिविडेंड के नाम से बचपन में, तो भाई साहब वो चीज़ बंद हो चुकी है, वो उसको बंद हुए बहुत टाइम हो चुका है। AS में भी इसका चेंज कर दिया गया था, अपन रेस्पेक्टिव इंडेक्स में इस चीज़ को समझेंगे भी। अब प्रपोज डिविडेंड को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, डिविडेंड जिस दिन एक्चुअल में डिक्लेयर होता है ना, बस वो डेट को कंसीडर किया जाता है और उस डेट के अकॉर्डिंग उसी ईयर में डिविडेंड रिकॉर्ड किया जाता है। तो 31 मार्च 2024 तक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ही नहीं था, तो इग्नोर करो, कुछ नहीं करना। अगले साल हुआ है ये 15 अप्रैल को, तो अगले साल की अकाउंटिंग में आएगा, अगले साल के CFS में इसका इम्पैक्ट डालेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये था पूरा डिविडेंड का एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट। ये कंप्लीट आपका स्पेशल एडजस्टमेंट में, दो एडजस्टमेंट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब देखो आप लोग आगे, थर्ड स्पेशल एडजस्टमेंट, इंपैक्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडियरी कंपनी। ये क्या है एडजस्टमेंट, ये और सीख लो आप। ये सभी एडजस्टमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसके पीछे आपका लॉजिक समझने में थोड़ा कंसंट्रेशन दिखाना पड़ेगा अच्छे से। पूरा चैप्टर ही ये लॉजिकल है, तो आप कंसंट्रेशन रखना तो ही समझ में आता है। बाकी जो लेक्चर में आपको सिखा रखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जो लोग डायरेक्टली केवल यूट्यूब से रिविजन वीडियो सीख रहे हैं उनके लिए ये बात बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मुझसे पढ़ा नहीं होगा तो केवल रिविजन वीडियो से देख रहे हैं। तो आप कंसंट्रेशन रखो, सब समझ में आएगा, बस कंसंट्रेशन फोकस पूरा आपको डिटेल रखना पड़ेगा इस वाले एडजस्टमेंट को सीखने के लिए। देखो इम्पैक्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज की जो एक्विजिशन डेट को फेयर वैल्यू थी, सुन लो वापस से, सब्सिडी कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज की जो एक्विजिशन डेट को फेयर वैल्यू थी उसका इम्पैक्ट आपको डालना है। तो सर सब्सिडी की असेट लाइबिलिटीज की एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू का कौन सा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्यों डाल रहे हैं, उसका कोई रीज़न है क्या? बिल्कुल रीज़न है, अभी समझा देता हूँ क्या रीज़न है। देखो मैं हूँ ए लिमिटेड, सामने रिलायंस लिमिटेड, मैंने इसको खरीद लिया का 1 अप्रैल 2023 को। तो 1 अप्रैल 2023 को जब मैंने रिलायंस को खरीदा, अभी एक्विजिशन डेट की बात करते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन आप रिवाइज करके रखिएगा, मैंने बोला उसका पूरा लिंक आएगा तो अब यहाँ पे उसी का लिंक है।
जब मैं एक कंपनी को खरीदता हूँ एक्विशन डेटा आज 1 अप्रैल 2023, तो मैं उसकी नेट असेट टेक ओवर करता हूँ। बिजनेस कॉम्बिनेशन का स्टेप नंबर 4 था आपका नेट असेट टेक ओवर करने वाला। तो सामने वाली कंपनी की अपन जब नेट असेट टेक ओवर करते थे वहाँ, तो किस पे टेक ओवर करते थे? फेयर वैल्यू पे। CFS में हम उसकी नेट असेट्स लेते थे फेयर वैल्यू पे, और डिफरेंस PC और नेट असेट्स की फेयर वैल्यू का डिफरेंस कहाँ जाता था? गुडविल और कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो सामने वाले की नेट असेट्स अपन किस पे लेते थे? फेयर वैल्यू पे लेते थे, यानी डे वन पे सामने वाली सब्सिडियरी कंपनी की नेट असेट्स फेयर वैल्यू पे ली जाती है। नेट असेट्स का मतलब असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, यानी उसके असेट्स और लाइबिलिटीज किस पे ली जाती है? फेयर वैल्यू पे। और फिर गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है, उसके अकॉर्डिंग गुडविल कैपिटल रिजर्व निकाला जाता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं सामने वाली CFS एट ईच ईयर एंड का जब बना रहे हैं, 31 मार्च 2024 का जब CFS बना रहे हैं, तो हम सामने वाली कंपनी के रिजर्व्स का एनालिसिस कर रहे हैं। पॉश रिजर्व में तो अपन उसका हिस्सा ले लेंगे, खत्म बात। प्री रिजर्व जो होते हैं उसके, सामने वाली कंपनी के जो प्री प्रॉफिट प्री एक्विजिशन रिजर्व्स होते हैं, एक्विजिशन डेट तक के रिजर्व, वो हम पता करते हैं। क्यों पता करते हैं? ताकि उसकी एक्विजिशन डेट की डे वन के उसका नेट असेट्स का बैलेंस पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डे वन की उसकी शेयर कैपिटल मिल जाए हमें सामने वाली कंपनी की। सामने वाली जो कंपनी है उसकी डे वन की शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व अगर हमें मिल जाएंगे, डे वन के शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व मिल जाएंगे, तो डे वन की नेट असेट्स के बराबर होंगे, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज के बराबर ही होंगे ना, असेट्स माइनस लाइबिलिटीज के बराबर ही होंगे डे वन की शेयर कैपिटल और रिजर्व। तो शेयर कैपिटल मैंने क्या बोला, जो आज के दिन है रिलायंस की बुक्स में वही डे वन पे होगी, अज्यूम कर लेना। और रिजर्व मैंने निकालना सिखाई दिया आपको, प्री रिजर्व प्री एक्विजिशन रिजर्व निकालना बता दिया ना, कैसे निकालते हैं एनालिसिस करके। तो सर इससे डे वन की सामने वाली कंपनी की नेट असेट्स तो आपको पता चल जाएंगी, पर आप मुझे एक बात बताओ, ये नेट असेट्स कौन सी आएंगी? सर ये नेट असेट्स आएंगी बुक वैल्यू के ऊपर, ये नेट असेट्स आएंगी बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट सामने वाली की बुक्स में। कैरिंग अमाउंट, यार देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व तो बुक्स के अंदर आता है ना, ये तो कैरिंग अमाउंट पे आएंगी। ये नेट असेट्स किस पे आएगी? कैरिंग अमाउंट पर। डे वन पे हम उसकी नेट असेट्स को किस पे टेक ओवर करते हैं? फेयर वैल्यू पे। तो सर इसमें तो फेयर वैल्यू का इंपैक्ट ही नहीं है, तो हमें फेयर वैल्यू इंपैक्ट डालना पड़ेगा डे वन पे। इसकी असेट्स और लाइबिलिटीज में कोई फेयर वैल्यू में चेंजेस था रिलायंस की असेट्स लाइबिलिटीज में, तो उसका इंपैक्ट भी डालना पड़ेगा। सब्सिडियरी कंपनी की असेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी फेयर वैल्यू का इंपैक्ट इसमें अगर और डाल देंगे तो फेयर वैल्यू पे हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, ये जो हम ले रहे हैं शेयर कैपिटल और रिजर्व, ये नेट असेट्स बुक वैल्यू पे आ जाएंगी। ये मैंने आपको बता दिया बुक वैल्यू पे क्यों आएंगे, क्योंकि हम डे वन के उसके बुक्स में क्या रिजर्व होंगे वही तो पता करना चाह रहे हैं, तो बुक वैल्यू पे आएंगे। अब मुझे क्या करना है, इनको फेयर वैल्यू पे चाहिए डे वन पे गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालने में, तो इसमें फेयर वैल्यू का इंपैक्ट और डाल दें अपन। फेयर वैल्यू का इंपैक्ट डालने के लिए एक बार के लिए समझो, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। डे वन पर सामने वाली जो कंपनी थी, सामने वाली जो रिलायंस कंपनी थी, उसकी बुक्स में पीपी आ रहा था 1 लाख रुपीज का कैरिंग अमाउंट, और उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी 1,20,000। बाकी असेट्स और लाइबिलिटीज का कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू बराबर थी, बट उसकी बुक्स में एक पीपी आ रहा था जो 1 लाख का कैरिंग अमाउंट था, 1,20,000 की उसकी फेयर वैल्यू थी, यानी 20,000 से उसकी एक असेट की फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। यानी एक बार के लिए मैं मानूं, सामने वाली कंपनी की शेयर कैपिटल तो थी 1 लाख, प्री रिजर्व मैंने पता करे वो आए 50,000, तो ये आ गई नेट असेट कितनी? 1,50,000, लेकिन आई बुक वैल्यू पे। तो अब इसको फेयर वैल्यू पे लाना है, तो क्या करूँ? सामने वाली कंपनी जो सब्सिडी की असेट्स और लाइबिलिटीज की डे वन पर एक्विजिशन डेट पे जो भी फेयर वैल्यू थी उसका इंपैक्ट डाल दो, तो केवल पीपी की जो फेयर वैल्यू है वो 20,000 से ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट पे, तो नेट असेट 20,000 से बढ़ा दो, 1,70,000 हो गई नेट असेट्स की फेयर वैल्यू, खत्म। तो बस इसका एडजस्टमेंट आपको और करना है। क्यों करना है एडजस्टमेंट बता दिया, क्योंकि जो हम नेट असेट्स पता कर रहे हैं डे वन पे वो बुक वैल्यू पे आएंगी, क्योंकि हम प्री रिजर्व उसके निकाल रहे हैं बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, तो वो बुक वैल्यू पे आएंगी। हमें फेयर वैल्यू पे चाहिए होती है डे वन पे नेट असेट्स, ठीक है? तो डे वन पे नेट असेट्स फेयर वैल्यू पे चाहिए होती है, तो डे वन की सामने वाली की असेट्स लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू का इंपैक्ट आपको डालना पड़ेगा। इसके अलावा देखो फेयर वैल्यू इंपैक्ट की कहाँ जरूरत पड़ती है, देखो इसके अलावा फेयर वैल्यू के इम्पैक्ट की कहाँ जरूरत पड़ेगी वो देखो। डे वन पर जिस दिन मैंने रिलायंस को खरीदा उस दिन मान लो उसकी SFS की हम जो बुक्स हैं SFS हैं उसकी नेट असेट्स, उनको अपन टेक ओवर करेंगे, तो उनको जब हम टेक ओवर करेंगे हमारे पास
उसकी बुक्स में जो भी असेट्स लाइबिलिटीज आ रही होंगी, अपने CFS में जब टेक ओवर कर रहे होंगे डे वन पे, तो हम किस पे ले रहे होंगे, फेयर वैल्यू एज पर बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसकी बुक्स में किस पे आ रहे होंगे, कैरिंग अमाउंट पे। तो मान लेते हैं उसकी बुक्स में बस केवल एक ही असेट आ रही थी, पीपी कितने की, 1 लाख रुपीज की कैरिंग अमाउंट। पर जब मुझे CFS बनाना होगा डे वन पर बिजनेस कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, तो मैं उसकी पीपी को किस पे लूंगा, फेयर वैल्यू। तो सपोज उस दिन फेयर वैल्यू कितनी थी, 1,20,000, तो मैं 120 पे ले लूंगा। अब ईयर एंड आ गया 31 मार्च 2024, आज मुझे वापस CFS बनाना है, तो आज के दिन का रिलायंस का अगर मैं SFS देखूंगा, आज के दिन का SFS से उसका डेटा उठाऊंगा ना, असेट्स और लाइबिलिटीज का, आज के दिन उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज बताओ कैसे आ रही होंगी। उसकी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट है वो उसी पे तो कंटिन्यू कर रहा होगा, बस कोई डेटा नया आ गया हो, क्रेडिटर नया हो, उनका एडजस्टमेंट कर रहा हो, कोई PP हो तो उस पर डेप्रिसिएशन लग गया हो, कोई नई PP परचेस करी हो, तो वो इफेक्ट लेके उसके SFS में असेट्स लाइबिलिटीज आ रहे होंगे। तो सपोज उसकी PP जो थी 1 लाख रुपीज़ की, उसकी बुक्स में आ रही थी, उसने कोई और परचेज नहीं करी, डेप्रिसिएशन रेट थी 10%, तो उसकी बुक्स में आज के दिन PP बताओ कितने की आ रही होगी, 90,000 की, 1 लाख में से 10% हटा के 90,000 की आज के दिन रिलायंस की बुक्स में SFS में PP आ रही होगी। और एज पर इंडियस 110 आज का हम जब CFS बनाएंगे, तो उसकी असेट्स और लाइबिलिटीज एज इट इज उसकी बैलेंस शीट से हम उठा लेंगे, एज इट इज उसकी बैलेंस शीट से उठा लेंगे। पर यहां पे अब एक दिक्कत होगी, एज इट इज उसकी बैलेंस शीट से उठाएंगे तो CFS में PP पता है कितने की दिखाई देगी, 90,000, जितने की आज के उसकी बुक्स में वैल्यू आ रही है उतनी अपने पास आ जाएगी। पर ये सही है क्या, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने तो डे वन पे सामने वाले की PP को फेयर वैल्यू पे लिया था, और आज जब हम वापस से CFS बना रहे हैं तो उसका कैरिंग अमाउंट ले रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। CFS में तो जो डे वन पे फेयर वैल्यू थी उसी के अकॉर्डिंग आज भी वैल्यू डिराइव होकर आनी चाहिए थी, यानी CFS के अकॉर्डिंग तो 1,20,000 पे PP रिकॉर्ड हुआ था, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लगाते 1,20,000 का, तो आज के दिन बताओ CFS में वैल्यू क्या आती PP की, 1,08,000, 12,000 हटा दो 1,20,000, 1,08,000 आती, पर हमने तो 90,000 ले ली, यानी हमने गलती कर दी, हमने गलती कर दी। तो यानी फेयर वैल्यू इंपैक्ट अपने को डालना पड़ेगा एक्विशन डेट का, फेयर वैल्यू इंपैक्ट एक्विशन डेट का। या तो एक तरीका हम CFS की अलग ही बुक्स मेंटेन करें, मैंने आपको बोला ना वो करते नहीं है जनरली, इसलिए हमें डे वन की एक्विशन डेट का फेयर वैल्यू इंपैक्ट डालना पड़ता है सब्सिडरी कंपनी के असेट्स लाइबिलिटीज का। तो उसमें एक्विशन डेट पे उसकी जो फेयर वैल्यू है उसमें कितना चेंज था, 20,000 से फेयर वैल्यू ज़्यादा थी तो प्लस 20,000 कर दिया अपन ने, ठीक है। 90,000 में आप प्लस 20,000 करोगे तो 1,10,000 आएगा। एक और इम्पैक्ट डालेंगे, वो भी मैं भी आपको सिखाऊंगा, जिससे आपका पूरा फाइनल बैलेंस मैच हो जाएगा। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिया है कि ये इम्पैक्ट आप क्यों लेते हो, फेयर वैल्यू इम्पैक्ट क्यों डालते हो एक्विशन डेट का, उसका ओवरव्यू दिया है मैंने आपको। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है मैंने, वाइल डूइंग कंसोलिडेशन एज पर इंडेस 110 वी कैलकुलेट नेट असेट्स ऑफ सब्सिडी कंपनी बाय एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडी कंपनी, हैंस दोज विल बी एट कैरिंग अमाउंट, बट ऑन एक्विशन डेट वी टेक ओवर नेट असेट्स ऑफ सब्सिडी कंपनी एट फेयर वैल्यू। जब हम CFS बनाते हैं एज पर इंडेस 110 तो हम सामने वाली कंपनी की नेट असेट्स एक्विशन डेट पे कैसे पता करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिजर्व के थ्रू, प्री रिजर्व लेके, जो कि कैरिंग अमाउंट पे बताते हैं अपने को। लेकिन हमें नेट असेट डे वन पे कैसे चाहिए, फेयर वैल्यू पे चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सो वी नीड टू गिव इम्पैक्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडी कंपनी एज फॉलोज। हमें सब्सिडी कंपनी की असेट लाइबिलिटीज की फेयर वैल्यू का इंपैक्ट डालना पड़ेगा एक्विशन डेट वाला। तो सबसे पहले लाइबिलिटीज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सा है, फॉर लाइबिलिटीज ऑफ सब्सिडी कंपनी ये इंपैक्ट आप कैसे डालोगे, एग्जाम्पल के लिए ट्रेड पेबल्स। तो आप देखो एक्विशन डेट पे, एक्विशन डेट पे अगर लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू इंक्रीज थी, इंक्रीज इन फेयर वैल्यू थी, यानी लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, कैरिंग अमाउंट कम था एक्विशन डेट पे, तो बताओ फायदा था कि नुकसान, आपके लिए नुकसान, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू ज़्यादा होगी तो नुकसान ही होगा ना आपके लिए। तो उस दिन सामने वाली कंपनी की जो लाइबिलिटी थी उसका कैरिंग अमाउंट कम था और फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। एग्जाम्पल के लिए देखो आप लोग, आपको क्वेश्चन में डेटा दे रखा है, रिलायंस लिमिटेड जिसको मैंने खरीदा था, मेरी सब्सिडियरी कंपनी, इसकी बुक्स में एक लाइबिलिटी आ रही है ट्रेड पेबल के नाम से। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज था 10,000 का एट एक्विजिशन डेट, एक्विजिशन डेट को सामने वाली कंपनी की ट्रेड पेबल में इंक्रीज था 10,000 का फेयर वैल्यू में। ट्रेड पेबल एक लाइबिलिटी है, उसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज था 10,000 का, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको। इसी तरीके से डेटा मिलेगा आपको, क्योंकि डे वन की बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी होती। या फिर ऐसे भी दे सकता है डायरेक्टली कि डे वन पर सामने वाली जो कंपनी है उसका ट्रेड पेबल का कैरिंग अमाउंट तो था 50,000 और फेयर वैल्यू थे 60,000, तो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, 10,000 से फेयर वैल्यू ज़्यादा थी। तो इस तरीके से भी दे सकता है और इस तरीके से भी, जनरली ऐसे ही देगा आपको, आपको डायरेक्टली बोलेगा उसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज था लाइबिलिटी का 10,000, लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू में इंक्रीज कितना था 10,000 का। आप बताओ इसका इंपैक्ट कैसे डालोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो दो जगह इंपैक्ट जाता है, ये आपको मालूम है। एक तो क्या इंपैक्ट जाएगा, एक तो सिंपल सा इंपैक्ट है CFS में, जब CFS बनाएंगे तो ईयर एंड पे अपन उसके कैरिंग अमाउंट एज इट
लायबिलिटीज टेक ओवर करेंगे। एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ सामने वाली रिलायंस की बुक्स में जो जीरो टाइम पे लायबिलिटी थी कैरिंग अमाउंट की 50,000 की, वो आज भी एग्जिस्ट करती है और उसके अलावा ट्रेड पेबल में कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ है, वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड है। तो आज के दिन का जब SFS बना रही होगी रिलायंस, तो अपने SFS में जो ट्रेड पेबल वो अभी भी 50,000 पे दिखा रही होगी। तो आज के दिन जब मैं CFS बनाऊंगा, उसकी एसेट लायबिलिटीज आज के दिन जितनी भी आ रही है एज इट इज टेक ओवर कर लूंगा। तो आज के दिन मेरी बुक्स में ट्रेड पेबल 50,000 पे दिखेगा, पर ये गलत है। फेयर वैल्यू पे हमने इस ट्रेड पेबल को 60,000 पे टेक ओवर किया था CFS के अंदर, तो 60,000 पे आना चाहिए, यानी 10,000 फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, तो 10,000 इसमें ऐड करेंगे अपन, 60,000 आ जाएगा। तो एक एडजस्टमेंट तो क्या करोगे आप, रेस्पेक्टिव लायबिलिटी में आप ऐड कर दोगे बैलेंस शीट के अंदर, जब फेयर वैल्यू इंक्रीज इन लायबिलिटी दे रखा होगा। समझ में आया, बैलेंस शीट में CFS में आप रेस्पेक्टिव लायबिलिटी में ऐड कर देना। एक और एडजस्टमेंट देखो क्या होगा। अब देखो ये जो लायबिलिटी है 10,000 की, इसमें इंक्रीज था, हमारी प्री रिजर्व जो आए थे वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आए थे, तो वो प्री रिजर्व को हमें फेयर वैल्यू पे लाना है ताकि उसकी सामने वाली कंपनी की डे वन की नेट एसेट्स फेयर वैल्यू पे मिल जाए। तो हमें एनालिसिस ऑफ रिजर्व में 10,000 का इंपैक्ट डालना है। कहाँ डालना है, प्री वाले कॉलम में, पोस्ट प्री वाले में। प्री वाले कॉलम ही तो नेट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, प्री वाला कॉलम ही नेट एसेट्स को रिफ्लेक्ट करता है, पोस्ट वाले में तो अपन अपना शेयर लेते हैं। तो नेट एसेट्स को फेयर वैल्यू पे लाने के लिए प्री वाले कॉलम में इफेक्ट डालना पड़ेगा एनालिसिस ऑफ रिजर्व ऑफ सब्सिडियरी में। क्या इफेक्ट डालेंगे, 10,000 से लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा थी, तो फेयर वैल्यू ज्यादा थी तो नेट असेट्स कम होती ना, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू ज्यादा होने से नेट असेट्स कम होती है। एग्जांपल से समझ लो, मान लो सामने वाली की असेट्स हैं 2,00,000 की, लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट है 50,000, तो बताओ नेट असेट कितनी आएंगी, 1,50,000। लेकिन अगर वहीं लायबिलिटी का हम फेयर वैल्यू ले लेते 60,000, तो नेट असेट्स पता कितनी आती, 1,40,000। यानी लायबिलिटी जितनी ज्यादा होती है उतनी ही नेट असेट्स की वैल्यू कम होती है, क्योंकि नेट असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, असेट में से माइनस कर दो लायबिलिटीज। तो यानी लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 10,000 से ज्यादा थी, यानी नेट असेट्स की फेयर वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे यानी प्री रिजर्व वाले कॉलम में आप लेस करोगे, प्री वाले कॉलम में 10,000 लेस करोगे। तो भैया एक बार मान लेता हूँ प्री का आपका टोटल आ जाता है 1,00,000। अब इसका आप इसमें से लेस कर दो 10,000 फेयर वैल्यू का इंपैक्ट डालने के लिए, तो 90,000 आपका आ जाएगा प्री रिजर्व यानी नेट असेट्स फेयर वैल्यू पे। ये बुक वैल्यू पे है तो ये फेयर वैल्यू पे आ जाएगी, यानी प्री वाले कॉलम में आप इफेक्ट डालोगे। तो यानी सिंपल सा इफेक्ट होगा आपका, अगर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में इंक्रीज था एक्विजिशन डेट को, तो आप एक तो फेयर वैल्यू इंक्रीज जितना भी अमाउंट था वो प्री एक्विजिशन रिजर्व सब्सिडियरी में लेस कर देना, और आप फेयर वैल्यू इंक्रीज का जो अमाउंट है उसको ऐड कर देना रेस्पेक्टिव लायबिलिटी में CFS के अंदर। बस ये एडजस्टमेंट करने हैं, दो जगह इफेक्ट जाते हैं, दोनों एडजस्टमेंट मैंने आपको लॉजिकली बता दिए, बिल्कुल सिंपल सा है। अब सिमिलरली अगर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में डिक्रीज था, उसकी फेयर वैल्यू कम थी एक्विजिशन डेट को, कैरिंग अमाउंट ज़्यादा था लायबिलिटी का, तो एक तो आप क्या करोगे उसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उस लायबिलिटी में से हटाओगे जितना फेयर वैल्यू डिक्रीज था, डिडक्ट करोगे ना, और इसके अलावा आप क्या करोगे प्री रिजर्व में ऐड करोगे। डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी था, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एक्विजिशन डेट को कम थी, तो आपके फायदा था, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम होना एक तरीके से आपके फायदा, तो प्री रिजर्व में आप ऐड करो। प्री रिजर्व एक तरीके से नेट असेट को रिफ्लेक्ट करते हो, इन्हें हम रिजर्व यानी प्रॉफिट बोल रहे हैं एक तरीके से। तो लायबिलिटी को कम होना, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कम होना यानी फायदा, तो ऐड कर दो। आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो एडजस्टमेंट जैसा आपको अच्छा लगे। समझ में आया, तो ये एडजस्टमेंट होगा लायबिलिटी का फेयर वैल्यू का चेंज का। फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट इन लायबिलिटी और सब्सिडियरी कंपनी क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, खत्म। नेक्स्ट देखिए, अब आप असेट्स के लिए, सब्सिडियरी कंपनी की असेट्स के में अगर फेयर वैल्यू का इंपैक्ट होगा तो वो कैसे दिया जाएगा, लैंड इन्वेंट्री प्लांट एंड मशीनरी वगैरह में। तो अगर असेट की फेयर वैल्यू ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से एक्विजिशन डेट को, तो गेन फायदा हुआ होगा अपने को, तो आप फेयर वैल्यू इंक्रीज का अमाउंट प्री रिजर्व में क्या करोगे, ऐड करोगे। प्री रिजर्व में ऐड करोगे फायदा हुआ होगा ना, नेट असेट बढ़ी होंगी फेयर वैल्यू पे, तो इंक्रीज का अमाउंट जितना है वो प्री वाले कॉलम में ऐड करना, और साथ में आप रेस्पेक्टिव असेट में बैलेंस शीट में ऐड कर देना उतना ही अमाउंट। और अगर डिक्रीज इन फेयर वैल्यू था असेट में, तो आप फेयर वैल्यू डिक्रीज का अमाउंट प्री वाले कॉलम में डिडक्ट करना और रेस्पेक्टिव असेट में बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जब बोल रहा हूँ तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, उसमें भी डिडक्ट कर देना, खत्म, सिंपल सा एडजस्टमेंट। तो फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज इन असेट का अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, सब्सिडियरी कंपनी की असेट का फेयर वैल्यू का इंपैक्ट डालेंगे। आपको क्वेश्चन में दे रखा है पेरेंट कंपनी की फेयर वैल्यू असेट लायबिलिटी कितनी है, उसका कोई इंपैक्ट नहीं डालना, कुछ भी इंपैक्ट नहीं डालता, पेरेंट की असेट लायबिलिटी तो एज इट इज कंटिन्यू होती है, क्लियर होना चाहिए इफेक्ट आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखना, असेट लायबिलिटी में इंक्रीज डिक्रीज कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा, बट
इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, सामने वाली कंपनी की बुक्स में कोई डेप्रिशिएबल असेट है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रिशिएबल असेट का मतलब ऐसी असेट्स जिन पे डेप्रिशिएशन लगता है, तो सामने वाले की बुक्स में कोई डेप्रिशिएबल असेट आ रही है तो उसके लिए फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ना हो, आपको पता करना पड़े। तो आप कैसे पता करोगे? बिल्कुल सिंपल है, आप एक्विजिशन डेट पे देख लो सामने वाले की उस पर्टिकुलर असेट की फेयर वैल्यू कितनी थी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। एक्विजिशन डेट को उस असेट का कैरिंग अमाउंट कितना था वो आप पता कर लो तो आपको फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज अमाउंट पता चल जाएगा। एग्जांपल के लिए देखो, आपको बोला गया रिलायंस लिमिटेड को प्लांट एंड मशीनरी, रिलायंस लिमिटेड को मैंने अक्वायर किया 1 अक्टूबर 2023 को, इस दिन उसकी बुक्स में प्लांट एंड मशीनरी आ रही थी एक जिसकी फेयर वैल्यू थी 20 लाख। कब? 1 अक्टूबर 2023 एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी की। अब आपको क्या चाहिए? एक्विजिशन डेट का अगर प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट पता चल जाए सामने वाले का तो फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाएगा। तो आज के दिन उसका कैरिंग अमाउंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 1 अक्टूबर 2023 का 21 लाख। तो यानी 20 लाख फेयर वैल्यू है, 21 लाख कैरिंग अमाउंट है, यानी 1 लाख का फेयर वैल्यू में डिक्रीज है, खत्म। तो आपको फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज क्वेश्चन में गिवन होगा, पर डेप्रिशिएबल असेट जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी वगैरह के लिए हो सकता है गिवन ना हो। तो सिंपल सा है, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्विजिशन डेट का सामने वाली कंपनी के प्लांट एंड मशीनरी वगैरह जो भी असेट है उसका कैरिंग अमाउंट पता कर लो, डिफरेंस फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज आपको पता चल जाएगा। अब ये पता कैसे करेंगे? एग्जांपल देखो, क्वेश्चन में एक तरीके के फॉर्मेट में देता है। देखो आईसीआई ना थोड़ा मुश्किल बनाने की क्वेश्चन की कोशिश करता है, नहीं तो बिल्कुल सिंपल होता है। एडजस्टमेंट में तो क्या इफेक्ट डालना है, तो उन्होंने यहाँ पे थोड़ा मुश्किल बनाने की कोशिश करी। जब सामने वाले की डेप्रिशिएबल असेट होती है तो एक ही तरीके से वो इफेक्ट डालने को बोलता है, वो इफेक्ट का इसी तरीके से क्वेश्चन आता है जिसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। आपको दे रखा है फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2023 to 31 मार्च 2024, सामने वाले को अक्वायर किया है वो डेट है 1 अक्टूबर 2023, कंसोलिडेशन डेट है 31 मार्च 2024, कैरिंग अमाउंट बुक वैल्यू आपको दे रखी है प्लांट एंड मशीनरी ऑफ सब्सिडी कंपनी कब 31 मार्च 2024 को 13,50,000। देखो आज के दिन सामने वाली कंपनी का CFS बनाना है मुझे, तो आज के दिन की उसकी बैलेंस शीट दे रखी होगी, तो आज के दिन की बैलेंस शीट में उसका प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस आ रहा होगा वही क्या होगा, आज के दिन का कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू वो दे रखी है 13,50,000। उस पर डेप्रिसिएशन रेट बता रखी है 10% और उस प्लांट एंड मशीनरी की आपको फेयर वैल्यू बता रखी है कब की 1 अक्टूबर 2023 की 20 लाख। 1 अक्टूबर 2023 कौन सी डेट है एक बार बताओ आप? एक्विजिशन डेट। तो सर इस प्लांट एंड मशीनरी का जो आपका एक्विजिशन डेट है उसका फेयर वैल्यू दे रखी है 20 लाख। प्लांट एंड मशीनरी की एक्विजिशन डेट की आपका फेयर वैल्यू दे रखी है कितनी? 20 लाख की एक्विजिशन डेट की प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू बता रखी है। तो आपको समझ जाना चाहिए फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगा इसके अंदर एक्विजिशन डेट पे कुछ, जो कि आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से क्वेश्चन में डेटा दे रखा होगा। अब कैलकुलेट कैसे करें सर? एक्विजिशन डेट की उसकी फेयर वैल्यू तो पता है, पर एक्विजिशन डेट की उस प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट नहीं पता, तो वो आपको पता करना पड़ेगा। तो वो आप पता कैसे करोगे? आपको थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ सोचना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आप पता करोगे। देखो ये थी 1 अप्रैल 2023, ये है 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को क्या प्लांट एंड मशीनरी का मुझे कैरिंग अमाउंट पता है? बिल्कुल, आज के दिन की उसकी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 13,50,000 क्वेश्चन में गिवन है। आज के दिन की बैलेंस शीट में देख लेना ना, जब का CFS बनाना है उस दिन की तो बैलेंस शीट दे गई, तो वही तो उसका कैरिंग अमाउंट होगा आज का। बीच में एक डेट है 1 अक्टूबर 2023, मुझे तो इस दिन का कैरिंग अमाउंट पता करना है इस मशीन का कितना था, ताकि फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज पता चल जाए। तो अब मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए, मैं क्या करूँ? 13,50,000 आज का बैलेंस है, ये आया कैसे होगा? ये आया कैसे होगा 1 अप्रैल 2023 को? 1 अप्रैल 2023 को प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस होगा उसमें से डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो आज का बैलेंस आया होगा ना। 1 अप्रैल 2023 को इस प्लांट एंड मशीनरी का जो बैलेंस होगा उसमें से कंपनी ने डेप्रिशिएशन चार्ज किया होगा तो आज का बैलेंस आया होगा प्लांट एंड मशीनरी का ईयर एंड का। बिल्कुल, कुछ बच्चे इसमें ज़्यादा दिमाग लगा सकते हैं, सर जरूरी थोड़ी ना केवल डेप्रिशिएशन का इम्पैक्ट हो, कंपनी ने नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी हो सकता है उसने कोई प्लांट एंड मशीनरी बेची हो। तो भाई अपना जो ज़्यादा दिमाग होता है ना उसको थोड़ा घर पे रखा करो जब आप एग्ज़ाम दो, ठीक है? एग्ज़ाम में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है ना सिर्फ उस पर ही आपको चलना है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। कुछ बच्चों की आदत होती है वो एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ही लगाएंगे। क्वेश्चन बेचारा शांत बैठा कुछ नहीं बोल रहा कि सामने वाले ने कोई नई मशीन परचेस करी थी क्या या नई कोई नई मशीन सेल करी थी क्या, तो आप अपने मन से कोई अजम्पशन लो ही मत। फिर सिंपल सी बात है, बैलेंस कैसे आया होगा? ओपनिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगा के आया होगा, ठीक है? तो जो अजम्पशन वैलिड हो उतनी ही लेनी है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना होता, वरना आप
सिंपल से सिंपल कंसेप्ट में भी जीरो नंबर ही लेके आओगे, ठीक है, फिर पास होने की कोई गारंटी नहीं होती, कुछ भी नहीं हो सकता फिर। तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना एक तो बंद कर दो आप एग्जाम में, कोई मतलब का नहीं है एक्स्ट्रा दिमाग। आपको बोल रखा इतना बैलेंस है आज के दिन का, तो जीरो टाइम पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा तब आया होगा। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोल दिया कि भाई उसने कोई नई मशीन परचेस करी थी या सेल करी थी तो फिर उसका इंपैक्ट लेना है, वरना ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, आपको ऐसा मान के चलना है। तो अब जीरो टाइम पे इसका जो बैलेंस होगा उस पर डेप्रिसिएशन लगा के ये अमाउंट आया होगा। तो मैं रिवर्स कैलकुलेशन करके पता कर लूँ जीरो टाइम पे क्या बैलेंस था 1 अप्रैल 2023 को, और फिर उस अमाउंट पे मैं 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन लगा लूँगा, तो 1 अक्टूबर का क्या कैरिंग अमाउंट रहा होगा वो मुझे पता चल जाएगा। बस यही मुझे रिवर्स कैलकुलेशन करके पता करना है, जो कि ICAI का हर एक क्वेश्चन में स्पेशल एडजस्टमेंट के नाम से मिल जाएगा आपको, डेप्रिशिएबल असेट्स ऑफ सब्सिडरी के लिए। तो आप सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी का 1 अप्रैल का कैरिंग अमाउंट पता कर लो 23 का, 13,50,000 अभी कैरिंग अमाउंट है क्लोजिंग वाला। तो ओपनिंग क्या होगा, ओपनिंग जो होगा उसमें 10% डेप्रिशिएशन हटाया होगा, यानी ये अमाउंट किसको रिफ्लेक्ट कर रहा होगा 90% को। तो 13,50,000 डिवाइड बाय 90% यानी 15 लाख का जीरो टाइम पे बैलेंस रहा होगा। आप क्रॉस वेरीफाई कर लो, चाहे 15 लाख में 10% डेप्रिशिएशन हटा दो 13,50,000 ही आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस इसका 15 लाख रहा होगा प्लांट एंड मशीनरी का कैरिंग अमाउंट सामने वाले की बुक्स में। 1 अक्टूबर एक्विजिशन डेट को उसका कैरिंग अमाउंट कितना रहा होगा, सर 15 लाख में उसने डेप्रिशिएशन लगाया होगा, कितना 10% से, लेकिन कितने टाइम का, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर मंथ्स का, यानी 15 लाख पे 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12, यानी आपका 75,000 का उसने डेप्रिसिएशन लगाया होगा। 15 लाख माइनस 75,000 यानी 14,25,000 का उसका उस दिन कैरिंग अमाउंट होगा। बस अब क्या दिक्कत है, फेयर वैल्यू इंक्रीज पता कर लो एक्विजिशन डेट पे कितना था, एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 लाख, माइनस आपका उस दिन कैरिंग अमाउंट कितना था 14,25,000, तो डिफरेंस आ गया 5,75,000 का सामने वाली कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी में फेयर वैल्यू इंक्रीज था। तो आपका अब आप इसका इंपैक्ट डाल दो, अभी तो हमने इंक्रीज का अमाउंट पता करा है, अब इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट डालना है। एक तो आप प्री रिजर्व में इसे ऐड करोगे फेयर वैल्यू इंक्रीज असेट में, दूसरा रेस्पेक्टिव असेट प्लांट एंड मशीनरी में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ऐड करोगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। तो ये आपका एडजस्टमेंट थे फेयर वैल्यू इंपैक्ट डालने का, उसमें पहला नोट था वो नोट मैंने आपको बता दिया, उसका एग्जांपल लेके बता दिया। अब सेकंड नोट देखो इसमें आप, एक और नोट है इसी एडजस्टमेंट में, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स एडिशनल इफेक्ट फॉर डेप्रिशिएशन ड्यू टू इंक्रीज डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ असेट ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज ऑल्सो गिवन एज फॉलोज। अगर सामने वाली की कोई डेप्रिशिएबल असेट है ना, तो फिर आपको एक एडिशनल इफेक्ट और देना पड़ता है डेप्रिशिएशन के लिए। डेप्रिशिएशन के लिए एडिशनल इफेक्ट देना पड़ता है क्योंकि आपने उसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज था, उसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज था, तो उसकी वजह से डेप्रिशिएशन का एक एडिशनल इफेक्ट आता है। वो इफेक्ट क्या आता है एक बार आप समझ लो, फिर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था ये वाला, सामने वाली जो कंपनी है रिलायंस लिमिटेड, उसको मैं 1 अप्रैल को खरीद रहा हूँ, तो उसकी बुक्स में उस दिन पीपी का अमाउंट आ रहा है कितना, 1 लाख रुपीज का कैरिंग अमाउंट। मैंने टेक ओवर किया डेट ऑफ एक्विजिशन पे फेयर वैल्यू पे, यानी 1,20,000 पे। ईयर एंड आ गया, आप मुझे CFS बनाना है पर Ind AS 110, तो सामने वाले की बुक्स में SFS में पीपी का अमाउंट कितना आ रहा होगा, जो ओरिजिनल अमाउंट था उस पर 10% डेप्रिसिएशन यानी 90,000 पे कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा। तो आज के दिन जब CFS में ले आऊँगा तो मैं तो आज का बैलेंस ही उठाऊंगा एज इट इज, 90,000 उठा लिया। पर सर ये बैलेंस तो गलत है ना, 90,000 आपने तो जीरो टाइम पे फेयर वैल्यू पे लिया होगा, तो फेयर वैल्यू का जो इंपैक्ट था वो डालो। तो फेयर वैल्यू का इंपैक्ट कितना था जीरो टाइम पे, देखो 20,000 का, तो 20,000 फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, तो बैलेंस शीट में ऐड करेंगे और प्री रिजर्व में ऐड करेंगे, तो बैलेंस शीट में ऐड कर दो 90,000 में, देखो मैंने 20,000 ऐड किया, तो बैलेंस कितना हो गया 1,10,000। क्या ये बैलेंस सही है? नहीं, अभी एक और एडजस्टमेंट होगा। वो क्या होगा, अब देखो वो ध्यान से सुनना आप लोग। ये जो पीपी का अमाउंट है, इस पे सामने वाले ने डेप्रिसिएशन किस अमाउंट पे लगाया, 1 लाख पे। 1 लाख का 10% यानी 10,000 का उसने डेप्रिसिएशन लगाया, मैं 10% डेप्रिसिएशन रेट मान के चल रहा हूं, तो उसका 90,000 बैलेंस आया। लेकिन डे वन पे हमने ये माना कि उसकी नेट असेट की फेयर वैल्यू पे हम टेक ओवर कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन किस पे लगना चाहिए था, फेयर वैल्यू पे लगना चाहिए था। सामने वाले ने तो लेकिन अपनी बुक्स में जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है उस पे लगाता चल रहा है, वो तो उसी अमाउंट पे दिखाएगा ना। तो यानी 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 10% के अकॉर्डिंग, यानी 12,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। सामने वाले ने लगाया कितना, 10,000 ही, उसने तो कैरिंग अमाउंट पे लगाया। पर हमारा जो लॉजिक बोलता है कि CFS में तो हमने 1,20,000 पे लिया ना, तो CFS में तो 12,000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, 12,000
2000 का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था, यानी 2000 का डेप्रिसिएशन कम लगा हुआ है, 2000 का डेप्रिसिएशन कम लगा हुआ है, यानी असेट की वैल्यू ज़्यादा आ रही होगी 2000 से, तो असेट की वैल्यू को 2000 से कम करोगे। CFS में असेट की वैल्यू में 2000 और लेस करो तो वैल्यू कितनी आई, 1,08,000। ये है आपका फाइनल PP का अमाउंट जो CFS में शो होगा। अब आप खुद सोचो, अगर डायरेक्टली आप CFS की बुक्स बना रहे होते तो क्या करते, जीरो टाइम पे 1,20,000 में ले लिया था, इस पे 10% 12,000 का डेप्रिसिएशन हटाते तो बैलेंस कितना था, 1,08,000। तो आप डायरेक्टली CFS की अगर बुक्स बनाते हो ना तो डायरेक्ट बैलेंस मिलेंगे, कोई एडजस्टमेंट ही नहीं करने होते फिर तो। लेकिन कोई इंसान अलग से इसकी टैली वगैरह मेंटेन नहीं करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो ये एडजस्टमेंट और होता है। यानी सामने वाले की बुक्स में कोई डेप्रिशिएबल एसेट थी, उसका आपने फेयर वैल्यू इंपैक्ट डाला है, तो कंफर्म है उस पर आपको डेप्रिशिएशन का भी एक एडिशनल इफेक्ट डालना पड़ेगा। उसकी फेयर वैल्यू इंक्रीज थी, उसकी फेयर वैल्यू 20,000 से इंक्रीज थी, तो यानी 20,000 का जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस पर एडिशनल डेप्रिशिएशन और चार्ज होना चाहिए था, यानी 2000 का एडिशनल डेप्रिशिएशन और चार्ज होना चाहिए था, वो हमने चार्ज किया तो उसका इंपैक्ट यहाँ डाल दिया, बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू कम कर दी। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डेप्रिशिएशन लगेगा तो एसेट की वैल्यू कम होगी। लेकिन सर ये तो एक इंपैक्ट है, दो इंपैक्ट जाने चाहिए, बिल्कुल एक और इंपैक्ट जाएगा, वो कहाँ जाएगा आप खुद बताओ। ये डेप्रिसिएशन किससे बिलोंग करता है सर, एक ऐसी पीपी से जो सब्सिडरी कंपनी की है। सामने वाली कंपनी की पीपी से जो डेप्रिसिएशन बिलोंग करता है उसका डेप्रिसिएशन बताओ किसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, सब्सिडरी कंपनी को, रिलायंस लिमिटेड को। तो उसके P&L में 2000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन और बुक होना चाहिए था। उसने कितने का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 10,000 रुपये का, और उसको रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था, 12,000। हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग कि भाई फेयर वैल्यू पे हम टेक ओवर कर रहे हैं तो तू फेयर वैल्यू पे लगाना डेप्रिसिएशन, पर वो तो बेचारा अपनी बुक्स में 10,000 पे लगा रहा है, यानी उसने 10,000 का अपने P&L में कम डेप्रिसिएशन लगाया, तो उसके P&L में 2000 का डेप्रिसिएशन वो लगाना है। 12 का लगाना था, उसने 10 का लगाया तो 2000 का उसको अपने P&L में वो डेप्रिसिएशन लगाना है। यानी सामने वाले को अपनी रिटेन अर्निंग को 2000 से और कम करना है। आपको क्या करना है, सामने वाले के प्रॉफिट्स को 2000 से और कम करना है। प्रॉफिट्स का मतलब उसके रिजर्व, रिटेन अर्निंग को 2000 से और कम करना है। यानी आप सब्सिडरी के रिजर्व को 2000 से और कम करोगे, इसका ये कंक्लूजन निकलता है। सब्सिडरी के रिजर्व में इसका इंपैक्ट डालोगे, सब्सिडरी के रिजर्व का इंपैक्ट कहाँ डालते हैं, पोस्ट जो आपके रिजर्व का एनालिसिस करते हैं। अब सब प्री रिजर्व में ऐड करें, प्री रिजर्व को लेस करें कि पोस्ट रिजर्व, सब्सिडी के प्री रिजर्व में से 2000 लेस करें कि पोस्ट रिजर्व में से 2000 लेस करें, ये बता दो आप। तो आप बताओ ये डेप्रिसिएशन कब लग रहा है, कौन से पीरियड का है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन कौन से पीरियड का है। सर ये पूरा का पूरा एक्विशन डेट के बाद का है, मैंने एक्विशन डेट को उस कंपनी को खरीदा, फेयर वैल्यू पर उसकी असेट टेक ओवर करी, उसकी वजह से ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आया। अगर मैं उसको खरीदता ही नहीं तो वो नॉर्मली चलता, पर उसको खरीदने से मैंने उसकी असेट को फेयर वैल्यू पर टेक ओवर किया, यानी एक्विशन डेट के बाद फेयर वैल्यू पर मेरी बुक्स में ये असेट दिखेगी, इस वजह से ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आया। यानी सारा का सारा इंपैक्ट सामने वाले को कहाँ डालना है, पोस्ट वाले रिटेन अर्निंग में डालना पड़ेगा, पोस्ट एक्विशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडरी में उसको दिखाना पड़ेगा। पूरा लॉजिक आपको बताया याद करने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है, रटना चाहो रटो, बाकी लॉजिक मैंने आपको डिस्कस कर दिया, अच्छे से पूरा समझा दिया आपको। तो आप पता कैसे करोगे एडिशनल डेप्रिसिएशन के इफेक्ट, फेयर वैल्यू पे आप डेप्रिसिएशन पता कर लो एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट तक का, क्योंकि उसी दिन से तो नए अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। ओरिजिनल अमाउंट ऑफ असेट पे आप डेप्रिसिएशन पता कर लो एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट का, वो इसमें से हटा दो तो आपको पता चल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। अगर नेगेटिव आता है तो एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको रिवर्स करना है जो पहले से लगा हुआ है। अपने एग्जांपल में फेयर वैल्यू ज़्यादा थी, कैरिंग अमाउंट कम था, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना था। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सामने वाले की बुक्स में 1,00,000 की आ रही थी पीपी, पर उसकी फेयर वैल्यू 80,000 की थी, तो फेयर वैल्यू में डिक्रीज था, तो उसने तो 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, पर लगना किस पे चाहिए था, 80,000, यानी 20,000 के अमाउंट पर उसने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगाया है, 2000 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रखा है, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो अगर ये अमाउंट नेगेटिव आता है तो रिवर्स करोगे, पॉजिटिव आता है तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना तो इफेक्ट कैसे डालोगे, एक तो सब्सिडी के पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में आपको कम करना पड़ेगा, और रेस्पेक्टिव असेट में से बैलेंस शीट में कम करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन अगर रिवर्स करना है तो असेट में ज्यादा लगा हुआ है बैलेंस शीट में ऐड करो, और सामने वाले के पोस्ट रिटेन अर्निंग में ऐड करो, भाई उसने ज्यादा चार्ज किया हुआ है ऐड करो, उसके प्रॉफिट को बढ़ाओ, उसके पोस्ट रिटेन अर्निंग को बढ़ाओ। पोस्ट में क्यों इफेक्ट डाले, क्योंकि ये सारा काम कब होगा, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन वाला एक्विजिशन डेट के बाद का, तो पोस्ट में ही जाएगा। एग्जाम्पल देख लो अपने ही इस क्वेश्चन का, फेयर वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगना था कब से, एक्विजिशन डेट क्या थी अपने क्वेश्चन में, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, फेयर वैल्यू थी 20,00,000 का 10% 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स ही तो आया ये पीरियड, तो 1,00,000 लगना चाहिए था एक्विजिशन डेट से डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू पे, पर हम तो ओरिजिनल अमाउंट पे लगा रहे थे, सामने वाले ने तो 15,00,000 का जो ओरिजिनल अमाउंट था उसी पे पूरे साल डेप्रिसिएशन लगा दिया था 10% का, तो 15,00,000 पे 10% मल्टीप्लाई बाय 6/12 1 अक्टूबर से 31 मार्च का, यानी उसने तो 75,000 ही चार्ज किया हुआ है रिमेनिंग 6 मंथ्स का भी, तो यानी 25,000 का और चार्ज करना है एडिशनल डेप्रिसिएशन। तो आप इसे रेस्पेक्टिव असेट में से लेस करोगे बैलेंस शीट में, और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी में लेस करके दिखाओगे।
अब इसी में एक लास्ट नोट देख लो, फाइनल अमाउंट डेप्रिशिएबल एसेट का सब्सिडी कंपनी जो आप कंसोलिडेशन में लोगे वो कितना आएगा। आप उसका कैरिंग अमाउंट ले लोगे, फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का अमाउंट ऐड या लेस कर लोगे, डेप्रिशिएशन एडिशनल चार्ज करना है तो लेस कर दोगे, रिवर्स करना है तो ऐड कर दोगे, तो उसका फाइनल अमाउंट जो आप कंसोलिडेशन के टाइम पे आपकी बैलेंस शीट में शो होगा वो दिख जाएगा। तो अपने ऊपर वाले एग्जांपल के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट उसका आज के दिन कितना है, 13,50,000। फेयर वैल्यू इंक्रीज कितना था उसका इंपैक्ट डालेंगे बैलेंस शीट में, 5,75,000। एडिशनल डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है उसका इंपैक्ट भी बैलेंस शीट में डालते हैं, कितना, 25,000। तो फाइनल नेट अमाउंट जो बैलेंस शीट में दिखेगा उसकी एसेट का वो 19,00,000 दिखेगा CFS के अंदर। समझ में आया जो मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया उनका इंपैक्ट डालने के बाद। अब ये फेयर वैल्यू वाले एडजस्टमेंट में लास्ट नोट देख लीजिए, यह आपका कंप्लीट हो चुका है, ये लास्ट नोट है इसमें। इफ देयर इज इंक्रीज या डिक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑफ सब्सिडरी कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट एंड दैट इन्वेंट्री गेट्स सोल्ड आफ्टर एक्विजिशन डेट बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट। देखो सामने वाली कंपनी है उसको मैंने टेक ओवर किया तो उसकी इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू में कुछ चेंज था एक्विजिशन डेट पे, इंक्रीज या डिक्रीज था, तो उसका मैं इंपैक्ट डालूंगा, इंक्रीज होगा तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री का इंक्रीज प्री रिजर्व में ऐड करूंगा बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में ऐड करूंगा, डिक्रीज होगा तो प्री रिजर्व में लेस करूंगा और बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में लेस करूंगा। लेकिन क्या बोला गया, वो इन्वेंट्री है वो एक्विजिशन डेट के बाद बिक गई, बिफोर कंसोलिडेशन डेट एक्विजिशन डेट के बाद वो इन्वेंट्री बिक गई, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियसली जो फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का मैंने इंपैक्ट डाला था, प्रीवियसली फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का जो एक्विजिशन डेट का मैंने इंपैक्ट डाला था उसे रिवर्स करना पड़ेगा। और रिवर्स कैसे करेंगे वो लिखा हुआ है, एक एग्जांपल से समझो आप लोग। देखो रिलायंस लिमिटेड को मैंने परचेज किया 1 अप्रैल 2023 को, उस दिन उसकी बुक्स में कैरिंग अमाउंट आ रहा है इन्वेंट्री का 50,000 और फेयर वैल्यू थी इन्वेंट्री की 40,000, यानी इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू में डिक्रीज कितने का था, 10,000 का था। तो मैंने क्या किया होगा, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू में डिक्रीज था तो इसका इंपैक्ट डालूंगा। देखो आपको इंक्रीज डिक्रीज दिखे तो पहले उसका इंपैक्ट डालो पूरा, इन्वेंट्री बाद में बिकी या नहीं बिकी उसका बाद में इफेक्ट डालेंगे, पहले आपको जो इंपैक्ट है वो फेयर वैल्यू का एक्विजिशन डेट का डालना है, वो एक्विजिशन डेट का इंपैक्ट तो आपको डालना ही डालना पड़ेगा। तो फेयर वैल्यू डिक्रीज हुई थी इन्वेंट्री की 10,000 से, प्री रिजर्व में से लेस करूंगा, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से लेस करूंगा। तो देखो 31 मार्च 2024 का जब CFS बनाऊंगा तो इन्वेंट्री में मैं पता क्या लूंगा, मेरी खुद की इन्वेंट्री ले लूंगा, सामने वाली कंपनी की इन्वेंट्री ले लूंगा और ये इंपैक्ट डालूंगा, 10,000 का मेरे को बैलेंस शीट में से लेस करना है ना, ये इंपैक्ट मैं लेस करूंगा, तो इतना अमाउंट मुझे इन्वेंट्री में दिखाई देगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 दिसंबर 2023 को ये इन्वेंट्री बिक गई, CFS का बनाना है 31 मार्च 2024, यानी एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट जो इन्वेंट्री सामने वाले की मैंने टेक ओवर करी थी फेयर वैल्यू पर वो बिक चुकी है, वो इन्वेंट्री बिक चुकी है। तो अब आपको उस केस में जो भी उस इन्वेंट्री पे आपने प्रीवियसली फेयर वैल्यू का इंपैक्ट डाला था एक्विजिशन डेट का वो रिवर्स करना पड़ेगा, पूरा का पूरा इंपैक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब क्या है, इन्वेंट्री में ऐड किया था, इन्वेंट्री में लेस किया था फेयर वैल्यू डिक्रीज, तो अब इन्वेंट्री में ऐड करना पड़ेगा, सब्सिडी के रिजर्व में लेस किया था, सब्सिडी के रिजर्व में एडबैक करना पड़ेगा। क्यों करेंगे, उसका रीज़न भी बताता हूँ। देखो मैंने जिस इन्वेंट्री के ऊपर फेयर वैल्यू इंपैक्ट डाला था वो इन्वेंट्री अब मेरे स्टॉक में नहीं बची, वो इन्वेंट्री बिक गई, वो इन्वेंट्री बिक गई तो उसका फेयर वैल्यू इंपैक्ट भी तो हटाओ। पता क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे लेस 10,000 कर दिया पर ये इन्वेंट्री स्टॉक में नहीं बची, इन्वेंट्री इधर बैलेंस शीट में नहीं बची, इन्वेंट्री बिक गई तो यहाँ पे ये 10,000 के इफेक्ट क्यों रखना भाई, वो इन्वेंट्री नहीं बची तो उसका फेयर वैल्यू का इंपैक्ट भी तो हटाओ, बिना बात में ये इंपैक्ट दिखेगा, इसको हटाओ तो रिवर्स करने के लिए एडबैक करो, यानी बैलेंस शीट में ऐड कर दोगे आप, पहले फेयर वैल्यू डिक्रीज था लेस किया था तो अब ऐड कर दोगे। दूसरा इंपैक्ट कहाँ जाएगा, मैंने प्री रिजर्व में लेस किया था अब आपको वापस एडबैक करना है तो सर प्री रिजर्व में एडबैक कर दे नहीं, ऐड करोगे तो आप पोस्ट वाले में ऐड करोगे, पोस्ट रिटेंड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी में ऐड करोगे, पोस्ट रिटेंड अर्निंग ऑफ सब्सिडरी में ऐड करोगे। सर पोस्ट में क्यों ऐड करवा रहे हो, क्योंकि बिकी कब है इन्वेंट्री, बिकी है सर एक्विजिशन डेट के बाद, एक्विजिशन डेट के बाद के सारे इंपैक्ट कहाँ जाते हैं, पोस्ट में, तो जो हम रिवर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो पोस्ट पीरियड में बिक गई इन्वेंट्री, तो पोस्ट वाले पीरियड में एडबैक कर दो। यानी कोई इन्वेंट्री थी, ये इन्वेंट्री के लिए ही होगा, पीपी जनरली कंपनी बेचती नहीं है सब्सिडरी, अगर पीपी भी सब्सिडी कंपनी आगे बेच देती है तो उसके लिए भी सेम करेंगे, पर ऐसा कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ये इन्वेंट्री के लिए होगा। तो आप फेयर वैल्यू इंपैक्ट डालो डे वन पर, वो आपको डालना ही डालना पड़ेगा, बाद में वो इन्वेंट्री बिक जाती है बिफोर कंसोलिडेशन डेट तो आपको इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा, वो इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा। तो देखो अगर पहले फेयर वैल्यू इंक्रीज था इन्वेंट्री में एक्विजिशन डेट पे तो आप प्री में ऐड किया होगा, इन्वेंट्री में ऐड किया होगा, तो अब आप क्या करो, पोस्ट एक्विजिशन रिटेंड अर्निंग में लेस करो फेयर वैल्यू इंक्रीज का अमाउंट और इन्वेंट्री में से लेस करो बैलेंस शीट में, और पहले डिक्रीज था तो आपने लेस लेस किया होगा दोनों जगह, तो पोस्ट वाले में ऐड करो
रिटेन्ड अर्निंग में और इन्वेंट्री में ऐड करो। बस ये ध्यान रखना पोस्ट में इंपैक्ट डालेंगे, क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री एक्विजिशन डेट के बाद बिकी है, उस वजह से इंपैक्ट डाल रहे हैं। अब सर आप ऐसे बोलो कि इस इफेक्ट को रिवर्स ही करना है तो ऐसे केस में इफेक्ट डालना ही मत, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? एक्विजिशन डेट का इंपैक्ट प्री वाले रिजर्व में जाता है और ये जो रिवर्स करने वाला इंपैक्ट होता है ये पोस्ट वाले रिटेन्ड अर्निंग में जाता है सब्सिडरी के, तो इसलिए पूरा सॉल्यूशन ही गलत हो जाएगा। तो आपको इंपैक्ट डालना ही पड़ेगा डे वन का, उसके बाद अगर बिकती है तो आपको रिवर्स करना है, वरना रिवर्स नहीं करना है, एज इट इज चलते रहने देना है। तो एक क्वेश्चन में था, अपन ने वहां पे किया भी था, ब्लू हेवंस लिमिटेड वाला एक क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ये इंपैक्ट डाल के आप खत्म कर दोगे, ये आपका कंप्लीट हो चुका है स्पेशल एडजस्टमेंट फेयर वैल्यू इंपैक्ट डालने वाला। अब एक और स्पेशल एडजस्टमेंट देखिए आप, सिंपल सा है ये, ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री। इसका क्या मतलब है? इसमें मैंने लिखा है अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पे आपको अनरियलाइज्ड गेन हो रहा है। अब इसका क्या मतलब है इन्वेंट्री पे अनरियलाइज्ड गेन? अनरियलाइज्ड गेन मतलब ऐसा गेन जो आपको अभी तक रियलाइज हुआ नहीं है, जो आपको वास्तव में मिला नहीं है, बस आपको दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअल में मिला नहीं है। तो ये कब होता है? जब इट हैपन्स व्हेन सेल परचेज ऑफ इन्वेंट्री टेक्स प्लेस बिटवीन पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी ड्यूरिंग पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एंड दैट इन्वेंट्री इज लाइंग इन स्टॉक दैट इज रिमेंड अनसोल्ड ऑन कंसोलिडेशन डेट। सामने सब्सिडी कंपनी है, मैं हूँ पेरेंट कंपनी, हम दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई, मैंने उसमें स्टेक ले लिया। अब उसके बाद या तो मैंने उसको मेरी कोई इन्वेंट्री बेची या फिर उसने अपनी कोई इन्वेंट्री का आइटम मुझे बेचा जो मेरे स्टॉक में बैलेंस शीट डेट पे दिखाई दे रहा है या उसके स्टॉक में बैलेंस शीट डेट पे दिखाई दे रहा है। ऐसे केस में अगर हमने कोई प्रॉफिट कमाया था एक दूसरे से, वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि CFS बनाते वक्त हम दोनों एक हो जाएंगे और एक हो जाएंगे तो हम ऐसा बोलेंगे हम एक दूसरे से अपने आप से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, हम अपने आप से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। एग्जाम्पल से देखो आप लोग, 1 अप्रैल 2023 डेट, हाँ देखो इस केस में मैंने अक्वायर किया रिलायंस लिमिटेड को, तो मैंने अपनी बैलेंस शीट में ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में कोई गुड्स आ रहे थे, इन्वेंट्री आ रही थी, वो मैंने सेल करे किसको, रिलायंस लिमिटेड को, जो कि रिलायंस की बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं, उसने आगे किसी को बेचे नहीं है। ये गुड्स जो थे मेरे लिए ए लिमिटेड के लिए कॉस्ट करते थे 10,000 को, रिलायंस को मैंने पता कितने में चिपका दिए, 12,000 रुपये में, तो क्या कर लिया मैंने 2,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया, किससे, रिलायंस से। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने बेटे को ऐसे गुड्स जो मेरे लिए 10,000 के आ रहे थे वो 12,000 रुपये में चिपका दिए, जो कि मेरे बेटे की बैलेंस शीट में आज के दिन भी दिखाई दे रहे हैं CFS वाले दिन भी। तो मैंने मेरे बेटे से 2,000 रुपये कमा लिए, तो इसे ही बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। जो मैंने अपने बेटे से प्रॉफिट कमाया, क्या बताओ वो मेरा प्रॉफिट है? एक बार आप खुद बताओ क्या वो वास्तव में मैंने प्रॉफिट कमाया है? मैंने मेरे बेटे को बोला ले बेटा ये इन्वेंट्री का आइटम है, ले जा 12,000 रुपये मुझे दे दे, जो कि मेरे लिए 10,000 का पड़ा था, और मैं अब खुश हो रहा हूँ कि मैंने बेटे से 2,000 कमा लिए। तो बताओ बेटे ने जो मुझे 12,000 रुपये दिए होंगे इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, वो कहाँ से दिए होंगे? बेटा पैसा तो मेरे पास से ही लेके जाता ना, पॉकेट मनी के रूप में मैं ही तो देता हूँ, तो मेरे बेटे से मैंने कोई प्रॉफिट थोड़ी ना कमाया है, तो मैं अपने बेटे से कोई प्रॉफिट नहीं कमाता, ना ही बेटा मुझसे प्रॉफिट कमा सकता है। यानी हम अपने आप से प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? CFS बनाएंगे तो पी और एस, पेरेंट और सब्सिडी, दोनों मिलके अपनी बैलेंस शीट दिखाएंगे, ए लिमिटेड और रिलायंस लिमिटेड। तो आप ऐसे कैसे बोलोगे कि यार हमने अपने आप से प्रॉफिट कमा लिया? तो आपको इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसे बोलते हैं अनरियलाइज्ड गेन। ये गेन वास्तव में रियलाइज थोड़ी ना हुआ है, ये तो आपस में हम दोनों ने बस अपनी बुक्स में कमाया है, SFS में, CFS में नहीं आएगा। तो CFS में पता है मैं जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा तो इन्वेंट्री का ये आइटम दिखेगा। कैसे दिखेगा? जब मैं रिलायंस की इन्वेंट्री टेक ओवर करूंगा CFS बनाते वक्त, तो उसकी बुक्स में ये 12,000 की इन्वेंट्री दिख रही होगी, तो वैसे ही आएगी। तो अब बताओ CFS बनाते वक्त क्या ये 12,000 की इन्वेंट्री है? नहीं, ये तो 10,000 की है। हम अपने आप से प्रॉफिट थोड़ा ना कमा सकते हैं, यानी 2,000 का जो प्रॉफिट इंक्लूडेड अनरियलाइज्ड वो हटाना पड़ेगा इसमें से, हटाओ। और दूसरा, ये प्रॉफिट का एक इंपैक्ट तो जाएगा नहीं, दूसरा इंपैक्ट और जाएगा, वो कहाँ जाएगा बताओ? ये प्रॉफिट कमाया किसने था? मैंने, ए लिमिटेड ने। मैंने तो बेटे को बेचा था, तो मैंने अपने P&L में दिखाया होगा, यानी मेरे रिटेन्ड अर्निंग में आ रहा होगा। तो CFS बनाते वक्त ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से मैं 2,000 हटाऊंगा, तो दो जगह इंपैक्ट जाएगा, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से हटाऊंगा और CFS में बैलेंस शीट से हटाऊंगा जब पेरेंट कंपनी सब्सिडरी को बेचता है। तो सबसे पहले मैंने वही लिखा है, पेरेंट कंपनी ने अगर सब्सिडी कंपनी को कोई गुड्स बेचे इन्वेंट्री के, तो इसे हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ जा रहा है, बेटा मेरे नीचे होता है ना, तो बेटे की तरफ जा रहा है ट्रांजेक्शन, पेरेंट ने सब्सिडी को गुड्स बेचे, इसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। तो इसमें अनरियलाइज गेन कैसे निकालोगे? सेल अमाउंट माइनस मेरे कॉस्ट कितनी थी उस इन्वेंट्री की, इसको मैं क्या करूंगा, मेरे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा वहां से हटाऊंगा, बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में से हटा दूंगा, बस ये एडजस्टमेंट करोगे। अगर अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन होता, बेटे ने मुझे इन्वेंट्री बेची होती,
सब्सिडरी ने मुझे बेची होती उसके लिए 10,000 का गुड्स उसने मुझे 12,000 में चिपकाया होता, वही 2,000 रुपये का प्रॉफिट। एडजस्टमेंट क्या करते हैं, एक तो बैलेंस शीट में आता वो इन्वेंट्री में 2,000 वहां से हटाते, दूसरा एडजस्टमेंट क्या करते हैं, अब की बार बताओ प्रॉफिट किसने कमाया होता, मेरे बेटे ने, सब्सिडरी ने। तो सब्सिडरी के रिजर्व में अपने को एडजस्टमेंट करना है। सब्सिडरी के रिजर्व का एडजस्टमेंट कहाँ से करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिजर्व, इसी में करते हैं। एनालिसिस ऑफ रिजर्व में आप डालोगे सब्सिडरी में, सब प्री में करें कि पोस्ट में, प्री में या पोस्ट में, सब्सिडरी ने प्रॉफिट कमा रखा है हटाना है तो प्री वाले में से हटाएं कि पोस्ट में, बताओ सब्सिडरी वाले ने प्रॉफिट कब कमाया, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होने के बाद। ये ट्रांजैक्शन होगा ही कब, जब पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप बनी। भाई जब मैंने रिलायंस को खरीदा ही नहीं था, उससे पहले रिलायंस से मुझे कोई गुड्स बेचे होते मान लो प्रॉफिट पे, तो ठीक है वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, उसके लिए मैं कोई रिलेशनशिप में एग्जिस्ट था ही नहीं, हम दोनों दूर दूर तक एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो मैं उससे प्रॉफिट कमा सकता था या फिर वो मेरे से प्रॉफिट कमा सकता था। पर जब हम दोनों एक दिन रिलेशनशिप में आए तो अब मैं उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकता, ठीक है, अब मैं उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकता क्योंकि अब हम दोनों एक बन गए हैं। जब हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं थे तब तक कोई भी कितना भी प्रॉफिट कमाए किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे अनरियलाइज्ड गेन बनेगा ही कब, जब पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर चुकी होगी। तो सब्सिडी ने प्रॉफिट कब कमाया होगा, पोस्ट पीरियड में, तो पोस्ट पीरियड के प्रॉफिट में इंक्लूडेड होगा, यानी पोस्ट रिटेंड अर्निंग में से हटाना है, पोस्ट रिटेंड अर्निंग में से आप लेस करोगे, ठीक है, अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन में, क्योंकि सब्सिडी ने कमाया हुआ है उसके प्रॉफिट में इंक्लूडेड है तो पोस्ट रिटेंड अर्निंग में से आप हटाओगे। ये खत्म हो गया आपका इन्वेंट्री का अनरियलाइज्ड गेन का इंपैक्ट, सिंपल सा था। सेम ऐसे ही पीपी के लिए, पेरेंट सब्सिडी रिलेशनशिप एग्जिस्ट होने के बाद हम दोनों आपस में एक दूसरे को कोई सेल परचेज ऑफ पीपी कर रहे हैं और वो पीपी एज इन कंसोलिडेशन डेट को बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही है, तो उस पर कोई अनरियलाइज्ड गेन है तो उसको हटाना पड़ेगा। इसमें भी देखो इन्वेंट्री वाले में भी एक बार वापस जाओ, इसमें मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि वो बैलेंस शीट डेट को एग्जिस्ट करनी चाहिए इन्वेंट्री में, तो उसका भी रीज़न समझ लो। यहाँ पे देखो मैंने 12,000 रुपये में अपने बेटे को इन्वेंट्री बेची और इसने आगे भी बेची नहीं, तो ये प्रॉफिट एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं हुआ। पर मान लो मेरे बेटे ने ये आगे किसी और कस्टमर को 13,000 रुपये में इन्वेंट्री चिपका दी, आगे किसी और कस्टमर को 13,000 रुपये में चिपका दी, तो अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, मैंने मेरे बेटे को बेची 12,000 में, 2,000 का प्रॉफिट कमाया, और बेटे ने आगे किसी कस्टमर को चिपका दी तो 13,000 रुपये बेटे के पास भी आ गए, बेटे ने कितने का प्रॉफिट कमा लिया, 1,000 का। तो अल्टीमेटली इस ट्रांजैक्शन में पूरे ग्रुप का प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000, 2+1। तो और आप वैसे भी सोच लो पूरे ग्रुप के लिए कॉस्ट कितनी थी, 10,000, और बिका कितने में है, 13,000, यानी 3,000 का प्रॉफिट हो चुका है पूरे ग्रुप का। यानी आगे अगर ये बेच दिया जाता है किसी थर्ड पार्टी को प्रोडक्ट, तो फिर कोई अनरियलाइज गेन बचा ही नहीं, क्योंकि सारा रिकवर हो गया ना, भारी कस्टमर से सब कुछ पैसा रिकवर हो गया, अब कोई अनरियलाइज्ड गेन नहीं बचा, अब आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट करने के लिए जो कंडीशन है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करने के बाद पेरेंट और सब्सिडरी आपस में गुड्स बेच रहे हों और वो जो गुड्स हैं वो इन्वेंट्री में बैलेंस शीट डेट पर दिखने चाहिए, ठीक है, अगर वो नहीं दिख रहे तो यानी उसका एडजस्टमेंट आपको नहीं करना, अब वो एक्चुअल में रियलाइज हो गया गेन, वो भारी कस्टमर से पैसा आ गया तो रियलाइज हो गया। सेम ऐसा ही पीपी के लिए होगा। तो अब वही डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में क्या होगा, आप अनरियलाइज्ड गेन कैसे निकालोगे, सेल अमाउंट माइनस उस पीपी का कैरिंग अमाउंट बुक्स में कितना आ रहा था, मैंने प्रॉफिट कमाया तो मेरी रिटेन अर्निंग में से हटाओ और बैलेंस शीट में पीपी में से हटाओ। सब्सिडी ने अगर मुझे बेचा यानी अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, सब्सिडी ने प्रॉफिट कमाया तो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग में से हटाओ और बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में पीपी में से हटाओ, खत्म। बस अब पीपी के केस में अनरियलाइज्ड गेन वाले में एक और एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट होगा, जब भी पीपी आएगी ना तो एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आ ही जाता है जिसका नाम होता है डेप्रिसिएशन, तो वो देख लो। डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन, यानी पेरेंट ने सब्सिडी को पीपी बेची होगी, तो इस केस में देखो क्या हुआ होगा, मान लो मेरे लिए पीपी थी 1,00,000 रुपीज़ की, मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट था, मैंने मेरे बेटे को चिपका दी 1,20,000 रुपये में, 1,20,000, तो 20,000 का अनरियलाइज्ड गेन है जो कि मैं क्या करूँगा, पीपी में से हटाऊंगा, मेरे ग्रुप रिटेन अर्निंग में हटाऊंगा, क्योंकि पीएनएल में मैं गेन ले जा चुका हूँगा तो ग्रुप रिटेन अर्निंग में से मुझे हटाना पड़ेगा। क्लियर, इतना समझ में आता है। मैंने ये पीपी अपने बेटे को चिपकाई सब्सिडी कंपनी को, बेटे को चिपकाई तो बताओ क्या हुआ, सब्सिडी ने मेरे से कितने पे खरीदी, 1,20,000, उसके लिए बेचारे के लिए कॉस्ट क्या है, 1,20,000, तो वो डेप्रिसिएशन किस पे लगाना चालू करेगा, 1,20,000 पे। पर क्या ये सही है, ये सही नहीं है, गलत है, 20,000 का तो उसमें अनरियलाइज्ड गेन का पोर्शन है पूरे ग्रुप के लिए, तो 1,00,000 की जो कॉस्ट थी ना उसी पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, ये मानते हुए कि कभी ये ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, ये मानते हुए कि कभी ये मैंने उसको सेल करी नहीं थी, उस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, 1,00,000 पे ही डेप्रिसिएशन लगना चाहिए ग्रुप के
लिए तो 20,000 का अनरियलाइज गेन वाला पोर्शन तो हम हटा रहे हैं, तो उस पर डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट क्यों रखना, उस पर जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है वो भी हटाओ, क्योंकि बेटे ने तो बेचारे ने 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, तो उसने जो 20,000 के अमाउंट पे अनरियलाइज गेन के अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा एडिशनल डेप्रिसिएशन लगाया है उसे भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो वो डेप्रिसिएशन किसने लगाया, बेटे ने, तो बेटे के रिटेन्ड अर्निंग में आपको एडबैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन लगाया तो प्रॉफिट कम हुआ होगा तो एडबैक करो। प्रीमियर की पोस्ट में था, पोस्ट में ये सारा काम पोस्ट पीरियड में हो रहा है एक्विजिशन डेट के बाद, तो पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग और सब्सिडी में ऐड करो। इसके अलावा वो पीपी में भी कम हुआ होगा तो पीपी के बैलेंस को बढ़ा दो। ऐसे ही अगर आपकी स्ट्रीम ट्रांजेक्शन होता, बेटे ने मुझे बेची होती प्रॉफिट में 1,00,000 का आइटम 120 में पीपी, तो मैंने 120 पे डेप्रिसिएशन लगाया होता तो मेरे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में 20,000 के एक्स्ट्रा अमाउंट पे जितना डेप्रिसिएशन लगा वो ऐड करता और पीपी में ऐड कर देता। ठीक है, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अनरियलाइज्ड गेन पोर्शन पे कैसे पता कर लोगे, सेल परचेज वाले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन, जो ग्रुप में हमने सेल परचेज किया वो अमाउंट, लेस ओरिजिनल कॉस्ट वाले अमाउंट पे डेप्रिसिएशन, ये जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होगा ये आपको रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे करोगे, लॉजिकली सोचना, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने इसका दिया था आपको लेक्चर में। देखो 1 अप्रैल 2023 को मैंने सामने वाली रिलायंस को खरीदा था और इस दिन क्या हुआ, कैरिंग अमाउंट था वो 10,000 था मेरे पास एक पीपी का, और वो मैंने 12,000 में मेरे बेटे को चिपका दी। अनरियलाइज्ड गेन इस पीपी पे कितना किया मैंने, 2,000, तो मेरे पीएनएल यानी पीपी में से हटाऊंगा और मेरे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से हटाऊंगा। यूजफुल लाइफ इस एसेट की 10 ईयर्स थी, एसएलएम मेथड लगता है। तो मेरे बेटे ने इस पे बताओ डेप्रिसिएशन चार्ज करना चालू कर दिया होगा, जैसे मैंने उसको बेची मैं तो डेप्रिसिएशन बंद कर दूंगा अब, तो बेटा डेप्रिसिएशन या रिलायंस लिमिटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा कितने पे, 12,000 में उसने खरीदा है, इस पे 10 ईयर्स का 1,200 रुपये, तो उसकी बुक्स में क्लोजिंग बैलेंस कितने का बचेगा, 10,800। सीएफएस बनाऊंगा तो पीपी लूंगा 10,800 की। पर अब आप मुझे बताओ इसमें क्या करना था, एक तो अनरियलाइज्ड गेन जो था वो हटाना है 2,000 का, वो हटा दिया। पर अब आप सोचो ये अगर मैं पीपी बेचा नहीं होता बेटे को तो मैं कितने पे डेप्रिसिएशन लगाता, 10,000 की कॉस्ट पे यानी 1,000 का डेप्रिसिएशन लगाता। बेटे ने कितने का लगाया, 1,200 का, क्यों, क्योंकि उसने तो टोटल अमाउंट पे लगाया, यानी अनरियलाइज्ड गेन का जो अमाउंट है 2,000 उस पे भी उसने 10 ईयर्स का यानी 200 रुपीज़ का वो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा रखा है, वो हटाना है। एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा हटाना है तो पीपी में ऐड करेगा वो और पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में ऐड कर लेगा। तो पीपी में ऐड करो तो पीपी बैलेंस शीट में कितने की आएगी, 9,000 की। आप खुद लॉजिकली सोचो अगर ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ होता तो पीपी कितने की आ रही थी, 10,000 की, 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ यानी 1,000 का डेप्रिसिएशन लगता, क्लोजिंग बैलेंस कितना था, 9,000, वही आ रहा है बैलेंस शीट सीएफएस में, अल्टीमेटली वही आ जाएगा। क्लियर, इसी के साथ आपका स्टेप नंबर 5 कंप्लीट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, सबसे ज्यादा ये आपका टाइम लिया है ये स्टेप, तो ये स्टेप मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है अच्छे से एक एक चीज़ बता के। आप और रिवाइज करिएगा क्वेश्चन के थ्रू, ये टॉपिक पढ़ने के बाद हो सकता है मैं क्वेश्चन भी आपको रिवाइज करा दूँ फटाफट से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, बाकी अब स्टेप्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे के स्टेप अब अपन देख लेते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में आप पता कर लो नेट असेट सब्सिडी की जो टेक ओवर करी गई थी एक्विजिशन डेट पे वो कितनी थी। गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए चाहिए कि ना, तो शेयर कैपिटल ले लेना सब्सिडी की, सेम मानते हुए कि सेम ही होगी एक्विजिशन डेट की। अब प्री रिजर्व अपन ने पता कर ही लिए स्टेप 5 में। प्री रिजर्व में फेयर वैल्यू का इंपैक्ट ऑलरेडी डाल ही दिया था जो भी डालना था, तो ये फेयर वैल्यू पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली आपकी नेट असेट्स एक्विजिशन डेट की, खत्म, बस स्टेप 6। स्टेप 7 देखो, अब आप सामने वाली कंपनी का एनसीआई आप पता करो, सब्सिडी में एनसीआई कितना है कंसोलिडेशन डेट पे। भाई डे वन पे जब सब्सिडी को अपन खरीदते हैं, मान लो मेरा 60% स्टेक है तो एनसीआई का 40% होगा ना, तो एनसीआई की जो वैल्यू आई होगी डे वन पे वो भी तो आगे कंटिन्यू करेगी नहीं आज के दिन के सीएफएस में। तो एनसीआई की एक बात मुझे बताओ, जो वैल्यू डे वन पे आई क्या वही सेम रहेगी क्या, नहीं, उनकी वैल्यू भी चेंज होगी। एक्विजिशन डेट पे जो वैल्यू आई वो तो है ही, उसके बाद सामने वाली सब्सिडी जो भी प्रॉफिट वगैरह कमाएगी उसमें एनसीआई लोग अपना हिस्सा भी तो मांगेंगे बाद का, तो कंसोलिडेशन डेट को इनकी वैल्यू भी चेंज होती है। तो सबसे पहले एनसीआई की एक्विजिशन डेट की वैल्यू पता करो। एक्विजिशन डेट पे एनसीआई कैसे निकालते हैं, या तो फेयर वैल्यू मेथड या पीएसएनए मेथड, इंडिया 103 में सिखा रखा है। आपको कौन सा मेथड लगाना होता है, आपका जो मन करे वो मेथड लगाओ प्रैक्टिकल लाइफ में। सर एग्जाम में बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन में जो मेथड बोल
देगा उस अकॉर्डिंग डे वन की एनसीआई निकालते हैं, बोल दिया फेयर वैल्यू तो वो लगाना, बोल दे पीएसएन मेथड तो वो लगाना। सर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर वैल्यू मेथड लगाने की कोशिश करना, यानी फेयर वैल्यू एनसीआई क्वेश्चन में गिवन होगी या सामने वाली कंपनी की डे वन के शेयर की मार्केट प्राइस गिवन होगी। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको पीएसएन मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे चूज करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन आप वापस से जाके सुन लेना, उसमें रिवाइज करा रखा है। इसके बाद आप देखो फेयर वैल्यू मेथड में तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपको फेयर वैल्यू दे देगा, ये थी एक्विजिशन डेट के खत्म। पीएसएन मेथड से अगर एक्विजिशन डेट का एनसीए निकालना हो तो क्या करते थे बिजनेस कॉम्बिनेशन में, आप एनसीए के शेयर को मल्टीप्लाई करते थे जो भी सब्सिडी की नेट असेट टेक ओवर करते थे वहां पे स्टेप नंबर फोर में बिजनेस कॉम्बिनेशन में। लेकिन यहाँ पे अब हम स्टेप जो नेट असेट टेकन ओवर है वो अलग तरीके से पता करते हैं डे वन की, कैसे पता करते हैं स्टेप सिक्स में। तो स्टेप सिक्स में जो आपने नेट असेट और सब्सिडी टेकन ओवर पता करी डे वन की उसमें एनसीए का परसेंट मत मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनसीए की वैल्यू मिल जाएगी पीएसएन से। पता ये नेट असेट टेकन ओवर डे वन की जो वैल्यू है फेयर वैल्यू बिल्कुल बराबर आएगी जो बिजनेस कॉम्बिनेशन में स्टेप फोर से आती थी, आप प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हो। पर यहाँ पे इस तरीके से क्यों पता करते हैं, क्योंकि डेटा ही क्वेश्चन में ऐसा रहेगा आपके पास। इसके बाद आपको डे वन की एनसीए पता चल गई, अब आपको क्या करना है कंसोलिडेशन डेट की एनसीए पता करनी है। तो एनसीए वाले क्या करेंगे, आप सब्सिडी के पोस्ट प्रॉफिट में पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में शेयर मांगेंगे, तो आप वो शेयर दे दो। स्टेप फाइव में अपने शेयर निकालना सीख लिया था। इसके बाद देखो आपको याद आ रहा हो एक एडजस्टमेंट मैंने लिखवाया था, सब्सिडी कंपनी का कोई डिविडेंड बांटती है तो उसमें एनसीए वाले लोग अपना शेयर लेस कर लेंगे उस डिविडेंड में, क्यों, क्योंकि वो रिवर्स करना है, इंट्रा ग्रुप आइटम है। क्योंकि एनसीए को जैसे डिविडेंड मिला होगा इनकी वैल्यू बढ़ गई होगी पहले ही अपने आप ही, तो अब इनकी वैल्यू लेस करनी है। बढ़ी कैसे होगी इनकी वैल्यू, देखो इन्होंने सब्सिडी कंपनी के टोटल प्रॉफिट में शेयर ले लिया, सब्सिडी का जो प्रॉफिट वो इंक्लूड किसको करता है, डिविडेंड के अमाउंट को भी, क्योंकि जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन होता है, रिटेन्ड अर्निंग में से बांटा जाता है, पीएनएल में नहीं जाता। तो प्रॉफिट जो लिया होगा प्रॉफिट के अंदर तो डिविडेंड का अमाउंट भी इंक्लूडेड होगा, इसलिए इनकी वैल्यू यहां बढ़ गई होगी। तो जो सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा उसका इंपैक्ट खत्म करना है, तो सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा जितना एनसीए का स्टेक होता है, एनसीए अपना जितना शेयर ऑफ डिविडेंड में वो यहां पे लेस कर लेगा, स्टेप फाइव में आपको सिखाया है। इसके अलावा फुल गुडविल अगर कुछ आती है उसमें इंपेयरमेंट होता है और एनसीए का उसमें कोई शेयर है तो वो आपको लेस करना है। ये क्या चीज़ है ये अगले स्टेप में मैं आपको सिखाऊंगा, आपको एनसीए मिल जाएगा कंसोलिडेशन डेट का, एकदम सिंपल है, बस इतने ही एडजस्टमेंट होंगे। एनसीए का अमाउंट नेगेटिव भी आ सकता है, अगर नेगेटिव आ तो ऐसा मत सोचना एनसीए का क्वेश्चन गलत है, आ सकता है नेगेटिव, क्यों, क्योंकि मान लो सामने वाली कंपनी ने पोस्ट पीरियड में प्रॉफिट कमाया नहीं, लॉस ही लॉस कमा रहे हैं, तो लॉस होंगे तो यहाँ लेस होते चले जाएंगे, लेस होंगे तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि एनसीए नेगेटिव हो जाए, क्लियर, तो एनसीए नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसके बाद आओ स्टेप नंबर एट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व कंसोलिडेशन डेट का निकालना है। ये चीज देखो गुडविल कैपिटल रिजर्व आप डे वन पे जो निकालते हो एक्विजिशन डेट पे, मैं आपको बता दूं गुडविल कैपिटल रिजर्व एक्विजिशन डेट पे जो निकाला जाता है सेम वही आगे भी कंटिन्यू करता है, उसके बैलेंस में कभी भी चेंज नहीं होता। डे वन पे आया वही ईयर एंड की बैलेंस शीट में भी दिखेगा सीएफएस में, अंटिल देयर इज इंपेयरमेंट इन गुडविल, जब तक गुडविल में इंपेयरमेंट ना हो। गुडविल में अगर इंपेयरमेंट होता है तो ठीक है वो हम कम कर लेंगे, बाकी गुडविल और कैपिटल रिजर्व का बैलेंस जो है वो एज इट इज कंटिन्यू करता है आने वाले सीएफएस में भी। आप बिजनेस कॉम्बिनेशन के नोट्स याद करिएगा जिसमें मैंने रिवाइज करवाया था, गुडविल जो है उसमें आपका अमोर्टाइजेशन नहीं होता है लेकिन गुडविल में इंपेयरमेंट हो सकता है, तो अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है इंपेयरमेंट हुआ है तो वो कर लेंगे, अदरवाइज गुडविल या कैपिटल रिजर्व का जो डे वन का बैलेंस होता है वही कंटिन्यू करता है आगे आने वाले सीएफएस के अंदर भी। तो गुडविल कैपिटल रिजर्व का हमें क्या करना पड़ेगा, डे वन का बैलेंस निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, आप क्या लेते हैं पीसी जो आपने पे किया था सब्सिडी कंपनी को एक्विजिशन डेट पे, तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा ले लेना। लेकिन मैं आपको जनरली बता दूं सीएफएस का जब क्वेश्चन आता है ना तो डे वन पे पीसी के क्या क्या कंपोनेंट थे, क्या क्या पे किया था, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होती जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन में होती है। तो सर फिर पीसी कैसे पता करेंगे, पीसी पता करने के लिए फिर एक और ट्रिक आपको काम में आएगी, वो ट्रिक क्या होगी देखो उस ट्रिक को समझो आप लोग। जिस दिन आप कंपनी खरीदोगे, जिस दिन का आपको सी एफ एस बनाना होगा सपोज 31 मार्च 2024 का एज पर इंडियस 110, तो आज के दिन के आपको एस एफ एस दे रखे होंगे ए लिमिटेड का और रिलायंस लिमिटेड का, आज के दिन का आपको एस एफ एस दे रखा होगा। तो पता है क्या होगा आज के दिन के एस एफ एस में आपको याद है जब आप किसी कंपनी को खरीदते हो तो पहली बार एंट्री कहाँ पास करते हो एस एफ एस में, इंडेक्स 27 इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड टू कैश बैंक, जैसे भी आपने पीसी दिया सपोज 1 करोड़ में खरीदा तो पीसी के आइटम क्रेडिट में डाल देता था हमें, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसको रिफ्लेक्ट करता था एक तरीके से पीसी को एस एफ एस में। तो आज के दिन ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड आ रहा होगा और उसके आगे सपोज 1 करोड़ का अमाउंट लिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है 1 करोड़ का अमाउंट क्या है पीसी होगा जो रिलायंस को पे किया था डे वन पे। आप एसएफएस में क्या रिकॉर्ड करते हो, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
जो भी आपने पीसी में दिया था वो आइटम। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट पीसी को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, तो आज के दिन की जो पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी दिख रहा होगा वो पीसी का अमाउंट ही होगा। तो यहाँ से आप ये पीसी मान लोगे, ठीक है, इसे हम पीसी मान लेंगे क्वेश्चन में। तो इसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा भी है दैट इज अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाई पेरेंट कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी। इसके बाद इसमें अपन क्या ऐड करते हैं, एनसीआई ऐड करते हैं एक्विजिशन डेट को। अब यहाँ पे देखो आप जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं गलती से, आप लोग कंसोलिडेशन डेट वाला एनसीआई ले लेते हो। आपको कौन सा एनसीआई ऐड करना होता है, ये वाला गुडविल कैपिटल रिजर्व कब का निकलता है, एक्विजिशन डेट का। तो एनसीआई कौन सा लेना है, एक्विजिशन डेट वाला। इसमें फिर आप लेस कर देना नेट असेट टेकन ओवर ऑफ सब्सिडी कंपनी ऑन एक्विजिशन डेट, स्टेप सिक्स में अपन ने पता करी थी। आपको क्या मिल जाएगी, गुडविल या कैपिटल रिजर्व पॉजिटिव आता है, गुडविल नेगेटिव आता है कैपिटल रिजर्व। अगर कुछ इंपेयरमेंट बता रखा है क्वेश्चन में गुडविल में हुआ है अभी एक्विजिशन डेट के बाद से, वो लेस कर देना तो गुडविल आपको कंसोलिडेशन डेट की मिल जाएगी, वरना जो एक्विजिशन डेट की थी वही आगे कंटिन्यू करती है, उसे ही अपन सेम दिखा देंगे बैलेंस शीट में। अब देखो गुडविल में इंपेयरमेंट कैसे होगा, गुडविल में इंपेयरमेंट के लिए देखिए आप लोग दो तरीके की गुडविल होती है, पार्शियल गुडविल और फुल गुडविल। ये मैंने आपको इंडेक्स 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में पढ़ाया, उसको रिवाइज करना, दोबारा इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं होगा, वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्शियल गुडविल जब आती है, जब एनसीआई को पीएसएनई मेथड से मेजर करते हो तो जो गुडविल निकलती है उसे अपन पार्शियल गुडविल बोलते हैं, और एनसीआई को अगर आपने फेयर वैल्यू मेथड से लिया हुआ है तो वो जो गुडविल आती है उसे फुल गुडविल बोलते हैं। पार्शियल गुडविल का मतलब वो गुडविल होती है जो कि सिर्फ पेरेंट को बिलोंग करती है, उसमें एनसीआई का कोई भी हिस्सा नहीं होता है, लेकिन फुल गुडविल वो गुडविल होती है जिसमें पेरेंट और एनसीआई दोनों का हिस्सा होता है। ये जो डिटेल रीजनिंग है इसकी बिजनेस कॉम्बिनेशन में अपन ने दे रखी है, तो उस पर अपन अभी चर्चा नहीं करेंगे, अब अपन यहाँ पे इंपेयरमेंट की बात करते हैं। तो अगर पार्शियल गुडविल है, पार्शियल गुडविल कब आएगी, जब आपने एनसीआई को पीएसएनई से लिया होगा, तो पार्शियल गुडविल आई और अगर उसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस होता है तो वो इंपेयरमेंट लॉस सिर्फ और सिर्फ पेरेंट कंपनी भुगतेगी, उसमें एनसीआई कुछ भी नहीं भुगतने वाला। क्यों, क्योंकि जो गुडविल है वो केवल पेरेंट को ही बिलोंग करती है, पार्शियल गुडविल किसको बिलोंग करती है, सिर्फ पेरेंट को। तो इसका इंपेयरमेंट लॉस भी कौन भुगतेगा, सिर्फ पेरेंट ही भुगतेगा, यानी सारा का सारा इंपेयरमेंट लॉस पहले पेरेंट कंपनी अपने पीएनएल में लेकर जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस की सारी बातें अपन इंडिया 36 में करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन है तो वो अपन ने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो पेरेंट अपने पीएनएल को कम करेगा, पीएनएल को अपन किस नाम से बोलते हैं, पेरेंट के पीएनएल को, ग्रुप रिटेंड अर्निंग। तो पेरेंट अपने ग्रुप रिटेंड अर्निंग को कम करेगा, डेबिट करेगा रिटेंड अर्निंग के बैलेंस को कम, पीएनएल डेबिट करना एक तरीके से, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट जो कि ग्रुप रिटेंड अर्निंग में से कम होगा। टू गुडविल, गुडविल का बैलेंस कम होगा तो वो क्रेडिट होगी, इस तरीके से इंपेयरमेंट होगा। लेकिन अगर फुल गुडविल है तो उसमें दोनों लोगों का हिस्सा है, पेरेंट का भी एनसीआई का भी। तो गुडविल को अगर कोई नुकसान होता है, इंपेयरमेंट होता है, इंपेयरमेंट यानी नुकसान, गुडविल को कोई नुकसान होता है तो वो भी दोनों को भुगतना पड़ेगा। एक बात सुन लीजिए आप लोग, कोई अगर असेट है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक मोबाइल फ़ोन है, ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन अगर सिर्फ मैं ही ओन करता हूँ तो इसकी स्क्रीन टूटती है, कुछ भी होता है, इस मोबाइल फ़ोन में कुछ भी खराबी होती है, तो उसको अगर सही कराना है तो उसका पैसा मुझे भुगतना पड़ेगा, ठीक है, वो लॉस पूरा का पूरा मेरा है। तो पार्शियल गुडविल में पूरी गुडविल पेरेंट को बिलोंग करती है, तो उसका कोई लॉस होगा तो पूरी पेरेंट ही भुगतेगा। पर अगर मैं बोलूँ ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन में अगर स्क्रीन टूटती है, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो है वो मेरे साथ एक पर्सन और चलाता है, हम दोनों ने जॉइंट ओनरशिप में ये मोबाइल फ़ोन लिया था, आधे पैसे उसने लगाए थे आधे मैंने लगाए थे, तो अब ये मोबाइल फोन में अगर कभी कोई भी खराबी होती है, कुछ भी स्क्रीन टूटती है, कुछ भी होता है, तो हम दोनों पैसा भुगतेंगे, मेरे को भी कुछ पैसा भुगतना पड़ेगा और जो इस मोबाइल फोन का जॉइंट ओनर है उसे भी भुगतना पड़ेगा। तो सेम चीज फुल गुडविल के केस में, फुल गुडविल दोनों को बिलोंग करती है, पेरेंट और एनसीआई। तो जितना पेरेंट का हिस्सा है उस गुडविल में उतना इंपेयरमेंट लॉस तो पेरेंट भुगतेगा, और जितना एनसीआई का हिस्सा है उतना इंपेयरमेंट लॉस एनसीआई भुगतेगा। तो पेरेंट अपना हिस्से का इंपेयरमेंट लॉस कहां से कम करेगा, ग्रुप रिटेंड अर्निंग से, और एनसीआई अपने हिस्से का इंपेयरमेंट लॉस कहां से कम करेगा, अपनी वैल्यू कम करके, एनसीआई की वैल्यू। तो जनरल एंट्री क्या होगी, ग्रुप रिटेंड अर्निंग अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सिंपल सा है आपका इंपेयरमेंट इन गुडविल, अगर हो तो ऐसे आप कर दोगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए, स्टेप नंबर 9, कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप रिजर्व्स, कंसोलिडेटेड रिजर्व्स या कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी फाइनल बैलेंस ऑन कंसोलिडेशन डेट। ये आपका एक लास्ट स्टेप समझने का, इसके बाद डायरेक्ट बैलेंस शीट बनेगी। आपको अब ग्रुप रिजर्व्स पता करने हैं, यानी जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनेगी उसमें जो रिजर्व्स आएंगे, अदर इक्विटी का बैलेंस आएगा, शेयर कैपिटल अदर इक्विटी आता है ना, फिर अदर इक्विटी का जो बैलेंस आएगा वो क्या आएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का बैलेंस क्या होगा, जिसे हम कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी भी बोल सकते हैं। अदर इक्विटी में जनरली रिजर्व्स होते हैं तो अपन उसे कंसोलिडेटेड रिजर्व्स भी बोल देते हैं, या ग्रुप रिजर्व्स भी बोल देते हैं, या जो ग्रुप रिटेंड अर्निंग में बार बार बोल रहा था वो भी बोल देते हैं, ठीक है, यही वो चीज़ है। तो फाइनल बैलेंस कंसोलिडेशन डेट को अदर इक्विटी का आप अपनी बुक्स में क्या दिखाओगे, सीएफएस में, वो निकाल रहे हैं। तो आप इसमें जितने भी आपके रिजर्व है ना उनके कॉलम बना देना, जैसे मैंने पर्टिकुलर से बात, रिटेन अर्निंग, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व, टोटल, जितने भी रिजर्व हैं सारे को कॉलम बना दोगे।
पेरेंट कंपनी अपने खुद के रिजर्व का बैलेंस एज इट इज लिख देगा कंसोलिडेशन डेट का, खुद के मेरे खुद के जितने रिजर्व हैं वो तो मैं लूंगा ही ना सीएफएस में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सामने वाली सब्सिडियरी कंपनी के पोस्ट रिजर्व में मैंने जितना जितना मेरा शेयर लिया था वो ऐड कर लूंगा, पेरेंट अपना शेयर ऐड कर लेगा, एनसीआई ने अपना शेयर ऊपर ऐड कर लिया था पेरेंट यहाँ ऐड कर लेगा, रिटेन्ड अर्निंग का रिटेन्ड अर्निंग में, जनरल रिजर्व का जनरल रिजर्व में, अदर रिजर्व का अदर में, टोटल में डाल देंगे। इसके बाद मुझे सब्सिडी के कंपनी में डिविडेंड मिला था उसमें मेरा जितना शेयर था वो मैं यहाँ लेस करूंगा, मैंने लिखवाया था ना ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से आप लेस करोगे, पेरेंट कंपनी अपना शेयर ऑफ डिविडेंड लेस करेगी ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में स्टेप 9 में, वही चीज मैं कर रहा हूँ रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, तो रिटेन्ड अर्निंग वाले कॉलम में मैं यहाँ पे लेस कर रहा हूँ, रिटेन अर्निंग वाले कॉलम में मैं यहाँ पे लेस कर लूँगा कुछ होगा तो सामने वाले के डिविडेंड में मेरा शेयर। इसके अलावा गुडविल में कुछ इंपेयरमेंट होता है तो मेरा जितना शेयर होगा पेरेंट का लेस कर लूँगा। अब यहाँ पे गुडविल के इंपेयरमेंट से याद आया एनसीआई में भी था ना ये, एनसीआई में मैंने क्या लिखवाया था शेयर ऑफ एनसीआई इन इंपेयरमेंट ऑफ फुल गुडविल, एनसीआई का हिस्सा कौन सी गुडविल में होता है फुल, फुल गुडविल में अगर कोई इंपेयरमेंट होगा तो एनसीआई भुगतता है, तो एनसीआई की वैल्यू कम होती है इसलिए लेस किया था, पार्शियल गुडविल में कोई हिस्सा ही नहीं होता इसलिए मैंने यहाँ पे फुल गुडविल वर्डिंग लिखी थी, ठीक है। यहाँ पे देखो आप कंसोलिडेटेड रिजर्व में पेरेंट का गुडविल के इंपेयरमेंट में कोई हिस्सा है तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से कम होता है अभी लिखवाया था लेस कर लो, पार्शियल गुडविल में पूरा का पूरा, फुल गुडविल में जितना हिस्सा होगा उतना। इसके अलावा अनरियलाइज गेन हुआ कुछ इन्वेंट्री पीपी पर डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में, डाउन स्ट्रीम यानी पेरेंट ने सब्सिडी को बेचा था तो मेरे पी एंडल में मैंने प्रॉफिट लिखा था तो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग से हम कम करते थे तो वो भी लेस कर लो। मैंने सारे एडजस्टमेंट एक जगह लिख दिए, अगर आप कंसेप्ट भूल भी जाते हो याद करके भी चले जाते हो ना कभी गलत नहीं होगा, इससे परफेक्ट कोई नोट्स मैं नहीं दे सकता, सीएफएस में सबसे परफेक्ट नोट्स यही है, आप ये याद करके भी चले जाओगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक बार ऊपर आके देख लो चाहे इस चीज़ को। अनरियलाइज गेन डाउन स्ट्रीम, देखो अनरियलाइज गेन डाउन स्ट्रीम का था तो इसमें आप क्या करते थे ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से कम करते थे, यहाँ करते थे ना अप स्ट्रीम में तो सब्सिडरी के पोस्ट रिजर्व में से कम होता था वो तो एनालिसिस वाले स्टेप में हो गया, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में तो यहाँ होता था डाउन स्ट्रीम वाले में, तो वही चीज़ मैंने लिखी है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है यहाँ पे, तो वो मैंने लिख दिया। इसके अलावा अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में पीपी मैंने सब्सिडी से खरीदी थी ज़्यादा अमाउंट पे तो उस पर मैंने ज़्यादा अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा तो उसको मुझे रिवर्स करना होता है एडिशनल डेप्रिसिएशन को अनरियलाइज्ड गेन पोर्शन के ऊपर, तो रिवर्स करूंगा कब अप स्ट्रीम में मैं करूंगा क्योंकि मैंने अपने पी एंड एल में रिकॉर्ड किया होगा, डाउन स्ट्रीम में तो डेप्रिसिएशन उसने रिकॉर्ड किया होगा तो वो हटाएगा वो पोस्ट एक्विजिशन में से हटाएगा तो इसका इंपैक्ट यहाँ डालेंगे ऐड करके, मेरे को वापस बढ़ाना पड़ेगा ना जो एक्स्ट्रा मैंने लगाया डेप्रिसिएशन। इसके अलावा कोई अदर एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है प्लस माइनस कर देना बस, ये हो जाएगा आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व का फाइनल बैलेंस। अब आ जाइए लास्ट स्टेप आपका प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जिसके लिए हमने मेहनत करी, बस ये करके आपको देना है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, आप लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करते जाएंगे असेट और लाइबिलिटी के, पेरेंट और सब्सिडी के, पेरेंट और सब्सिडी के फुल अमाउंट असेट लाइबिलिटी के मैं लाइन बाय लाइन ऐड करता जाऊंगा। ये ए लिमिटेड का एसएफएस है, यहाँ पे रिलायंस लिमिटेड का एसएफएस है और ये बीच में मैं बना रहा हूँ सीएफएस। तो अब मैं क्या करूँगा, जितनी भी असेट्स लाइबिलिटीज आ रही हैं दोनों की बुक्स में उनको लाइन बाय लाइन ऐड करता जाऊँगा, लाइन बाय लाइन जितने भी अमाउंट आ रहे हैं लाइन बाय लाइन। मान लो इसकी बुक्स में पीपी आ रहा है 10,000 का, इसकी बुक्स में पीपी आ रहा है 5,000 का, तो सीएफएस में कितने पे आ जाएगा पीपी 15,000। लाइन बाय लाइन सारे आइटम आप ऐड कर देना कंसोलिडेशन डेट को जो कि उनकी सेपरेट बुक में आ रहे हैं, फुल अमाउंट आप ऐड करते जाना तीन चीज़ों को छोड़ के। तीन चीज़ें क्या क्या होंगी, एक तो ए लिमिटेड पेरेंट कंपनी की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी नाम से एक असेट आ रही होगी, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी नाम से एक असेट आ रही होगी वो हटा देना। भाई अब उस असेट की जरूरत ही क्या है, अब हम सब्सिडी की नेट असेट्स को ही हमारे असेट बना के दिखा रहे हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नाम से असेट आ रही है उसको हटा देना। उसको हटाते हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी जगह गुडविल कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड कर लेते हैं ना, आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी यही करते थे तो ये हटा देना। इसके अलावा सब्सिडी कंपनी की सब्सिडी की शेयर कैपिटल और रिजर्व, सब्सिडी के शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेते हम, शेयर कैपिटल और रिजर्व नहीं लेते। क्यों नहीं लेते सर, इनका इंपैक्ट ऑलरेडी नेट असेट्स में आ गया ना, गुडविल की कैलकुलेशन में ले लिया ना, नेट असेट्स की कैलकुलेशन में आ गए थे ये, तो उसके शेयर कैपिटल और रिजर्व तो इनको आपको इग्नोर कर देना है। क्लियर, तो आपको ये तीन आइटम छोड़ के बाकी सब लाइन बाय लाइन ऐड कर लेने होते हैं। इसके बाद आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व और एनसीआई जो भी कंसोलिडेशन डेट का अपन ने निकाला 7th स्टेप और 8th स्टेप में वो रिकॉर्ड कर लेना सीएफएस में। फिर कोई फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज का अपने को इंपैक्ट देना था असेट लाइबिलिटी में स्टेप 5 में जो सिखाया था, बैलेंस शीट में एडजस्ट करना पड़ता है ना रेस्पेक्टिव असेट लाइबिलिटी में, वो कर देना अगर कुछ है तो। अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री या पीपी को एलिमिनेट करना है तो इसका इंपैक्ट डाल देना। इसके बाद कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन हैं
उनको आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, मान लो मैंने सब्सिडी को कोई प्रोडक्ट बेचा था और सब्सिडी से पैसा मांगता हूँ मैं, डेटर है सब्सिडी मेरा 10,000, तो मेरे SFS में डेटर आ रहा होगा सब्सिडी 10,000 और सब्सिडी की बुक्स में मैं क्रेडिटर दिख रहा हूँ 10,000। तो जब हम CFS बनाएंगे तो उसका क्रेडिटर लेंगे और अपना डेटर आएगा, तो बुक्स में डेटर दिखेगा रिलायंस लिमिटेड 10,000, अब बुक्स में क्रेडिटर दिखेगा ए लिमिटेड 10,000 सब्सिडी वाला। तो मैं अपने आप को ही कैसे पैसा चुकाऊंगा, मैं कैसा बोल सकता हूँ कि मैं अपने आप से ही पैसा मांगता हूँ या अपने आप को ही पैसा चुकाने हैं? भाई ट्रेड रिसीवेबल भी मैं ही हो गया, ट्रेड पेबल भी मैं ही हो गया CFS बनाते वक्त। तो ऐसा ट्रेड रिसीवेबल पेबल पेरेंट कंपनी और सब्सिडी कंपनी के बीच का इंट्रा ग्रुप जो है वो आपको एलिमिनेट कर लेना है, हटा देना है ट्रेड रिसीवेबल पेबल दोनों से। ऐसे लोन गिवन या लोन टेकन है, मैंने सब्सिडी को कोई लोन दिया था तो मेरे लिए लोन गिवन होगा, उसके लिए लोन टेकन, तो ये इंट्रा ग्रुप आइटम है, CFS में हटा देना दोनों साइड से, एसेट और लायबिलिटी दोनों में से हटा देना उतना अमाउंट, ठीक है। तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करने होते हैं, इसी के साथ आपकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। ये 10 स्टेप्स हैं जिसमें आपका ईयर एंड का CFS बन जाएगा, ये ध्यान से कर लीजिएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन का फटाफट से रेफरेंस लेके मैं आपको बता देता हूं, उससे पहले दो स्टेप्स हो रहे हैं वो और सीख लो, कोई काम के नहीं है वो ज्यादा। ये दो स्टेप्स क्या हैं, कई बार क्वेश्चन में बोल लेते हैं कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L भी बनाओ, स्टेप नंबर 11 में सिखाया है मैंने। देखो सर, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाने का आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आया नहीं, और बहुत रेयर चांस होते हैं कोई एक आध क्वेश्चन है अपने पास ICAI की बुक के अंदर भी, तो फालतू है, इसको आप नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में क्यों नहीं बनता था, वहाँ केवल कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना सीखा, क्योंकि वो एक्विजिशन डेट थे, उस दिन खरीदते थे, उस दिन क्या सामने वाले के प्रॉफिट वगैरह में शेयर लेते थे? नहीं। पर अब क्या है, जब CFS बनता है Ind AS 110 में तो एक टाइम बीत चुका होता है, हमें उसके प्रॉफिट में भी शेयर लेना होता है, इसलिए अब हम P&L को भी कंसोलिडेट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बिल्कुल सिंपल से आप लाइन बाय लाइन इनकम और एक्सपेंसेस के आइटम ऐड करते जाओ दोनों के सेपरेट P&L के। इसके अलावा कोई ऐसे आइटम जो कि P&L को इफेक्ट करते हैं, जिनका एडजस्टमेंट हमने डाला था ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग स्टेप 9 में, या फिर सब्सिडियरी के एनालिसिस में पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में इफेक्ट डाला था, ऐसे आइटम जो P&L को इफेक्ट करते हैं, जिनका हमने एडजस्टमेंट कहाँ डाला था, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में या फिर सब्सिडियरी के पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग एनालिसिस के अंदर, जैसे कि इंपेयरमेंट का इंपैक्ट हमने ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में डाला पेरेंट का, या सब्सिडी के पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में अपन क्या इंपैक्ट डालते थे, एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स, इन्वेंट्री के पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में जब इन्वेंट्री बिक जाती थी तो उसका रिवर्स करते थे। तो पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में जो भी इंपैक्ट डाला था उन आइटम्स का जो P&L को इफेक्ट करते हैं, उनका इंपैक्ट आपको इसमें देना पड़ेगा उन आइटम्स के रेस्पेक्टिव हेड के अंदर। इसके अलावा कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन से सेल परचेज बिटवीन पेरेंट सब्सिडी, उन सबको हटाना पड़ेगा। फाइनली जो टोटल प्रॉफिट लॉस आएगा उसको बांट देना पेरेंट और सब्सिडी में, पेरेंट कंपनी का जितना प्रॉफिट होगा वो तो पूरा पेरेंट का, पर सब्सिडी कंपनी का जो प्रॉफिट आया होगा कंसोलिडेटेड P&L में, उसमें तो दो लोगों का हिस्सा है ना, एक पेरेंट का और एक NCI का, इसलिए आपको एट्रीब्यूट करके दिखाना होता है पेरेंट का टोटल प्रॉफिट हिस्सा कितना है और टोटल प्रॉफिट में NCI का हिस्सा कितना है, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा। बस इतना आप पढ़ के रखो, एक क्वेश्चन है, ज़्यादा काम का नहीं है, इग्नोर करोगे चलेगा, इसमें मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं दे रहा। ऐसे ही स्टेप 12 में कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाना है, तो सेम वैसे ही लाइन बाय लाइन दोनों कंपनीज के कैश फ्लो स्टेटमेंट के आइटम्स को आप ऐड करते जाइए फुल अमाउंट पे। आपको इंट्रा ग्रुप कैश ट्रांजेक्शन एलिमिनेट कर देने हैं, इंट्रा ग्रुप कैश ट्रांजेक्शन एलिमिनेट करें, यहाँ पे आप एलिमिनेट करोगे लेकिन कौन से इंट्रा ग्रुप, वो भी कैश वाले, जैसे कि पेरेंट और सब्सिडियरी कंपनी के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ था कैश में, केवल वही एलिमिनेट करना, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इन केस ऑफ डिविडेंड पेड बाई सब्सिडियरी कंपनी, ये और ध्यान रखना है, सब्सिडियरी ने जब डिविडेंड पे किया तो वो डिविडेंड दो लोगों को मिलता है, एक पेरेंट को और NCI को। अभी तक तो हम पूरा का पूरा एलिमिनेट करते थे, लेकिन जब आप कैश फ्लो बनाओगे ओनली जितना डिविडेंड पेरेंट कंपनी को मिला है वही एलिमिनेट होगा। इसके पीछे रीजन क्या है, आप लॉजिकली सोचो, सब्सिडी ने जो डिविडेंड पेरेंट को दिया उतना ही तो पोर्शन इंट्रा ग्रुप आइटम है, जो NCI के लोगों को मिला वो तो अपने घर ले गए होंगे, तो वो जो ट्रीटमेंट था NCI वगैरह में से भी अपन एलिमिनेट कर रहे थे ऊपर, वो ICAI गलत करता है, पर वो मैंने आपको पढ़ाया है क्योंकि आपको एग्जाम में भी वही करना है, उससे आपकी बैलेंस शीट वगैरह पे इंपैक्ट नहीं पड़ता, पर वो एक तरीके से प्रेजेंटेशन गलत है, पर ठीक है वो फॉलो करना है। तो यहाँ पे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे यहाँ पे भी अगर ICAI वही गलती फॉलो कर ले तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत क्योंकि आपका कैश फ्लो मैच ही नहीं करेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि कैश फ्लो में तो एक्चुअल कैश मैच करना चाहिए ना, तो एक्चुअल कैश तो क्या होगा, सब्सिडी से पेरेंट को कितना मिलेगा, जितना पेरेंट का स्टेक है उतना ही पेरेंट वाले एलिमिनेट करना है, NCI का एलिमिनेट मत करना यहाँ पे, क्योंकि NCI वाले लोग तो अपने घर ले गए होंगे। तो इंट्रा ग्रुप के नाम से जब आप कैश फ्लो में एलिमिनेट करोगे तो ओनली पेरेंट कंपनी का डिविडेंड एलिमिनेट करना, बाकी इस पर ज्यादा दिमाग मत लगाओ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको इग्नोर कर सकते हो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को कंसोलिडेटेड वाले को। एक बार देखो एक क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में करवाया था क्वेश्चन बैंक का, एक क्वेश्चन आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं।
देखो अब राम लिमिटेड ने 60% शेयर्स लिए हैं कृष्णा लिमिटेड के 1 अक्टूबर 2001, तो ये हमारी एक्विजिशन डेट है, डेट ऑफ एक्विजिशन। देखो स्टेप वन आपका क्या हो गया, आपने 60% शेयर्स लिए हैं, 60% शेयर्स लिए हैं तो स्टेप वन ये हो गया आपका, ये सॉल्यूशन जो आपको लिखवाया गया था। स्टेप वन में क्या लिख लिया, पेरेंट का शेयर 60%। स्टेप टू क्या होता है, एनसीए का शेयर 100 - 60 = 40%। स्टेप थ्री डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर 2001। इसके बाद देखो डेट ऑफ कंसोलिडेशन चाहिए स्टेप फोर में, तो लास्ट ही लास्ट लाइन देखो क्वेश्चन में बोली है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ कब की, 31 मार्च 2002 की आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, तो ये आपको मिल जाएगा स्टेप फोर। तो चार स्टेप तो मैंने लिख भी दिए, और यहीं से आपको पता चलेगा आपको इंडेक्स 110 लगाना है कि इंडेक्स 103। आधे बच्चों को इसी कंफ्यूजन में रहना है सर उसमें भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी इसमें भी, तो आप देखो एक्विजिशन डेट की पूछी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो 103 लगेगा, पर यहाँ पूछी कब की है 31 मार्च 2002 एक्विजिशन डेट के बाद की, तो यहाँ इंडेक्स 110 लगेगा। क्लियर, तो ये चार स्टेप अपन ने नोट कर दिया। फिफ्थ स्टेप करेंगे एनालिसिस ऑफ रिजर्व्स ऑफ सब्सिडियरी। अपने एग्जांपल में सब्सिडियरी कौन सी है, कृष्णा लिमिटेड, किशन लिमिटेड जो है वो अपनी सब्सिडी है, क्योंकि अपने सब्सिडी किशन के ही शेयर्स लिए हैं। तो अब आपको एनालिसिस करना है सब्सिडी के रिजर्व्स का, तो आपको आज के दिन कब की 31 मार्च 2002 की दोनों कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है, 31 मार्च 2002 यानी कंसोलिडेशन वाले दिन की। तो कंसोलिडेशन वाले दिन की रिजर्व्स देखो क्या क्या आ रहे हैं, अदर रिजर्व आ रहे हैं और रिटेन्ड अर्निंग आ रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन ये तो आज के आ रहे हैं, हमें एनालाइज करना है प्री और पोस्ट के अंदर बांटना है, 1 अक्टूबर तक कितने थे और उसके बाद के कितने थे, तो आपको आगे और इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक बार देखो रिटेन्ड अर्निंग कृष्ण लिमिटेड का क्रेडिट बैलेंस था 60,000 का 1 अप्रैल 2001 को कृष्ण लिमिटेड का 60,000 था रिटेन्ड अर्निंग 1 अप्रैल 2001। बताओ कब आया होगा, एक्विजिशन डेट से पहले, 1 अक्टूबर थी एक्विजिशन डेट, 1 अक्टूबर 2001 से था, यानी ये पूरा का पूरा प्री था 60,000 का रिटेन्ड अर्निंग, 60,000 आप पूरे का पूरा प्री डालोगे। उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग में देखो कितना बैलेंस हो गया आज के दिन 164, तो चेंज कितना आया 104,000 का। तो देखो सबसे पहले बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग 60,000 कहाँ जाएगा, 1 अप्रैल का बैलेंस प्री में चला गया। इसके बाद इंक्रीज कितना हुआ रिटेंड अर्निंग में, आज हो गया 164 बैलेंस, उस दिन था 60, यानी 104,000 का चेंज आया है। 104,000 जो इंक्रीज हुआ रिटेंड अर्निंग का बैलेंस, ये कहाँ डालोगे आप, प्री में डालोगे कि पोस्ट में। तो यहाँ पे आप देखो बस जब भी एनालिसिस वाला स्टेप करोगे तो 5 स्पेशल एडजस्टमेंट थे वो आपके माइंड में घुसने चाहिए। सबसे पहला स्पेशल एडजस्टमेंट, सब्सिडी को इन बिटवीन ईयर लिया है तो जो प्रॉफिट है वो प्री और पोस्ट, करंट ईयर का प्रॉफिट प्री और पोस्ट दोनों पीरियड में टाइम बेसिस के रेशियो में जाएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो आपने सब्सिडी को कब लिया है, 1 अक्टूबर 2001 इन ईयर के बिटवीन में, तो 1 अक्टूबर से पहले के यानी स्टार्टिंग के 6 मंथ्स का तो प्री प्रॉफिट है और बाद के 6 मंथ्स का करंट ईयर का प्रॉफिट पोस्ट है, यानी 6:6 के रेशियो में बटेगा, 52,000 प्री में 52,000 पोस्ट में चला गया। क्लियर, अब ऐसे ही अदर रिजर्व्स का बैलेंस आज के दिन 2 लाख का आ रहा है, इसकी भी अब कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। क्वेश्चन रीड करते हैं आगे क्या बोला है, कृष्ण लिमिटेड ने इसमें से डिविडेंड पे किया 10% का 1 नवंबर को, 1 नवंबर कब आएगा, एक्विजिशन डेट 1 अक्टूबर, यानी एक्विजिशन डेट के बाद बट बिफोर कंसोलिडेशन डेट 10% को उसने डिविडेंड पे किया, तो इसका भी एडजस्टमेंट करेंगे, एक बार याद रखो आप। राम लिमिटेड हैज क्रेडिटेड द डिविडेंड रिसीव टू इट्स रिटेन्ड अर्निंग, राम को ने पेरेंट कंपनी उसको जो डिविडेंड मिला था उसने रिटेन्ड अर्निंग में क्रेडिट कर लिया। सिंपल सी बात है, डिविडेंड मिलेगा तो इनकम में दिखाऊंगा ही ना, अगर नहीं बोलता तो भी हम यही मान के चलते हैं तो कोई काम की लाइन नहीं है। इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू दे रखी है 1 अक्टूबर 2001 की 4 लाख, सर कौन सी कंपनी की, कुछ नहीं बोला तो सिंपल सी बात है सब्सिडियरी की दे रखी होगी, क्योंकि एडजस्टमेंट उसका ही करना होता है, पेरेंट का तो करना ही नहीं होता तो उसकी देगा ही क्यों, तो यानी सब्सिडियरी की प्लांट एंड मशीनरी की फेयर वैल्यू दे रखी है एक्विजिशन डेट की, तो उस दिन का कैरिंग अमाउंट पता चल जाए प्लांट एंड मशीनरी का तो हम क्या पता कर सकते हैं, फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज और इफेक्ट डाल सकते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहा है प्लांट एंड मशीनरी पे 10%, ठीक है, यानी इसका भी एडिशनल इंपैक्ट जाएगा डेप्रिसिएशन का। आगे देखो फॉलोइंग आर द इंक्रीजेज ऑन कंपैरिजन ऑफ फेयर वैल्यू एज पर रेस्पेक्टिव इंडेक्स विद बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2001 विच आर कंसिडर्ड व्हाइल कंसोलिडेटिंग द बैलेंस शीट। सामने आपको क्या दे रखा है, फेयर वैल्यू में कितना इंक्रीज था एज कंपेयर टू बुक वैल्यू, डायरेक्टली इंक्रीज इन फेयर वैल्यू बता रखा है कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज का, कब का, 1 अक्टूबर 2001 एक्विजिशन डेट का, फेयर वैल्यू में कितना इंक्रीज था वो डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है, डायरेक्ट इंक्रीज का अमाउंट दिया हुआ है, ये नोटिस करना एग्जाम में जल्दबाजी में गलतियां होती है, डायरेक्ट इंक्रीज का अमाउंट दे रखा है। कौन सी कंपनी का सर, सब्सिडी का ही दिया होगा, कुछ नहीं बोला था क्योंकि एडजस्टमेंट उसका ही करना होता है। एक्विजिशन डेट को सब्सिडी के ट्रेड पेबल में 20,000 का इंक्रीज था, लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख का इंक्रीज था, इन्वेंट्री में 30,000 का इंक्रीज था, तो ये नॉन डेप्रिशिएबल असेट और ये लाइबिलिटी का दे रखा है, और डेप्रिशिएबल असेट का अलग से बता रखा था, तो इसका हमें पता करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज इनका डायरेक्ट ले लेंगे। सर लैंड एंड बिल्डिंग भी तो डेप्रिशिएबल हो सकता
सकती है, देखो इसमें लैंड है तो लैंड पे डेप्रिसिएशन लगता नहीं, बाकी लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कोई डेप्रिसिएशन रेट क्वेश्चन में बता रखी है नहीं, तो आप ये मानोगे ये नॉन डेप्रिशिएबल है, जबरदस्ती कुछ अजम्पशन नहीं लेनी, डेप्रिसिएशन रेट केवल प्लांट एंड मशीनरी की थी, ठीक है। यही अपन ने क्लास में भी डिस्कशन किया था, ये बहुत स्पीडली मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास में अपन ने पूरा सॉल्व किया हुआ है, वही सॉल्यूशन से आपको बता रहा हूँ, तो ये कोई आपका फुल लेक्चर नहीं चल रहा, क्योंकि कुछ बच्चे मैं बाद में देखता हूँ लेक्चर डालने के बाद, सर इसको डिटेल आपने क्वेश्चन नहीं बताया रिवीजन वीडियो में, भाई ये रिवीजन वीडियो है, जिन्होंने पहले क्लास देख चुकी है उनको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हो तो आप अपनी रिस्क पे पढ़ रहे हो इस रिवीजन वीडियो से, आपको समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, वरना ये सिर्फ उनके लिए जिन्होंने एक बार क्लास कर रखी है और अब सिर्फ रिवाइज करना चाहते हैं फटाफट से, क्लियर। तो ये वापस से मैं फैक्ट क्लियर कर रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, यहाँ पे जितना मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट सिर्फ उतनी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, उसमें भी मैं पूरा डिटेल आपको रिवाइज करवाता हूँ एक एक कंसेप्ट के साथ, तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको पूरा डिटेल कंसेप्ट के साथ मैं रिवीजन वीडियो में सारे कंसेप्ट रिवाइज करा देता हूँ, तो यहाँ क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करवाना पॉसिबल नहीं है, वरना तो ये फुल लेक्चर ही हो गया ना, मैं फुल लेक्चर ही यूट्यूब पर डाल दूंगा फिर, तो लेक्चर अलग से मेरे को रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, आप समझा करो इस चीज़ को भी। इसके बाद देखो, इट मे बी अज्यूम दैट द इन्वेंट्री इज स्टिल अनसोल्ड ऑन बैलेंस शीट डेट एंड ट्रेड पेबल्स आर ऑल्सो नॉट ईट एक्सेट्रा। इसका क्या मतलब है कि जो इन्वेंट्री थी ना सामने वाले की, वो अभी भी बैलेंस शीट डेट तक बिकी नहीं है, यानी जो ये इन्वेंट्री में फेयर वैल्यू इंक्रीज हुआ था ना, ये इन्वेंट्री बैलेंस शीट डेट पे है, यानी इसके इफेक्ट को रिवर्स नहीं करना, हम रिवर्स कर देते ना अगर इन्वेंट्री बिक जाती तो, क्लियर। तो ये बस उसके लिए अजम्पशन दे रखी है, अगर नहीं बोलता तो भी हम यही मानते इन्वेंट्री नहीं बिकी होगी, जबरदस्ती ये अजम्पशन थोड़ी ना लेते कि इन्वेंट्री बिक गई होगी बाद में। इसके बाद देखो, ऑल्सो अज्यूम दैट अदर रिजर्व एज ऑन 31 मार्च 2002 आर सेम एज ऑन 1 अप्रैल 2001, कि भाई जो अदर रिजर्व के बैलेंस आ रहे थे ना वो सेम वही है जो 1 अप्रैल को भी बैलेंस थे, ओपनिंग बैलेंस, यानी अदर रिजर्व जो 2 लाख का आज के दिन दिख रहा है सब्सिडी का, वो वही सेम है जो 1 अप्रैल को भी था, यानी अदर रिजर्व पूरा का पूरा प्री है, 2 लाख का अदर रिजर्व पूरा का पूरा प्री है, पोस्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ये तो अभी तक नॉर्मल मैंने बांट दिया डेटा। अब जो स्पेशल एडजस्टमेंट है, आपके माइंड में सारे एडजस्टमेंट आने चाहिए, अब सोचो इस क्वेश्चन में, पहला स्पेशल एडजस्टमेंट अगर बिटवीन प्रॉफिट लिया है तो उसको आपको प्री पोस्ट में डालना पड़ेगा, वो ले लिया। दूसरा स्पेशल एडजस्टमेंट था डिविडेंड का, क्या इस क्वेश्चन में है? बिल्कुल है, इफेक्ट डालो, सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा था 10% का, अब सर अमाउंट तो दे नहीं रखा, अब पता कर लो ना यार अमाउंट 10% किसका बांटा होगा, फेस वैल्यू का, कुछ नहीं बोला तो फेस वैल्यू का, सब्सिडी की शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू पता कर लो, क्रिएशन लिमिटेड की शेयर कैपिटल फेस वैल्यू कितनी है, बैलेंस शीट में फेस वैल्यू आती है 4 लाख, तो 4 लाख का कितना डिविडेंड बांटा होगा सब्सिडी ने, 40,000 का, तो 40,000 का डिविडेंड अब आपको हटाना है, सब्सिडी ने बांटा होगा रिटेंड अर्निंग कम किया होगा तो उसके रिजर्व को ऐड करना है, सब प्री वाले में ऐड करूँ कि पोस्ट? आप देखो सब्सिडी को इन बिटवीन ईयर अक्वायर किया है तो करंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया था, तो करंट ईयर का प्री प्रॉफिट में उतना पोर्शन ऐड करो, पोस्ट वाले में उतना ऐड करो, यानी टाइम बेसिस के रेशियो में ऐड करना पड़ेगा, डिविडेंड को ऐड बैक करो, टाइम बेसिस का रेशियो कितना है 6 मंथ्स टू 6 मंथ्स, यानी इक्वल ऐड कर दो 20,000 प्री में 20,000 पोस्ट रिटेंड अर्निंग में। डिविडेंड का देखो मैंने नोट भी बनवाया था आपको एडजस्टमेंट का, आप 40,000 डिविडेंड निकाला, रिटेंड अर्निंग में ऐड कितना किया 6 मंथ्स टू 6 मंथ्स के रेशियो में प्री और पोस्ट में सब्सिडी के में। इसके अलावा पेरेंट अपना शेयर ग्रुप रिटेंड अर्निंग स्टेप 9 में लेस करेगा, कितना 40,000 का 60% 24,000 लिखा भी था स्टेप 9 में लेस करेंगे। इसके बाद 40,000 का 40% NCI अपना शेयर स्टेप 7 NCI में से लेस करेगा। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है जैसे कि आपकी पूरी लिंकिंग बनी रहे कि कौन सी चीज़ का कहाँ का एडजस्टमेंट डालना, कभी गलत होगा ही नहीं क्वेश्चन, ये बस फॉलो करते जाओ, जो आपको तरीका मैंने क्लास में सिखाया था वही सॉल्यूशन है आपको जो क्लास में बताया था। इसके अलावा अब देखो कोई थर्ड स्पेशल एडजस्टमेंट था एक आपका फेयर वैल्यू इंपैक्ट का, वो आएगा कि इस क्वेश्चन में बिल्कुल आएगा, फेयर वैल्यू इंपैक्ट है। सबसे पहले इन आइटम का दे देते हैं जिनमें कोई डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट नहीं देना। ट्रेड पेबल, सामने वाले के ट्रेड पेबल में 20,000 का इंक्रीज था, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी में इंक्रीज, यानी प्री रिटेंड अर्निंग में से लेस करना है और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में ऐड करना है। ट्रेड पेबल प्री रिटेंड प्री रिजर्व में से लेस किया 20,000, ट्रेड पेबल में इंक्रीज 20,000 प्री में लेस किया स्टेप 5 के अंदर ही, और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे ट्रेड पेबल में ऐड करोगे इंक्रीज था तो स्टेप 10 के अंदर, क्लियर। इसके अलावा देखो आप लैंड एंड बिल्डिंग में 2 लाख का इंक्रीज था, 30,000 का इन्वेंट्री में इंक्रीज था, तो लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज प्री में ऐड, बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग में ऐड, सेम इन्वेंट्री का भी प्री में ऐड, लैंड एंड बिल्ड हाँ बैलेंस शीट में इन्वेंट्री में ऐड, तो यहाँ डाल दो देखो प्री में लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेंट्री का इंक्रीज डाल दिया 2 लाख और 30,000 प्री वाले में डाल दिया। इसके बाद देखो आप ये एडजस्टमेंट हो गया, अब और कोई भी फेयर वैल्यू का एडजस्टमेंट है क्या? बिल्कुल है, एक प्लांट एंड मशीनरी नाम की डेप्रिशिएबल एसेट, उसकी फेयर वैल्यू बता रखी है 1 अक्टूबर को कितनी थी, फेयर वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं दे रखा तो अपने को पता करना पड़ेगा, तो उसका आपको कैरिंग अमाउंट पता है 1 अक्टूबर का? नहीं पता कर सकते हैं, कैसे पता करें? आज के दिन देखो सामने वाला क्रिएशन लिमिटेड, इसकी बुक्स में पीपी का कैरिंग अमाउंट कितना रहा प्लांट एंड मशीनरी का?
270,000 आ रहा आज के दिन कैरिंग अमाउंट, तो हम रिवर्स करके ओपनिंग कैरिंग अमाउंट पता कर लें 1 अप्रैल का, पता कर लो 270,000 को डिवाइड बाई 90% करेंगे तो 3 लाख बैलेंस होगा 1 अप्रैल का। हमें 1 अक्टूबर का चाहिए तो 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा दो, 3 लाख में से 6 मंथ्स का 10% से डेप्रिसिएशन हटाया तो 285,000 उस दिन कैरिंग अमाउंट होगा, पता चल गया फेयर वैल्यू इंक्रीज कितना था, 4 लाख की फेयर वैल्यू थी उस दिन, क्वेश्चन में गिवन है 285 का कैरिंग अमाउंट था तो 1,15,000 की इंक्रीज था। प्री में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करेंगे, प्री में मैंने ऐड कर दिया 1,15,000। इसके अलावा डेप्रिशिएबल एसेट के केस में एक एडिशनल डेप्रिशिएशन का भी इंपैक्ट देना पड़ेगा, आपको बताया था तो वो भी आप कैलकुलेशन कर लो। डेप्रिशिएशन ऑन फेयर वैल्यू पता कर लो एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट, फेयर वैल्यू कितनी 4 लाख, 10% डेप्रिशिएशन, एक्विजिशन डेट 1 अक्टूबर, कंसोलिडेशन डेट 31 मार्च यानी 6 मंथ्स का, 20,000 लगना चाहिए था, सामने वाले ने कैरिंग अमाउंट पे लगाया होगा जो कि उसका कितना आया था 1 अप्रैल को 3 लाख, तो उसने 3 लाख पे 10% से 6 मंथ्स का लगाया था 15,000, यानी 5,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन और लगना चाहिए, यानी आप बैलेंस शीट में से आपको प्लांट एंड मशीनरी में से कम करना है और एडिशनल डेप्रिसिएशन और लगाना चाहिए था तो सब्सिडी के पोस्ट रिटेंड अर्निंग में से कम करना है, तो सब्सिडी के पोस्ट रिटेंड अर्निंग में से 5,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन कम करना है, हो गए एडजस्टमेंट। इसके अलावा बताओ 3 एडजस्टमेंट हो गए, चौथा एडजस्टमेंट क्या था, अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री, कुछ क्वेश्चन में बता रखा है हमने आपस में कोई सेल परचेस करी हुई इन्वेंट्री की नहीं, आपस में कोई पीपी वगैरह की सेल परचेस करी है नहीं, तो बस खत्म, स्टेप नंबर 5 खत्म, टोटल कर लो। अब आप लोग टोटल कर लिया प्री पोस्ट का, प्री वाले में कोई हिस्सा नहीं देना, पोस्ट वाले में आप हिस्सा दोगे, रिटेन्ड अर्निंग ही है बस, पोस्ट अदर रिजर्व में तो कुछ ही नहीं रहा, तो पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में हिस्सा दे दो पेरेंट और एनसीआई को। स्टेप नंबर 6 में आ जाओ, आप कुछ भी नहीं है, शेयर कैपिटल ले लो सब्सिडी की और प्री का बैलेंस ले लो, शेयर कैपिटल सब्सिडी की कितनी आ रही है 4 लाख, यही अज्यूम कर लेंगे उस दिन भी थी एक्विजिशन डेट को। प्री रिजर्व कितने हैं अभी पता करें अपन ने, 6,57,000, टोटल आ गया 1057। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 7 एनसीआई, एनसीआई सबसे पहले तो एक्विजिशन डेट का पता करेंगे, वो कैसे करेंगे, फेयर वैल्यू या पीएसए ने, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू बता भी नहीं रखी एक्विजिशन डेट की, तो पीएसए ने मेथड से पता करेंगे। एक्विजिशन डेट क्या थी 1 अक्टूबर, तो उस दिन की नेट असेट्स ले लो कितनी है 1057, अभी तो निकाली अपन ने, मल्टीप्लाई बाय एनसीआई का स्टेक कितना है क्वेश्चन में 40%, तो ये आ गई एक्विजिशन डेट की एनसीआई। अब अपने को कंसोलिडेशन डेट की निकालनी है, पोस्ट रिटेन्ड अर्निंग में एनसीआई का शेयर ऐड करते हैं, पोस्ट में एनसीआई का शेयर कितना था 26,800, ये ऐड कर दो। इसके अलावा एनसीआई को डिविडेंड जो मिला था उसमें शेयर जितना था वो लेस करेंगे, एनसीआई का डिविडेंड में शेयर कितना था यहाँ लिखा था मैंने 16,000, देखो लिखा भी था ना स्टेप 7 में इसको लेस करना है, तो स्टेप 7 आ गया, इसमें अपन लेस कर रहे हैं, फाइनल बैलेंस आ गया, कोई इंपेयरमेंट वगैरह बता नहीं रखा तो ये फाइनल बैलेंस आ गया एनसीआई का। स्टेप 8 गुडविल और कैपिटल, तो पीसी देखो, पीसी क्वेश्चन में दे रखा था नहीं, पर अब अपन पता कैसे करेंगे, आज के दिन की बैलेंस शीट देखो, पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंपनी की बुक्स में देखो एक इन्वेस्टमेंट नाम से सेट आ रही है, इन्वेस्टमेंट इन क्रिश्चियन लिमिटेड यानी सब्सिडी में इन्वेस्टमेंट 8 लाख, यानी यही तो पीसी है बस, 8 लाख का पीसी प्लस एनसीआई ऑन एक्विजिशन डेट लेना, बस ये जल्दबाजी में गलती मत करना, एनसीआई एक्विजिशन डेट वाला ले लेना क्योंकि गुडविल कैपिटल लेता हुआ एक्विजिशन डेट पे निकलता है, माइनस नेट एसेट जो स्टेप 6 में निकाली थी 1057, तो गुडविल का अमाउंट मिल गया आपको, पॉजिटिव आया, कोई इंपेयरमेंट है नहीं, बस ये अमाउंट कंटिन्यू करेगा। स्टेप नंबर 9 कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का बैलेंस पता कर लो, कंसोलिडेशन आज के दिन का, कंसोलिडेशन डेट का, सबसे पहले जितने भी रिजर्व है उनका कॉलम बना दो, रिटेन्ड अर्निंग अदर रिजर्व, दो ही तरीके के रिजर्व है क्वेश्चन में, लास्ट टोटल कॉलम। पेरेंट का खुद का बैलेंस, पेरेंट का खुद का बैलेंस देखो, अदर रिजर्व का 6 लाख है, रिटेन्ड अर्निंग का 1,14,400, तो ये तो एज इट इज लिख दो, टोटल लिख दिया। इसके अलावा पेरेंट का जो पोस्ट रिजर्व में शेयर था वो ले लो, पेरेंट अपना पोस्ट रिजर्व में शेयर ले लेगा, कितना आया था पेरेंट का शेयर 40,200। इसके अलावा पेरेंट का जो डिविडेंड में शेयर था सामने वाले के वो लेस करना है, स्टेप 9 में देखो लिखा था 24,000, तो ठीक है इन दोनों का एडजस्टमेंट कर देंगे, पोस्ट रिजर्व में ऐड कर दिया जो रिटेन्ड अर्निंग का शेयर था और शेयर ऑफ डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग में से लेस कर दिया ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग में से। इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट थे नहीं, बस यही थे, तो ये फाइनल आ गया कंसोलिडेटेड रिजर्व का बैलेंस 7,3600। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, सबसे पहले असेट्स आती हैं पीपी, पीपी में देखो क्या करोगे, 3 लाख की 480 की अपनी खुद की तो ले लूँगा, दो पीपी आ रही हैं सामने वाली की 360 की और 270 की ले लो, 360, 2, 480, ये तो एडिटेड ले ली मैंने। इसके अलावा आप देखो जो भी इसमें आपका फेयर वैल्यू गेन था उसका इंपैक्ट डालना है, मैंने आपको बताया था वो डालना, स्टेप 10 में लिखवाया था ना, फेयर वैल्यू गेन आपका लैंड एंड बिल्डिंग में था कितना 2 लाख का, वो डालना आपको। इसके अलावा आपका प्लांट एंड मशीनरी में इंक्रीज था 1,15,000 का, ये डालना है, तो हमने ये फेयर वैल्यू गेन डाल दिया 2 लाख का इसके अंदर और 1,15,000 का प्लांट एंड मशीनरी में अपन ने डाल दिया, फेयर वैल्यू ऐड कर दिया। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन जो लगाना था प्लांट एंड मशीनरी पे वो भी अपन लेस करते हैं ना, ऊपर लिखवाया था आपको एडजस्टमेंट में, एडिशनल डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट कहाँ डालना था, बैलेंस शीट में लेस करना था स्टेप 10 में, सब कुछ लिखा हुआ है ऊपर, बस वही आपको रेफरेंस लेके करना है, तो ये आ जाएगा पीपी का फाइनल बैलेंस।
इसके बाद देखो गुडविल आपको लेनी होती है जो अभी अपन ने निकाली वो ले लो। इसके बाद कोई अदर नॉन करंट एसेट है कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट लेना नहीं होता, मैंने बताया था। इन्वेंट्री ले लो अपनी कितनी है 240, सामने वाले की 7200 इन्वेंट्री में फेयर वैल्यू का गेन था वो भी डाल दिया खत्म। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आ रहा है 19600 80000 29000 16000 का कैश ले लिया, इनमें कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं, आ गया एसेट का टोटल कंप्लीट। अब इक्विटी शेयर कैपिटल आप किसकी लेते हो, केवल अपनी, सामने वाले की इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लेते, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी ले लो 10 लाख की अपनी यानी पेरेंट। अदर इक्विटी का बैलेंस कौन सा लोगे जो स्टेप 9 से निकाला था अपन ने, ये वाला 7600 ये ले लो। इसके अलावा NCI अभी अपन ने स्टेप 7 से निकाला था कंसोलिडेशन डेट का वो ले लो। अब इसके अलावा बैलेंस शीट में देख लो कोई लायबिलिटी बस ये आ रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट और ट्रेड पेबल कोई एडजस्टमेंट है नहीं, ट्रेड पेबल में एक एडजस्टमेंट है फेयर वैल्यू का वो डाल देना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया एज इट इज़ और ट्रेड पेबल में एक एडजस्टमेंट था वो डाल दिया फेयर वैल्यू का, बैलेंस शीट मैच हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, आप खुद देख सकते हो, सिर्फ मैंने स्टेप्स लगाए आंसर आ गया। मैं आपको जो भी बताता हूँ यहाँ पे क्लास में लिखवाता हूँ, क्लास वाले स्टूडेंट्स तो जानते हैं क्योंकि आपको सारे क्वेश्चन मैं करवाता ही हूँ। जो सिर्फ रिवीजन वीडियो देख रहे हैं तो जो मैं आपको रिवीजन वीडियो में नोट्स दे रहा हूँ, जो कंसेप्ट बता रहा हूँ, उनमें जो स्टेप्स या प्रोसीजर बता रहा हूँ, अगर आपने वो ध्यान से पढ़ लिया ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा आपसे सॉल्व ना हो, क्योंकि उसमें मैंने सारे एडजस्टमेंट सारा प्रोसीजर लिखवा दिया। अगर आपने उस प्रोसीजर एडजस्टमेंट को एज इट इज फॉलो किया तो फाइनल आंसर आपका मैच हो गई होगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल, आपके सामने क्वेश्चन मैंने समझाया है जो मैंने क्लास में करवाया था, उन्हीं स्टेप से जो स्टेप्स आपको लिखवाए हैं मैंने, क्लियर। तो एक क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने फटाफट से समझा दिया, आ जाइए अब आप लोग आगे। कंसोलिडेशन प्रोसीजर इन केस ऑफ चेन होल्डिंग, नेक्स्ट टॉपिक अब अपन देखते हैं इस इंडेक्स का। देखो कंसोलिडेशन प्रोसीजर इन केस ऑफ चेन होल्डिंग, सबसे पहले चेन होल्डिंग समझनी आपको क्या है और फिर देखेंगे इसका कंसोलिडेशन प्रोसीजर। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है चेन होल्डिंग, मैं एक कंपनी हूँ, मेरा नाम है पी पेरेंट कंपनी, मैंने एक दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है जिसका नाम है S1 यानी सब्सिडियरी मेरी, तो मैंने इसके 80% शेयर्स लिए तो वो मेरी सब्सिडियरी बन गई। अब ये S1 है ना, इसने पता क्या किया, आगे एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिए 60% S2 के अंदर, तो S2 क्या बन गई, S1 की सब्सिडियरी बन गई, S2 क्या बन गई, S1 की सब्सिडियरी बन गई। देखो मैं हूँ पी, मैंने S1 में इन्वेस्टमेंट किया 80%, तो S1 क्या बन गई, मेरी सब्सिडियरी बन गई, और S1 ने आगे S2 के अंदर 60% इन्वेस्टमेंट कर दिया तो S2 क्या बन गई, सब्सिडरी बन गई, सब्सिडरी की, मेरी सब्सिडरी की भी सब्सिडरी है S2 यानी सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी। तो इसे बोलते हैं चेन होल्डिंग, एक चेन बन रही है, एक चेन बन रही है, मैंने S1 को होल्ड किया हुआ है, S1 ने S2 को होल्ड किया हुआ है। अब ऐसे आगे हो सकता है S2 ने किसी S3 में इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, तो पूरी चेन बन सकती है, मैक्सिमम एग्जाम में इतनी ही चेन आती है, वरना क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। प्रोसीजर सेम है, इससे आगे का भी आता है, तो बाकी एक ही क्वेश्चन है वही आता है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, बिल्कुल सिंपल है प्रोसीजर, आपको पूरा बता दूंगा। अब यहां पे आप देखो, यहां पे जब आप कंसोलिडेशन करोगे ईयर एंड का, तो कुछ फर्क होगा क्या, बिल्कुल सेम होंगे, वही कंसेप्ट होंगे जो अभी मैंने आपको बताया, बस थोड़ा सा फर्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब की बार हमारी दो सब्सिडियरी हो गई। सर दो कैसे हो गई, पेरेंट मेरी तो एक ही सब्सिडियरी है ना S1, S1 ने आगे S2 में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो S2 तो S1 की सब्सिडियरी है, मेरी थोड़ी ना है। लेकिन जब भी हम CFS बनाएंगे ना, तो हम पी ये मानेगा कि S2 भी मेरी है, तो पी प्लस S1 प्लस S2 करके हम दिखाएंगे। तो सर ऐसा कैसे मान लेगा, तो उसको मैं लॉजिकली आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। पी का किस में कंट्रोल है, S1 में डायरेक्टली मेरा 80% कंट्रोल है, 80% स्टेक है, यानी मेरा कंट्रोल है, मैं जो बोलूंगा S1 को वो करना पड़ेगा। लेकिन S2 को मैं डायरेक्टली जाके नहीं बोल सकता, S2 ऐसा करे, S2 बोलेगा तू कौन है भाई, तो S2 में तो इन्वेस्टमेंट S1 ने किया हुआ है, S1 जो बोलेगा S2 वो फॉलो करेगा, S2 क्या फॉलो करेगा, S2 वो फॉलो करेगा जो S1 इसे बोलेगा। तो पता है अब S2 में मुझे कुछ काम करवाना है, मुझे S2 कंपनी की एक ब्रांच ओपन करवानी है एक दूसरी जगह, तो मैं क्या करूँगा, मेरा कंट्रोल है S1 पे, मैं बोलूंगा S1 को बेटा S2 को जाके बोल कि वो वहां पे एक ब्रांच ओपन करे। S1 मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा ये बताओ सबसे पहली चीज, तो S1 को मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि S1 में मेरा कंट्रोल है, 80% स्टेक का कंट्रोल है, S1 सुनेगा तो S1 को मेरी बात माननी पड़ेगी और वो S2 को बोलेगा वहां ब्रांच ओपन कर, तो S2 आगे जाएगा, S1 आगे जाएगा और S2 को बोलेगा जाके वहां पे ब्रांच ओपन कर, S1 आगे जाके S2 को क्या बोलेगा, जाके वहां पे ब्रांच ओपन कर। S2 बताओ कि S1 की बात सुनेगा, S2 बताओ कि S1 की बात सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा, क्यों, क्योंकि S1 का S2 पे कंट्रोल है 60%। तो इनडायरेक्टली जो मुझे काम करवाना है S2 से मैं करवा पा रहा हूं, मैं कौन पी, यानी मेरा S2 में डायरेक्ट कंट्रोल तो नहीं है पर इनडायरेक्ट मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, इसलिए यहां पे मेरी सब्सिडियरी ही मानूंगा। इंडियस सब्सटेंस पे चलते हैं, इंडियस सब्सटेंस पे चलते हैं, समझ में आई ये बात आपको, आप इसे ऐसा समझ सकते हो। देखो आपके घर में आपके दादाजी हैं, ग्रैंडफादर हैं, आपके खुद के पिताश्री हैं और आप बेटे हो,
उनके, ठीक है। तो ये चेन बन रही है, ये पूरी चेन बन रही है। अब क्या होगा ना, आपसे अगर कुछ काम करवाना है आपके दादाजी को, आपके ग्रैंडफादर को आपसे कुछ काम करवाना है आपके दादाजी को, तो आप शायद उनकी बात ना सुनो, ठीक है, आप उनकी बात नहीं सुनते, लेकिन आप अपने पिताश्री की बात जरूर सुनोगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे अपने पिताश्री की बात तो सुनते हैं, कोई एक्सेप्शन को भूल जाओ एक बार के लिए। तो आपके पापा जो बोलेंगे आप वो तो करोगे, लेकिन आपके दादाजी बोले ना, एक बार उनको बोला गया आप यार बैठे रहो, ठीक है मैं नहीं कर रहा ये काम, आप उनको कई बार मना भी कर देते हो, लेकिन अब क्या होगा, आपके जो पापा जी हैं वो आपके दादाजी की बात सुनेंगे, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। तो आपके दादाजी को अगर आपसे कोई काम कराना है वो आपके पापा को बोलेंगे, और आपके पापा वो आपको बोलेंगे, फिर आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसे चेन बन रही है, तो आपके दादाजी इनडायरेक्टली आपको कंट्रोल कर ही रहे हैं, एक पूरी फैमिली है ये भी। तो दादाजी जब अपनी फैमिली बताएंगे ना, तो बोलेंगे मेरा बेटा है और मेरे बेटे का भी बेटा मेरे साथ ही है, ठीक है, CFS बनेगा इस तरीके से, दादाजी का, उसके उनके बेटे का और उनके बेटे का भी, ठीक है, सबका CFS बनेगा। तो इसे बोलते हैं चेन होल्डिंग। कंसेप्ट बिल्कुल सेम रहेंगे, स्टेप्स भी बिल्कुल वही सेम है, बस कुछ एडिशनल चीज़ें होंगी, वो मैं आपको फटाफट बताते जाता हूँ। सबसे पहला स्टेप, आप सब्सिडियरी कंपनीज में अपना स्टेक पता कर लो। पेरेंट बनाता CFS, पेरेंट कौन है अपने एग्जांपल में पी, तो पी अपना स्टेक पता कर लेगा सब्सिडियरी पर। अब के बार सब्सिडियरी कितनी है, दो है, S1 और S2, दो सब्सिडियरी है ना, तो स्टेक पता कर लो। S1 में अपना स्टेक कितना है, डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था 80%। S2 में स्टेक, जब भी आप सब्सिडियरी की सब्सिडियरी में अपना स्टेक निकालोगे तो आपको पता है कैसे निकालना पड़ेगा, आपको अपना स्टेक देखना है S1 में कितना है, उसको मल्टीप्लाई करना है S2 के अंदर S1 का स्टेक कितना है, तो आपको स्टेक मिल जाएगा S2 में आपका। यानी S1 में मेरा स्टेक कितना था 80%, और S2 में S1 ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है 60%, तो आपका स्टेक हो गया 80 × 60, 48% हो गया S2 के अंदर। तो सर ये तो गलत हो गया, 48% में कौन सा कंट्रोल आता है। मैंने बोला ना ये कंट्रोल जो स्टेक निकाल रहे हैं ना, ये सिर्फ आगे की कैलकुलेशन के लिए, बस जो आप अपना हिस्सा लोगे ना प्रॉफिट वगैरह में। एक्चुअल में आप सब्सटेंस में देखो, इंडिया सब्सटेंस में देखते हैं, सब्सटेंस में तो मैं S2 को कंट्रोल कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैं S1 को बोलूंगा ऐसा काम करवा S2 में, और S1 वैसा करवा लेगा, क्योंकि S1 के पास तो पूरा कंट्रोल है और मेरे पास S1 का पूरा कंट्रोल है, ठीक है। तो ये बस केवल स्टेक निकालने के लिए, इसको निकालने का यही तरीका क्यों है कि आपने अपना स्टेक को सब्सिडियरी के सब्सिडियरी में जो स्टेक है उससे मल्टीप्लाई किया, तो उसका भी एक लॉजिक है। देखो सब्सिडियरी S1 जो है उसने S2 में 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया 60% स्टेक लेने के लिए। S1 में मेरा स्टेक कितना है पेरेंट का, 80% स्टेक है। अब बताओ मेरी सब्सिडी ने आगे अगर जो 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए वो पैसा आया कहाँ से होगा, 80% मैंने कंट्रीब्यूट किया होगा और 20% NCI ने, तो 80% पैसा तो मैंने दिया ना इस 1 लाख का, यानी 80,000 तो मैंने दिया। यानी सामने वाली सब्सिडी जो है वो अगर किसी का 60% इन्वेस्टमेंट कर रही है, 60% ले रही है, तो उसका 80% पैसा तो मैंने ही दे रखा है, यानी 60% में 80% स्टेक मेरा है, यानी 60 × 80 48%, इस तरीके से निकाला जाता है ये। अब स्टेप टू, NCI का स्टेक निकाल लो, दोनों में वही 100% माइनस दोनों में जो आपके पेरेंट का स्टेक है उससे मल्टीप्लाई कर दो। थर्ड स्टेप, आपकी डेट ऑफ एक्विजिशन सब्सिडी की, दो सब्सिडी है S1 के लिए, बिल्कुल सेम वैसा ही जो अभी अपन ने ऊपर वाले केस में निकालना सीखा था, क्वेश्चन में जो गिवन डेट है वो ले लेना। S2 के लिए जब भी आप एक्विजिशन डेट लोगे तो उसमें आपको दो डेट में से लेटर वाली डेट यानी बाद वाली डेट कंसिडर करनी है। कौन सी दो डेट में, एक्विजिशन डेट ऑफ S1/P या फिर एक्विजिशन डेट ऑफ S2/S1। सर समझ नहीं आया, यानी S2 के लिए अगर आपको एक्विजिशन डेट पता करनी है तो आप वो डेट लो जिस दिन मैंने S1 को खरीदा, मैंने यानी P ने, या फिर वो दिन जिस दिन S1 ने S2 को खरीदा, इन दोनों में से जो भी बाद वाली डेट है वही एक्विजिशन डेट मानेंगे S2 के लिए। इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या, बिल्कुल है, एग्जांपल से समझो। सबसे पहला एग्जांपल, S1 को मैंने खरीदा 1 अप्रैल 2023 को और S2 को S1 ने खरीदा 1 अप्रैल 2024, तो एक्विजिशन डेट S1 के लिए क्या है, मैंने कब खरीदा 1 अप्रैल 2023, सिंपल था। S2 के लिए एक्विजिशन डेट क्या है, सर S2 को देख लो कब खरीदा S1 ने 1 अप्रैल 2024, वही आ गई। सर सेम तो है, इसमें क्या अलग है, इसमें देखो हमने क्या किया, S2 के लिए 1 अप्रैल 2023 और 1 अप्रैल 2024 इन दोनों में से बाद वाली डेट ली है, सेकंड एग्जांपल से क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने S1 में स्टेक लिया 1 अप्रैल 2024 को, लेकिन S1 ने S2 को ऑलरेडी पहले ही खरीदा हुआ था 1 अप्रैल 2023 को, तो S1 के लिए तो एक्विजिशन डेट 1 अप्रैल 2024 है, S2 के लिए क्या होगी, इन दोनों में से बाद वाली यानी 1 अप्रैल 2024। अब की बार हमने S2 के लिए 1 अप्रैल 2023 नहीं ली, इसके पीछे रीजन क्या आप समझो। देखो S1 में तो मैंने जिस दिन स्टेक लिया उस दिन मेरे पास कंट्रोल आया, पर S2 में कंट्रोल कब आएगा, मान लो S2 को S1 ने पहले ही खरीद रखा था, एक S1 है उसने S2 को 1 अप्रैल 2023 को ही खरीद लिया था, पर अभी तक S1 का मेरे पास कंट्रोल नहीं है, मेरे पास S1 का कंट्रोल कब आया, 1 अप्रैल 2024, तो सिंपल सी बात है उसी दिन मेरे पास S2 का भी तो कंट्रोल आया होगा। S2 का कंट्रोल पहले वाली डेट पे कैसे आ सकता है, यानी S2 के लिए हमेशा एक्विजिशन डेट बाद वाली डेट होगी। बाद वाली डेट कौन सी, जिस दिन मैंने S1 को खरीदा या फिर जिस दिन S2 को S1 ने खरीदा, इन दोनों में से बाद वाली डेट, क्लियर। तो ये याद कर लीजिएगा।
स्टेप फोर में कंसोलिडेशन डेट लिख देना जिस दिन का सीएफएस बनाना है। स्टेप फाइव एनालिसिस ऑफ रिजर्व करोगे, दो सब्सिडी है तो दोनों के लिए अलग अलग रिजर्व का एनालिसिस करोगे, दोनों सब्सिडी के पोस्ट रिजर्व में आप शेयर लेने के लिए अलग अलग बनाओगे टेबल। इसके बाद बिल्कुल सेम है वर्किंग वगैरह सब कुछ बाकी। फिर स्टेप सिक्स नेट असेट्स टेकन ऑफ ओवर ऑफ सब्सिडी एक्विजिशन डेट की पता करेंगे, दोनों सब्सिडी की पता करेंगे तो दोनों के अलग अलग कॉलम बनाओगे, बाकी बिल्कुल सेम है। स्टेप सेवन में आप पता क्या करते हो, एनसीआई पता करते हो, तो दो सब्सिडी है तो दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बनाओगे एस वन एस टू सब्सिडी का एनसीआई पता करने के लिए। तो एक्विजिशन डेट का लोगे एनसीआई, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ सब्सिडी वन में आप शेयर ले लोगे, सब्सिडी टू में आपका कितना शेयर है वो ले लोगे, तो दोनों के रेस्पेक्टिव कॉलम में अमाउंट डाल दिया। सब्सिडी में कोई डिविडेंड बांटा उसमें आपका जितना शेयर है एनसीआई का वो लेस कर लोगे। इंपेयरमेंट ऑफ फुल गुडविल में एनसीआई का जितना शेयर है वो लेस कर लेंगे, बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट है। इसके अलावा बस चेन होल्डिंग में एक स्पेशल एडजस्टमेंट और होता है एनसीआई के अंदर, वो देखो आपको लेस करना पड़ता है शेयर ऑफ एनसीआई इन एस वन ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एस टू। एस वन वाला जो कॉलम होता है उसमें आपको लेस करना पड़ता है एस वन की एनसीआई का शेयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एस टू के अंदर। अब ये क्या चीज़ है, पहले तो मैं आपको अमाउंट बता देता हूँ, इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। आप एस टू के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किसकी बुक्स में आ रहा होगा, एस वन, एस वन नहीं तो एस टू में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो एस वन की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एस टू आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो एस वन में एनसीआई का परसेंटेज कितना है, उस अमाउंट को आपको एस वन की एनसीआई में से लेस करके निकालना पड़ेगा, फाइनल दोनों की एनसीआई मिल जाएंगी और वो टोटल एनसीआई आ जाएगी जो बैलेंस शीट में आपको दिखानी है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है इस एडजस्टमेंट के पीछे, ये जो एडजस्टमेंट है ना ये स्पेशल एडजस्टमेंट है, इसके पीछे लॉजिक समझो आप। यहाँ पे देखो S1 ने S2 में कितना पैसा इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपीज़, कितना स्टेक लेने के लिए 60%। S1 1 लाख रुपीज़ आगे इन्वेस्ट करेगी तो वो पैसा आया कहाँ से, वो पैसा आया कहाँ से सर, 80% पेरेंट ने दिया होगा और 20% एनसीआई ने, क्योंकि S1 में पैसा किसने कंट्रीब्यूट कर रखा है, 80% पेरेंट का है स्टेक S1 में और 20% एनसीआई का है, यानी 1 लाख रुपीज़ का 20% यानी 20,000 रुपीज़ तो एनसीआई वाले लोगों ने दिया होगा S2 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप बताओ एनसीआई वाले लोगों को किस में हिस्सा मिल रहा है, S1 में भी हिस्सा मिल रहा है और S2 में भी, एनसीआई वाले लोगों को दोनों कंपनीज में हिस्सा मिल रहा है ना, तो S2 में शेयर लेने के लिए, S2 में शेयर लेने के लिए एनसीआई वाले लोगों को क्या करना पड़ा, S1 में से कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ा, S1 को कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ा था ना S2 में, S1 को S2 में कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ा जिसकी वजह से S2 में भी हिस्सा मिला एनसीआई वाले लोगों को। S2 में भी हिस्सा मिला कब मिला, जब S1 ने S2 में इन्वेस्टमेंट किया, तो S1 ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया जिसमें से 20,000 रुपये तो एनसीआई वाले लोगों ने कंट्रीब्यूट किए थे, यानी 20,000 रुपये एनसीआई की वैल्यू कम हुई थी, 20,000 एनसीआई की वैल्यू कम हुई थी S1 में, तब जाके S2 में एनसीआई वाले लोगों को हिस्सा मिला है। ये 20,000 आया कैसे, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन S2 मल्टीप्लाई बाय एनसीआई का स्टेक कितना है S1 में, समझ में आया, पूरा लॉजिकली आपको बताया है। यानी आप देखो जो सब्सिडी की सब्सिडी है उसमें भी एनसीआई को हिस्सा कब मिला, जब सब्सिडी वन ने सब्सिडी टू में पैसा इन्वेस्ट किया, सब्सिडी वन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो दो लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, उसके पेरेंट और एनसीआई ने, तो एनसीआई ने जो कंट्रीब्यूट किया था उसमें से एनसीआई की वैल्यू गिरी होगी ना इस वन में, तो एनसीआई में एनसीआई ने कितना कंट्रीब्यूट किया होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एस टू मल्टीप्लाई बाय एस वन में एनसीआई कितना है, बस यही मैंने किया, ये स्पेशल एडजस्टमेंट है, पूरा लॉजिक के साथ बताया है, जिस बहुत सारे बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैंने यहाँ पे भी लॉजिक इसको डिस्कस किया है, सिंपल सा एडजस्टमेंट था। स्टेप एट देखो गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना है कंसोलिडेशन डेट का, सबसे पहले पीसी पता कर लो कितना पे किया, एस वन को कितना पीसी दिया अपन ने, दो कंपनी है दोनों के लिए अलग अलग कॉलम बनेगा, एस वन को पीसी कितना दिया इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन एस वन दिख जाएगा पी की बुक्स में, एस टू को कितना पीसी दिया S1 की बुक्स में इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन S2 दिखेगा, S1 ने तो इन्वेस्टमेंट किया है पर वो अमाउंट आप टोटल मत ले लेना, S2 के लिए जो पीसी आप लोगे ना वो टोटल अमाउंट इन S2 मत ले लेना, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन S2 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा S1 में P का कितना स्टेक है, क्यों करना पड़ेगा, देखो 1 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है S1 ने S2 में, हम गुडविल कैपिटल रिजर्व किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं, पी, सारी कैलकुलेशन पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है क्योंकि सीएफएस पी बना रहा है, तो हम ये देखना चाह रहे हैं पी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया होगा S2 के अंदर, तो S1 ने 1 लाख रुपीज़ लगाए हैं, S1 में पी का इन्वेस्टमेंट कितना था 80%, यानी पी ने तो इसमें 80% ही कॉन्ट्रीब्यूशन दिया होगा ना, यानी 1 लाख का 80% यानी 80,000, यानी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन S2 मल्टीप्लाई बाय पी का शेयर इन S1, ऐसे आएगा S2 में PC का अमाउंट। इसके बाद NCA एक्विजिशन डेट का दोनों का ऐड कर लेना, नेट असेट टेकन ओवर लेस कर लेना, स्टेप सिक्स से गुडविल कैपिटल रिजर्व मिल जाएगा, फाइनल नेट कर लेना, खत्म, सिंपल। स्टेप नाइन वही कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी का फाइनल बैलेंस, पेरेंट अपना खुद का ले लेगा बैलेंस, फिर दोनों सब्सिडी में अपना पोस्ट में शेयर ले लेगा, डिविडेंड में शेयर लेस कर लेगा, गुडविल का शेयर गुडविल में इंपेयरमेंट का शेयर लेस कर लेगा, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में अनरियलाइज गेन है तो वो लेस कर लेगा, अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में अनरियलाइज गेन पे एडिशनल डेप्रिसिएशन का इफेक्ट है तो वो ऐड कर लेगा रिटेन अर्निंग में, कोई अदर एडजस्टमेंट है तो एड लेस, बिल्कुल सेम है स्टेप नाइन।
इसके बाद लास्ट स्टेप 10 बिल्कुल सेम है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने का। तीनों जो लोग हैं वो अपने लाइन बाय लाइन आइटम ऐड करेंगे, यानी पेरेंट का, सब्सिडरी वन का, सब्सिडरी टू का, तीनों की एसेट लाइबिलिटी आप लाइन बाय लाइन ऐड कर लेना। चेन होल्डिंग का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सेम था, कुछ अलग नहीं था, दो तीन चीज़ अलग थी वो मैंने आपको समझा दी, आप क्वेश्चन करिएगा इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए इंडेस 110 में आपका, परचेज ऑफ एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी कंपनी आफ्टर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल बाय पेरेंट कंपनी। सब्सिडरी कंपनी में आप एडिशनल स्टेक लेते हो आफ्टर एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इन कंट्रोल बाय पेरेंट कंपनी, कंट्रोल लेने के बाद, तो उसकी अकाउंटिंग क्या करोगे? देखो सबसे पहली चीज़ तो इस इंडेक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, जिसपे आपके 99% एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बाद के टॉपिक पे एग्जाम में गलती से आएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वरना आया ही नहीं है, ठीक है, आएगा ही नहीं, तो बाद वाले टॉपिक अब इतनी रेलिवेंसी नहीं रखते। आपने जितना पढ़ लिया अगर वो भी पढ़ के चले जाते इस इंडेक्स का तो इनफ है इस इंडेक्स से। अब ये टॉपिक देखो क्या है, फटाफट से कंप्लीट करते हुए इन फालतू के टॉपिक को, अपन इनमें ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आप सब्सिडरी कंपनी में एडिशनल स्टेक ले रहे हो उसमें कंट्रोल लेने के बाद, इसका क्या मतलब है? देखो 1 अप्रैल 2023 को रिलायंस का मैंने 60% स्टेक लिया, इसके बाद 1 अप्रैल 2025 को मैंने इसका 20% स्टेक और ले लिया एडिशनल स्टेक, कितना? 10,000 रुपीज परचेज करके। तो पहले मेरा 60% स्टेक था, अब कितना हो गया? 80% हो गया। तो जो मैंने एडिशनल स्टेक परचेज किया रिलायंस के अंदर सब्सिडरी में, सब्सिडरी तो पहले ही बन गई थी ना, 60% स्टेक लेते ही 50% से ज़्यादा लेते ही बन जाती है। तो अब इस एडिशनल स्टेक की अकाउंटिंग क्या करूं? तो एडिशनल स्टेक परचेज करने से क्या हुआ, कंट्रोल आया था, कंट्रोल तो पहले से ही था, बस इसकी कोई स्पेशल अकाउंटिंग होगी, सीख लो। SFS में क्या करोगे? SFS में तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड टू कैश, पैसा चला गया, कितना? 10,000 खत्म। SFS में तो बस इतनी सी अकाउंटिंग होगी, मैं अपने SFS में तो जो इन्वेस्टमेंट किया उसको अलग से और रिकॉर्ड कर लूंगा। अब CFS में क्या अकाउंटिंग होगी? CFS में सोचो हुआ क्या, जब मेरा रिलायंस में 60% स्टेक था तो बाहर के छोटे मोटे लोगों का कितना स्टेक था NCI का? 40%। अब जैसे ही मैंने 20% और स्टेक ले लिया रिलायंस में तो मेरा टोटल हो गया 80%, तो NCI का स्टेक कितना रह गया? 20%। यानी याद रखो, जब भी आप अपनी सब्सिडी में एडिशनल स्टेक परचेस करते हो तो छोटे मोटे लोगों की वैल्यू गिर जाती है, उनका स्टेक कम हो जाता है, बिल्कुल लॉजिकल है, मैंने आपको बता दिया। यानी CFS में क्या होगा, NCI की वैल्यू गिरेगी, NCI की वैल्यू गिरेगी, यानी NCI को आपको कम करना पड़ेगा, NCI को रिड्यूस करना पड़ेगा। कितना रिड्यूस करें? अब NCI को जो रिड्यूस करोगे तो कैसे करोगे? NCI का जब बैलेंस बढ़ता है तो NCI क्रेडिट होता है, लाइबिलिटी होता है एक तरीके से, तो NCI को रिड्यूस करना है तो NCI को डेबिट करना पड़ेगा, तो आपकी एंट्री होगी NCI अकाउंट डेबिट। आपके पास से गया क्या पैसा? चला गया कैश, कितना? 10,000। आपने 10,000 का पैसा दिया एडिशनल स्टेक परचेज करने की वजह से, जिससे आपका NCI बढ़े, NCI कम होगा, तो NCI को मैंने डेबिट किया, NCI को डेबिट किया। कितने अमाउंट से डेबिट करूँ सर? 10,000 से कर दो ना, जितना आपने कैश दिया। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता NCI उतने से ही कम होगा कि भाई जितना कैश दिया मैंने एडिशनल स्टेक के लिए उतना ही NCI कम होगा, ऐसा नहीं है। कितना कम होगा NCI? प्रोपोर्शनेट कम होगा। जब भी आपकी बुक से कोई चीज़ आपको हटानी होती है, कम करनी होती है, आपकी बुक से कभी भी किसी वैल्यू को कम करना होता है तो आपको प्रोपोर्शनेट कम करते हो, आप प्रोपोर्शनेट कम करते हो। फॉर एग्जांपल आज के दिन मेरी बुक्स में NCI का कैरिंग अमाउंट बता रखा है 30,000, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? आज के दिन का बैलेंस 40% स्टेक, आज के दिन मेरा 60% था और 40% NCI था, तो उसको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो 30,000 डिवाइड बाई 40%, क्योंकि 40% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें से कितना NCI कम हो रहा है? 20%, क्योंकि 20% एडिशनल मैं ले रहा हूँ, तो 20% NCI कम हो रहा है, यानी 15,000 रुपीज से NCI कम होगा, तो NCI 15 से कम होगा, कैश गया 10,000 का, डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस आया परचेज ऑफ एडिशनल स्टेक करने की वजह से, यहाँ गेन आ गया क्रेडिट में 5,000 का। ये गेन कहाँ जाएगा? ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, यानी इसे अपन बोल सकते हैं अदर इक्विटी में, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में जाएगा, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस कहाँ जाता है? अदर इक्विटी में ना, तो गेन लॉस कहाँ जाएगा? अदर इक्विटी में, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आप कभी भी कोई चीज़ की वैल्यू कम करनी है, रिड्यूस करनी है, तो आपको प्रोपोर्शनेट कम करनी होती है। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, मेरी बुक्स में मान लो एक मशीन है, मैंने एक बार है ना मशीन खरीदी थी, दो मशीन खरीदी थी सेम टाइप की, सब कुछ बिल्कुल एक तरीके की, एक ही मॉडल की, 50,000 रुपये में। आज उसमें से एक मशीन बेच दी मैंने, मेरी बुक्स में 50,000 बैलेंस आ रहा है, तो मैं मशीन बता मशीन अकाउंट कितने से क्रेडिट करूँगा? 25,000। मैं बोलूँगा दो में से एक बेच दी तो प्रोपोर्शनेट कम कर दो, कैश से पैसा ले लूँगा, डिफरेंस गेन लॉस होगा। तो सेम वही चीज़ हो रही है ना, NCI कम हो रही है, कैश से मेरा पैसा जा रहा है यहाँ पे, और डिफरेंस गेन लॉस हो रहा है, समझ में आया? तो प्रोपोर्शनेट कम होती है कोई भी चीज़ की वैल्यू। अब ये गेन लॉस जो आया यहाँ पे, बच्चों को ये डाउट रहता है सर ये गेन लॉस जो आया वो ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में क्यों गया? उसके पीछे रीज़न है, आपकी जनरल एंट्री में अगर कोई आइटम इक्विटी हेड का चेंज होता है, कोई आइटम इक्विटी हेड का ऊपर नीचे होता है, तो गेन लॉस भी आप डायरेक्टली इक्विटी हेड में डाल दो, P&L के थ्रू रूट मत करो। इक्विटी हेड शेड्यूल 3 में आपको बताया था मैंने, इक्विटी हेड में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी।
लेकिन साथ में जब एनसीआई होता है तो एनसीआई को भी इक्विटी हेड में दिखाते हैं। तो इस जनरल एंट्री में क्या हो रहा है, आपका एनसीआई चेंज हो रहा है, एनसीआई चेंज होने की वजह से गेन लॉस आ रहा है, एनसीआई में चेंज आने की वजह से गेन लॉस आ रहा है। तो एनसीआई में चेंज आ रहा है, एनसीआई तो इक्विटी हेड का आइटम है, तो इस गेन लॉस को आप कहां लेके जाओगे, डायरेक्ट इक्विटी हेड में यानी अदर इक्विटी में ले जाओ, इक्विटी हेड में ही एडजस्ट कर दो, अदर इक्विटी में यानी रिटेन अर्निंग में। आप पीएनएल में ले जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीएनएल में अलग से दिखता और वो आके एक्युमुलेट तो रिटेन अर्निंग में ही होता। पर इंडेक्स क्या बोलते हैं, आप इंडेक्स में देखोगे ना, बहुत बार ऐसे देखोगे कई बार गेन लॉस रिटेन में जाते हैं डायरेक्टली पीएनएल में जाने के बजाय, उसका बस सिर्फ यही रीजन होता है अगर कोई इक्विटी हेड का आइटम है उसमें ऊपर नीचे चेंज आता है तो उसका गेन लॉस आप डायरेक्टली रिटेन अर्निंग में एडजस्ट करते हो। क्लियर, सेम मैंने आपको इंडेक्स 109 में भी बताया था, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आपने कुछ इशू करे थे और इन फ्यूचर मान लो आपको शेयर इशू नहीं करने थे तो इक्विटी वाला जो इंस्ट्रूमेंट का बैलेंस होता था वो डायरेक्टली आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करके खत्म करते थे, क्योंकि वो अदर इक्विटी में था, इक्विटी हेड में, तो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर ही खत्म करके होता है। यानी इक्विटी हेड के आइटम में अगर कोई चेंज होता है तो वो उसी हेड में एडजस्ट हो जाता है डायरेक्टली। तो ये होगा परचेस ऑफ एडिशनल स्टेक की अकाउंटिंग, सिंपल सी है। पेरेंट कंपनी SFS में इन्वेस्टमेंट टू कैश बैंक करेगी, बस खत्म। SFS में कोई गेन लॉस नहीं आएगा, कोई चीज़ परचेस करते हो तो गेन लॉस नहीं आता है, ठीक है। लेकिन CFS में गेन लॉस आएगा, क्यों, क्योंकि CFS में NCI की वैल्यू कम होगी, NCI की वैल्यू प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट से कम होगी टू कैश बैंक होगा, और डिफरेंस इन एंट्री लॉस या गेन होगा जो कि कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी मतलब ग्रुप रिटेन अर्निंग में चला जाएगा। एग्जाम्पल मैंने लिखा है 1/4/22 को मैंने 70% स्टेक अक्वायर किया था बी लिमिटेड का, 31/3/24 को यानी 2 साल बाद मैंने अनदर 10% स्टेक और लिया 2600 रुपये का कैश पे करके। इस दिन NCI का 30% NCI होगी, इस दिन पहले वाली उसका कैरिंग अमाउंट आ रहा था 6600 रुपये। तो CFS में क्या एंट्री होगी, देखो SFS में तो सिंपल था इन्वेस्टमेंट टू कैश 2600 खत्म, CFS में क्या होगा कैश चला गया 2600 का, NCI कम होगा कितना 6600 का, NCI का कैरिंग अमाउंट है जो कि किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है 30% को, तो डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाय कम कितना हो रहा है NCI 10% से, 10% तो एडिशनल ले रहा हूं तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो NCI कम कर दो, डिफरेंस एंट्री में डेबिट में आ गया, अदर इक्विटी में लॉस चला गया 400 खत्म। नेक्स्ट टॉपिक देखो अब आप लोग, सेल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी कंपनी बाय पेरेंट कंपनी। मेरे पास सब्सिडरी का स्टेक है उसको मैं बेच रहा हूं, सब्सिडरी में स्टेक बेच रहा हूं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे अब वो सीख लो आप लोग। देखो मेरी एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका 1 अप्रैल 2023 को मैंने 80% स्टेक लिया था रिलायंस लिमिटेड में, आज 1 अप्रैल 2025 यानी 2 साल बाद मैं 20% स्टेक बेच रहा हूँ, कितने में, 1000 रुपीज़ में, 1000 रुपीज़ में 20% स्टेक बेच रहा हूँ। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ जब मैंने 80% खरीदा था ना तो 12000 रुपीज़ का पैसा पे करके खरीदा था, 12000 रुपये पे करके खरीदा था, आज 20% स्टेक बेच रहा हूँ कितने में, 1000 में। तो सेल की अकाउंटिंग क्या करूँ, सेल ऑफ स्टेक इन सब्सिडरी की, SFS में देखो कैश आया मेरे पास डेबिट कर लो 1000 का, मेरा इन्वेस्टमेंट कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करो, असेट कम हुई तो असेट क्रेडिट होगी टू इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड। SFS में तो इन्वेस्टमेंट नाम से असेट आ रही होगी ना, उसको कम करेंगे, कितना कम करें, पूरी हटा दे के नहीं, 80% स्टेक में थे मैंने ओनली 20% ही बेचा है, 60% तो अभी भी है, यानी प्रोपोर्शनेट हटाना पड़ेगा, 12000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, ये किसको रिफ्लेक्ट कर रहा था, 80% तो डिवाइड में 80 मल्टीप्लाई बाय बेचा कितना है 20% तो मल्टीप्लाई में 20 यानी 3000 से इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया। कोई भी चीज़ बेचते हैं उसकी वैल्यू कम होती है तो प्रोपोर्शनेट कम करते हैं, अभी समझा चुका हूँ ऑलरेडी। डिफरेंस इन एंट्री क्या आ गया आपका, गेन या लॉस पीएनएल में ले जाओ, यहाँ पीएनएल में क्यों लेके गए, यहाँ कोई भी आइटम ऐसा आ रहा है जो इक्विटी हेड का हो, इन्वेस्टमेंट और कैश दो आइटम है सारे के सारे आपके असेट वाले हैं, इक्विटी ऐड के नहीं है, तो यहाँ पे गेन और लॉस पीएनएल में जाता है, SFS में गेन लॉस यहाँ पे पीएनएल में जाएगा, यहाँ सेल ऑफ स्टेक कर रहे हैं तो SFS में भी गेन लॉस आएगा, आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो गेन लॉस आता है, ठीक है, तो SFS में भी गेन लॉस आएगा। अब CFS में देखो क्या होगा, CFS में सबसे पहले देखो आपका स्टेक बेचने के बाद कितना स्टेक बचा रिलायंस के अंदर सब्सिडरी में, तो 80% था, 20% बेचा तो मेरा कितना बचा 60%, तो बताओ क्या रिलायंस में मेरा कंट्रोल चला गया कि अभी भी है, कंट्रोल अभी भी है, इसे हम बोलते हैं नो लॉस ऑफ कंट्रोल वाला केस, नो लॉस ऑफ कंट्रोल, कि सेल ऑफ स्टेक करने पे भी मेरा कंट्रोल गया ही नहीं रिलायंस में, मेरा कंट्रोल आज भी है, 50% से ज़्यादा है ना, कंट्रोल आज भी है, बस मैंने कुछ स्टेक बेच दिया, तो इस केस में अलग अकाउंटिंग होगी, और अगर कंट्रोल चला जाता तो अलग अकाउंटिंग होगी, दोनों बताऊंगा, पहले नो लॉस ऑफ कंट्रोल वाली सीख लो। तो मेरे पास कैश कितना है सेल करने पे 1000, इसके अलावा क्या होगा, अब आप देखो आप अपना स्टेक बेचोगे उससे क्या होगा, आप देखो पहले मेरा 80% स्टेक था तो NCI कितना होगा 20%, जैसे मैंने 20% बेच दिया मेरा स्टेक तो मेरा स्टेक कितना बच गया 60%, तो अब NCI कितना हो गया होगा 40%, यानी जब मैं सब्सिडी में स्टेक बेचता हूँ तो NCI की वैल्यू बढ़ जाती है, जितना स्टेक बेचूंगा उतनी NCI की वैल्यू बढ़ेगी, यानी NCI 20% से बड़ा होगा, तो यानी NCI बढ़ेगा तो क्रेडिट करेंगे टू NCI, कितना बढ़ाएं सर, प्रोपोर्शनेट बढ़ा लो सर, आपने ही तो बताया था प्रोपोर्शनेट बढ़ा दो। अब बस यही गलती है जो ज़्यादातर बच्चे करते हैं, गलती मत करना, कोई भी चीज़ जब आप बढ़ाते हो, कोई भी चीज़ आप खरीदते हो एक्स्ट्रा आती है, NCI की वैल्यू में बढ़ रही है, NCI वाले एक्स्ट्रा स्टेक
मांगेंगे, सब्सिडी में क्या बोलेंगे, अब लाओ 20% हमें स्टेक और दो। यानी किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू बढ़ती है तो प्रोपोर्शनेट नहीं बढ़ती है, वैल्यू गिरती है तो प्रोपोर्शनेट गिराते हैं, कोई चीज़ हमारी बुक से जाती है तो प्रोपोर्शनेट हटा देते हैं, लेकिन कोई चीज़ नई बुक्स में एडिशनल आती है, एडिशनल लेके आते हो तो प्रोपोर्शनेट नहीं लाते, फिर वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। एग्जाम्पल देखो, आप जो आप सीखते आए हो इंडिया 16 में भी देखा था, वही एग्जाम्पल लो। दो मशीन ली थी सेम टाइप के मॉडल की 50,000 रुपये में, एक बेच रहा हूँ जिसमें से, तो क्या करूँगा मैं 25,000 का कैरिंग अमाउंट मशीन का हटाऊंगा, ये तो करता हूँ प्रोपोर्शनेट हटाता हूँ। लेकिन अब मैं बोलूँ मैं एक नई मशीन खरीद के ला रहा हूँ, दो मशीन मेरी बुक्स में 50,000 रुपये की, सेम मॉडल की सेम टाइप की एक नई मशीन आज खरीद रहा हूँ 2 साल बाद में, तो अब बताओ मैं क्या करूँ? सर आप एक काम करो ना, 50,000 की दो मशीन थी तो एक मशीन कितनी को नीचे 25,000, तो नई मशीन को 25,000 पे रिकॉर्ड कर लो। ऐसा करते थे क्या? नहीं, आप क्या करते थे, जितना नई मशीन को परचेज करने के लिए अमाउंट पे करते थे उसकी जितनी प्राइस होती थी उतने पे रिकॉर्ड करते थे। समझ में आया? यानी कभी भी नई चीज़ बुक्स में आती है ना वो उसके रेस्पेक्टिव अमाउंट के अकॉर्डिंग आती है, उसमें प्रोपोर्शनेट काम नहीं होता। तो अब नया एनसीआई बुक्स में रिकॉर्ड होगा 20% से रिलेटेड, तो अब जो एनसीआई के लोग हैं वो क्या बोलेंगे, सब्सिडी कंपनी में 20% हिस्सा और दो भाई लोग अब हमको, तो सब्सिडी कंपनी में हिस्सा मांगेंगे वो लोग। सोचो अब सब्सिडी में किस में हिस्सा मांगेंगे, हिस्सा मांग देंगे मतलब उसकी नेट असेट में, तो आज के दिन सब्सिडी की नेट असेट्स का जो कैरिंग अमाउंट आ रहा है प्लस उसकी जो भी गुडविल आ रही है, सोचो मैं पेरेंट कंपनी हूँ, मैंने सब्सिडी की नेट असेट्स ले ली थी तो गुडविल भी आई होगी, तो आज जब उस सब्सिडी का 20% बेच रहा हूं तो आज के दिन एनसीए वाले क्या बोलेंगे, आज के दिन उस सब्सिडी की नेट असेट्स का जो कैरिंग अमाउंट और जो गुडविल है उसमें 20% हिस्सा दो अब हमको। गुडविल में भी मांगेंगे, क्यों? क्योंकि वो गुडविल उस सब्सिडी से रिलेटेड है, वो सब्सिडी से ही रिलेटेड है, उसका 80% जितना अपना स्टेक था, पर अब हमने वो सब्सिडी का 20% स्टेक बेच दिया तो उतने परसेंट गुडविल में भी तो एनसीए वाले लोग हिस्सा मांगेंगे। तो एनसीए वाले लोग दो चीजों में हिस्सा मांगेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट और गुडविल ऑफ सब्सिडी कंपनी। 20% हिस्सा दे दो, एनसीए बढ़ा दो, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस आएगा। कहाँ जाएगा ये? वही रिटेन्ड अर्निंग यानी कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी, क्योंकि एनसीए में चेंज की वजह से आ रहा है, यानी इक्विटी हेड का आइटम चेंज हो रहा है तो अदर इक्विटी में जाएगा। खत्म। तो ये लिखा है मैंने, SFS में जो होगा कैश बैंक से पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट कम होगा, गेन लॉस P&L में चला जाएगा। CFS में क्या अकाउंटिंग होगी? तो सबसे पहले देखो सेल ऑफ स्टेक के कारण अगर नो लॉस ऑफ कंट्रोल हो रहा है तो आप क्या करोगे, कैश बैंक से पैसा ले लोगे, NCA बढ़ा दोगे, कितना कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडी एंड गुडविल ऑन सेल डेट मल्टीप्लाई बाय जितना स्टेक मैंने बेचा उतने परसेंट बढ़ा दो, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस जो कि कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में चला जाएगा। ये आपके सामने एग्जांपल है, एग्जांपल देख लो आप, मेरा 80% स्टेक था 2021 में 1040 में परचेस किया था मैंने, 1 अप्रैल 2023 को यानी 2 साल बाद मैंने 25% स्टेक बेच दिया 500 रुपये में, आज के दिन सब्सिडी की नेट असेट्स हैं 1300 रुपये की और गुडविल है 200 रुपये की कैरिंग अमाउंट। तो सबसे पहले देखो अपन कितना स्टेक बेच रहे हैं, 25%, तो मेरा कितना स्टेक बचेगा, 80 - 25 = 55%, नो लॉस ऑफ कंट्रोल है। SFS में क्या करेंगे, कैश से पैसा आया 500, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट कम कर दो, 1040 का इन्वेस्टमेंट था, 80 को रिफ्लेक्ट करता था, 25 बेचा तो प्रोपोर्शनेट कम किया, गेन आ गया, मेरा P&L में चला जाएगा। CFS में कैश आ गया बेचने पे 500, NCA बढ़ा दो, कैरिंग अमाउंट और सब्सिडी नेट असेट्स का और गुडविल कितना 1300 और 200, इसमें स्टेक दे दो कितना 25%, डिफरेंस इन एंट्री गेन आ गया, कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी में खत्म। अगर देखो लॉस ऑफ कंट्रोल वाला केस हो तो क्या होगा, 80% स्टेक था, NCA 20% था, मैंने 35% बेच दिया 1000 रुपीज में, वही 12,000 रुपीज में मैंने 80% स्टेक लिया था, अब मैं 35% बेच रहा हूँ 1000 रुपीज में। SFS में सेम अकाउंटिंग होगी, कुछ नहीं, कैश आया 1000 का, इन्वेस्टमेंट चला गया 12,000, 80% को रिफ्लेक्ट कर रहा था, 35% बेचा, प्रोपोर्शनेट कम किया, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस P&L। SFS में तो सेम अकाउंटिंग होगी, लॉस ऑफ कंट्रोल वाला भी होगा। तो CFS में आओ, आफ्टर सेल ऑफ स्टेक मेरा कितना बचा, 80% में से 35 बेच दिया तो मेरा 45 ही बचा, कंट्रोल चला गया, कंट्रोल कब आता है, 50% से ज़्यादा स्टेक होने पर, अब कंट्रोल चला गया, वो मेरे लिए एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, कंट्रोल चला गया, कंट्रोल गया तो अब क्या अकाउंटिंग करूं, कंट्रोल गया तो अब देखो वो सब्सिडी को आपको कंसोलिडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यानी सब्सिडी से रिलेटेड जितनी भी मैंने मेरी बुक्स में नेट असेट बुक कर रखी होंगी सब हटाऊंगा, यानी सारी असेट क्रेडिट कर दूंगा, सारी लाइबिलिटी उसकी डेबिट कर दूंगा, यानी मैं एक बार में बोल रहा हूं कि नेट असेट क्रेडिट कर दूंगा, नेट असेट बोल रहा हूं तो क्रेडिट कितने अमाउंट पे, जो भी कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा उस सब्सिडी से रिलेटेड जो भी गुडविल होगी वो भी हटा दूंगा, अब उसकी जरूरत ही नहीं है ना कैरिंग अमाउंट पे, उस सब्सिडी से रिलेटेड जो भी एनसीआई बुक में होगा वो भी हटा दूंगा डेबिट करके कैरिंग अमाउंट पे, कैश जो मिला सेल करने पे वो
ले लूँगा। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट बच गया 45% इन्वेस्टमेंट बच गया ना, इसको मैं फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लूँगा रिटेन्ड पोर्शन को, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस आएगा और ये पता है कहाँ जाएगा, पीएनएल में। अब की बार जो सीएफएफ में गेन लॉस आएगा ना वो भी पीएनएल में जाएगा। सर ऐसा क्यों? यहाँ पे भी देखो ना एनसीआई में चेंज हो रहा है इक्विटी एड के आइटम में, पर मुझे बताओ इस जनरल एंट्री में केवल एनसीआई में चेंज होने की वजह से ही गेन लॉस आया क्या? नहीं, इस जनरल एंट्री में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी चेंज हो रहा है, नेट असेट्स भी जा रही है, गुडविल भी जा रही है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से गेन लॉस आया, तो फिर ये डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। केवल एक इक्विटी एड का आइटम इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारे आइटम इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आपकी पूरी सब्सिडरी चली गई, आपने एक पूरी सब्सिडरी बेच दी तो एक फाइनल गेन लॉस हो चुका है, तो इसको फिर पीएनएल में लेके जाओ आप लोग। तो लॉस ऑफ कंट्रोल में ये काम आप करोगे, आप क्या करोगे सीएफएस में, एसएफएस में तो बिल्कुल सेम है, सीएफएस में आप क्या करोगे जो सेल ऑफ स्टेक से अमाउंट मिला कैशबैक डेबिट कर लो, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी ऑफ गुडविल डी रिकॉग्नाइज कर दो, एनसीआई का कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज कर दो। अब देखो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी ऑफ गुडविल तो क्वेश्चन में गिवन होगा, पर एनसीआई का कैरिंग अमाउंट कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, सेल डेट पे कितना था तो क्वेश्चन में गिवन है तो वो काम में ले लो, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर एनसीआई आपने पीएसएनए पे मेजर करते थे तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट ऑफ सब्सिडरी जो क्वेश्चन में गिवन है ना सेल डेट पे, उसमें एनसीआई का स्टेक पता कर लो, स्टेक सेल करने से पहले कितना था, उतना ही कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, ये असम्पशन पे अपन चलेंगे। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहे थे तो सब्सिडी की नेट असेट और गुडविल, सब्सिडी की नेट असेट और गुडविल का कैरिंग अमाउंट जो सेल डेट पे था उसमें ये ट्रांजेक्शन होने से पहले एनसीआई का कितना स्टेक था वो मल्टीप्लाई कर लो, तो एनसीआई का आज के दिन का कैरिंग अमाउंट मिल जाएगा। भाई फेयर वैल्यू पे जब एनसीआई होता है तो गुडविल में भी उसका हिस्सा होता है ना, इस तरीके से आप पता करोगे आज के दिन का कैरिंग अमाउंट एनसीआई का अगर गिवन नहीं है तो। इसके बाद हमें कोई इन्वेस्टमेंट रिटेन कर लिया, जैसे 45% रिटेन हो रहा था, उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिटेन क्वेश्चन में गिवन होगी, गिवन नहीं है तो सिंपल सी बात है सब्सिडी की नेट असेट्स ऑफ फेयर वैल्यू जो भी है आज के दिन का कैरिंग अमाउंट है, सब्सिडी की नेट असेट्स का आज के दिन का जो कैरिंग अमाउंट है और जो उसकी गुडविल है वो आप ले लो और उसमें आप परसेंट जितना आपने रिटेन किया उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगी। भाई उस सब्सिडी का तो इन्वेस्टमेंट है तो उसकी नेट असेट्स का कैरिंग अमाउंट और गुडविल का परसेंटेज निकाल लो, इसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा एंट्री में वो गेन लॉस पीएनएल में चला जाएगा। ये एंट्री आपको समझा चुका हूँ, कैश डेबिट, एनसीआई डेबिट, कैरिंग अमाउंट से इन्वेस्टमेंट, रिटेन पोर्शन फेयर वैल्यू पे, टू नेट असेट्स ऑफ सब्सिडी, टू गुडविल, कैरिंग अमाउंट पे, डिफरेंस इन एंट्री, गेन लॉस पीएनएल में, बैलेंसिंग फिगर। एग्जाम्पल देखो, ए लिमिटेड ने 80% स्टेक लिया था बी में 2021 में 1040 रुपीज़ में, एनसीआई पीएसएनए से कैलकुलेट कर रहे थे 1 अप्रैल 2023 को 35% स्टेक बेच दिया 600 रुपये में, कैरिंग अमाउंट सब्सिडी का नेट असेट्स का 1300 है, गुडविल 200 है। तो इसमें आपका देखो 35% स्टेक बेचे थे, 45% बचा, लॉस ऑफ कंट्रोल हो चुका है। एसएफएस में कैश आया 600 का, इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनेट खत्म कर दो, 1040 डिवाइड बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 35, गेन लॉस पीएनएल में चला गया। सीएफएस में देखो कैश आया 600 का, एनसीआई खत्म करना, पर एनसीआई का गिवन है क्या कैरिंग अमाउंट? गिवन नहीं है, तो एनसीआई क्या करेगा? पीएसएनए से था तो आज के दिन नेट असेट्स में कैरिंग अमाउंट में शेयर ले लेगा 1300 का, कितना था एनसीआई पहले 20%, तो 1300 का आप 20% कर दो, उतना एनसीआई का कैरिंग अमाउंट होगा। टू नेट असेट्स ऑफ सब्सिडी टू गुडविल 1300 200 क्वेश्चन में गिवन है, खत्म कर दिया। इन्वेस्टमेंट कुछ रिटेन हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है, कितना 45%, तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो, गिवन है क्वेश्चन में, फेयर वैल्यू नहीं। कैसे निकालोगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडी प्लस गुडविल 1300 प्लस 200, इसमें स्टेक ले लो 1500 का, 45% ये लिया अपन ने, डिफरेंस इन एंट्री गेन आ गया पीएनएल में, खत्म। अब इसमें नोट देखो सेल ऑफ स्टेक वाले में, सेल ऑफ स्टेक में पहला नोट है डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल इन सब्सिडी। कई बार क्या होता है आप सब्सिडी कंपनी में कोई स्टेक बेचते भी नहीं हो, बैठे बिठाए आप घर पे बस आराम कर रहे थे, फिर भी आपका लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया सब्सिडी में। ये कैसे होता है? ये जब होता है जब सब्सिडी कंपनी बाहर के लोगों को एनसीआई के लोगों को फर्दर इक्विटी शेयर इशू कर देती है। एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा। तो इस केस में आपको क्या करना है? सेम अकाउंटिंग करनी है सेल ऑफ स्टेक वाली, बस ये होगा इस केस में आपको कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं होगा, कैश में कोई पैसा डेबिट नहीं होगा, क्योंकि हमने तो कोई किया ही नहीं ना स्टेक, सब्सिडी ने बस नए शेयर मार्केट में इशू कर दिए बाहर के लोगों को, मेरा बैठा बैठाया स्टेक खत्म हो गया उसके अंदर। एग्जांपल देखो, मेरा करंट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर बी लिमिटेड का आपको बता रखा है कंपनी का, इसमें पेरेंट कंपनी ए ने 30,000 शेयर हेल्ड कर रखे थे और एनसीआई के 20,000 थे, 30,000 पेरेंट के शेयर यानी आउट ऑफ 50,000 कितने हो गया 60% और एनसीआई का 40% यानी मेरा कंट्रोल है। 1 अप्रैल 2024 को 2 साल बाद पता क्या हुआ? बी लिमिटेड जो सामने वाली कंपनी, उसने मार्केट में एनसीआई के शेयर होल्डर को नए 25,000 शेयर और इशू कर दिए 10 रुपीज़ की प्राइस पे।
तो इससे नया शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर क्या हो गया, मेरे शेयर तो अभी भी 30,000 है पर एनसीए के 25,000 और बढ़ गए 20+25 45,000, यानी टोटल सामने वाली कंपनी के इशूड शेयर कितने हो गए 75,000। तो स्टेक निकालें तो कितना हुआ, मेरा हो गया 30 out of 75 40% और एनसीए का हो गया 45 out of 75 60%। खेल ही पलट दिया गया, पहले मेरा 60 था अब एनसीए का 60 हो गया, यानी मेरा कंट्रोल लॉस हो गया बैठे बैठाए। मैंने कोई स्टेक बेचा भी नहीं, बस उसने नए शेयर होल्डर्स को नए शेयर इशू कर दिए कंपनी ने। तो इस केस में आपको लॉस ऑफ कंट्रोल की अकाउंटिंग करनी है, बस एक चीज़ होगी मेरे को कंसीडरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने कुछ बेचा ही नहीं ना। आप लोगे सर ये रहा ना कंसीडरेशन, सामने वाली कंपनी ने एनसीए शेयर होल्डर को जो शेयर इशू करे वो रहा ना, वो तो भाई सामने वाली कंपनी को पैसा मिला है नए शेयर इशू करने के लिए, मुझे थोड़ी ना मिला है। मैं तो घर पे आराम कर रहा था, आलस में बैठा था, इसलिए आलस नहीं करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, वरना आपकी भी यही हालत होगी, बैठे बैठाए आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंसान को लगातार रेगुलरली काम करते रहना चाहिए। एक क्वेश्चन था अपन ने किया था इससे रिलेटेड, सेकंड नोट देखो। कई बार क्या होता है पेरेंट कंपनी सब्सिडियरी में अपना कंट्रोल जो है वो दो या दो से ज़्यादा ट्रांजैक्शन में लूज करती है। जैसे कि मैंने क्या किया, आज एक कंपनी में 25% स्टेक बेच दिया सब्सिडियरी में, मेरा 100% स्टेक था, आज 25% बेचा और जस्ट एक महीने बाद ही मैंने 55% स्टेक और बेच दिया, तो मेरा कंट्रोल तो चला गया पर दो ट्रांजेक्शन में गया, दो ट्रांजेक्शन में, और दोनों ट्रांजेक्शन डिफरेंट डेट्स पे हुए हैं लेकिन एक ही महीने के टाइम में हो गए। तो ये इंडेक्स क्या बोलता है, ऐसे केस में पेरेंट कंपनी इन दोनों ट्रांजेक्शन को एक सिंगल ट्रांजेक्शन मानते हुए अकाउंटिंग कर लेगी अगर ये इंडेक्स 110 के अकॉर्डिंग दोनों ट्रांजेक्शन एक दूसरे से डिपेंडेंट थे। यानी ये जो दोनों ट्रांजेक्शन हुए थे ना, इसमें पता क्या हुआ था, मेरा सब्सिडी में स्टेक था, मैंने किसी पार्टी से डिस्कस किया था कि 25% स्टेक तो आज बेचूंगा, 55% तुझे एक महीने बाद बेचूंगा, प्राइस उसी अकॉर्डिंग डिसाइड करी गई थी दोनों ट्रांजेक्शन को कंसिडर करके, यानी दोनों आपस में डिपेंडेंट थे। तो इंडेक्स बोलता है आपने ये मानना कि एक ही बार में मैंने टोटल स्टेक बेच दिया, एक ही ट्रांजेक्शन मानना, इनको एक ही ट्रांजेक्शन अज्यूम करना। एग्जांपल देखो, मेरा 80% स्टेक था बी लिमिटेड में, दो ट्रांजेक्शन में मैंने डिस्पोज किया, 1 April 2024 को 25% स्टेक बेचा 2.5 लाख में, 30 April 2024 को 55% स्टेक बेचा 5.5 लाख में, यानी एक महीने के अंदर अंदर दोनों स्टेक बेच दिए, टोटल 80% स्टेक बेच दिया। तो मैं इसे सिंगल ट्रांजेक्शन मान लूंगा अगर ये एक दूसरे डिपेंडेंट है एज पर इंडेक्स 110, यानी 80% स्टेक मैंने टोटल 8 लाख में बेचा ये मानते हुए एक बार में ये अकाउंटिंग कर दूंगा। ठीक है, बस ये आपका एक क्वेश्चन भी था, अपन ने किया भी था। थर्ड लास्ट नोट देखो, जब सब्सिडी में आपका कंट्रोल चला जाता है वो आपकी सब्सिडी बचती नहीं है, तो क्या होगा, आपकी जब वो सब्सिडी थी तो आपने उसके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में शेयर लिया होगा, यानी उसके P&L में भी शेयर लिया होगा और उसके OCI में भी शेयर लिया होगा। तो उसके OCI में जो शेयर लिया होगा मेरे OCI में दिख रहा होगा, वो मेरी सब्सिडी नहीं बची। तो आपको क्या करना होता है, OCI में जो आपने उसके शेयर लिया था वो OCI से निकाल के आपको रिक्लासीफाई करना पड़ेगा, तो P&L में ट्रांसफर करके या रिटेन्ड अर्निंग में अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ OCI रिजर्व। सेम चीज़ बिजनेस कॉम्बिनेशन में भी आपको बताई थी, एक बार एसोसिएट थी, एसोसिएट से फिर वो सब्सिडी बनती है तो एसोसिएट नहीं बचती जब हमारी, तो जो भी उससे रिलेटेड OCI होता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L या रिटेन्ड अर्निंग में। तो ऐसे जब मेरी सब्सिडी थी वो मेरी सब्सिडी नहीं बची, तो उसके OCI में जो भी मैंने अपना हिस्सा लिया होगा, मेरा जितना हिस्सा होगा उसको मैं P&L या रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करके खत्म करूंगा, जैसा OCI का रिजर्व का नेचर होगा। जैसे अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व था उसमें मेरा कोई हिस्सा था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व इंडेक्स 16 के अकॉर्डिंग कभी भी P&L का मुंह नहीं देखता, वो डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व है एज पर इंडेक्स 21 तो वो डायरेक्टली P&L में ट्रांसफर कर लेना। अगर फेयर वैल्यू रिजर्व है डेट इंस्ट्रूमेंट पे, FVTOCI पे जिन डेट इंस्ट्रूमेंट को दिखाया था, तो वो भी आप P&L में ले जा सकते हो। पर किसी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को उसने FVTOCI पे दिखाया था, उसमें मेरा फेयर वैल्यू रिजर्व में मैंने शेयर लिया, तो उसको P&L में नहीं ले जा सकते, उसको डायरेक्टली रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना पड़ेगा। याद करो इंडेक्स 109, अगर किसी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर को FVTOCI पे दिखाया तो इन फ्यूचर उसके OCI के बैलेंस को कभी भी P&L में नहीं डाल सकते अपन, वही चीज है। इसके बाद एक्चुअरियल गेन लॉस में अगर मेरा कोई शेयर था सब्सिडियरी के, तो एक्चुअरियल गेन लॉस एज पर इंडेक्स 19 OCI में जाता है और वो कभी भी P&L का मुंह नहीं देखता, यानी इसे भी मेरे को रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करके खत्म करना पड़ेगा। क्लियर है इतनी चीज? तो इसी के साथ सेल ऑफ स्टेक आपका खत्म हो चुका है। इंडेक्स 110 का लास्ट टॉपिक देखिए फटाफट से, अकाउंटिंग फॉर चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंटिटी स्टेटस। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का स्टेटस अगर चेंज होता है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट एंटिटी क्या होती है। इन्वेस्टमेंट एंटिटी एक ऐसी कंपनी होती है जो बहुत सारे इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करती है और आगे जाकर उस पैसे को मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि उनसे रिटर्न कमा के अपने इन्वेस्टर्स को दे सके। तो आपको समझ आ रहा होगा इसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी। इसका एग्जाम्पल होता है म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड क्या करता है, लोगों से पैसा कलेक्ट करता है, आगे मल्टीपल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, उससे रिटर्न आती है और अपने इन्वेस्टर्स को दे देता है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी पता है अब देखो क्या होगा, मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं, म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, मैंने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि मैं अपने
इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे सकूं। तो मैंने रिलायंस में इतना पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि मेरा 55% स्टेक हो गया, तो रिलायंस मेरी सब्सिडियरी बन गई। तो अब मैं उसे क्या कंसोलिडेट करूं? नहीं, इन्वेस्टमेंट कंपनी कभी भी कंसोलिडेट नहीं करती अपनी सब्सिडियरीज को। क्यों? क्योंकि मैंने रिलायंस में पैसा इन्वेस्ट किया ताकि मैं अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे सकूं। मेरे को रिलायंस को अक्वायर इसलिए नहीं किया था कि मेरे को दुनिया को अपना पावर दिखानी है, अपना स्टेटस दिखाना है। उसको पावर दिखाने के लिए अक्वायर नहीं किया था, उसको मैंने किस लिए अक्वायर किया था? अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए। तो उस इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस को मैं सब्सिडरी को कंसोलिडेट नहीं करूंगा, एज एन इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी करके फेयर वैल्यू पे एसेट दिखाऊंगा। फेयर वैल्यू एट P&L FVTPL पे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी नाम की डायरेक्टली मेरी बुक्स में एसेट आएगी। कंसोलिडेट नहीं करूंगा, CFS नहीं बनाऊंगा, यानी इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सिडरी के लिए CFS नहीं बनाती, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे सर ऐसा होता, मैंने उसको इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से नहीं लिया था। सपोज मैं म्यूचुअल फंड कंपनी और रिलायंस भी म्यूचुअल फंड है, मैंने उसको सब्सिडरी बनाने के पर्पज से ही लिया था, दुनिया को पावर दिखाने के पर्पज से ही लिया था, तो फिर आप उसका CFS बनाओगे। पर हम जनरली यही मानेंगे उसको इन्वेस्टमेंट किया था तो लोगों को रिटर्न देने के लिए किया होगा, तो आप उसको कंसोलिडेट मत करना। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी को आप एट FVTPL एक एसेट दिखा देना। अब इसमें आगे आपको कुछ सीखना है, वो क्या चीज़ है? अगर कोई कंपनी है वो पहले तो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और बाद में वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होना बंद हो जाती है, यानी वो सीजेस टू भी इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है, यानी वो बाद में एक नॉर्मल कंपनी बन जाती है। मैं एक म्यूचुअल फंड कंपनी था, मैंने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर रखा था, सब्सिडरी थी वो मेरी, लेकिन FVTPL पे दिखा रहा था। एक दिन क्या हुआ, अब मैं म्यूचुअल फंड कंपनी से एक नॉर्मल कंपनी बन रहा हूँ, तो अब मेरे को पता है क्या करना पड़ेगा? अब मेरी जितनी भी सब्सिडरी होंगी ना उनको मुझे कंसोलिडेट करना पड़ेगा और बिजनेस कॉम्बिनेशन का इंडेक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहली बार CFS बनाना पड़ेगा ना। ये अब मैं नॉर्मल कंपनी बन गया, तो अब मेरे को रिलायंस को कंसोलिडेट करने के लिए बिजनेस कॉम्बिनेशन इंडेक्स 103 लगाऊंगा। जिस दिन मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी से एक नॉर्मल कंपनी बन रहा हूँ, चेंज ऑफ स्टेटस हो रहा है मेरा, उस दिन को मैं एक्विजिशन डेट मान लूंगा कि आज के दिन मैंने रिलायंस को खरीदा, ये मानते हुए इंडेक्स 103 लगा के CFS बनाऊंगा। और अब मेरे को CFS बनाना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन लगाना है, तो PC चाहिए, तो PC क्या मानूँ? आज के दिन जो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एट FVTPL दिखा रहा था, तो आज के दिन मेरा बुक्स में कोई कैरिंग अमाउंट आ रहा होगा, उस कैरिंग अमाउंट को ही, आज के दिन के कैरिंग अमाउंट को ही मैं PC का अमाउंट मान लूंगा, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर आप वही स्टेप लगा लेना, इंडेक्स 103 के काम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन था, अपन ने किया भी था। दूसरा केस देखो, अगर कोई एक नॉर्मल कंपनी है और वो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाती है तो क्या होगा? देखो मैं एक नॉर्मल कंपनी हूँ, मैंने रिलायंस को अक्वायर किया हुआ है, CFS बनाता हूँ हर साल, कंसोलिडेशन करता हूँ। एक दिन ऐसा आया मैं अपने आप को म्यूचुअल फंड कंपनी में कन्वर्ट कर लिया, तो अब मेरी जितनी भी सब्सिडी रिलायंस मेरी सब्सिडी है, मेरे को कंसोलिडेशन करना बंद करना पड़ेगा, अब मुझे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी FVTPL पे दिखाना पड़ेगा। तो इस केस में बिल्कुल सेम अकाउंटिंग करेंगे अपन, सेल ऑफ स्टेक लॉस ऑफ कंट्रोल वाली। क्या करेंगे? अब मेरे को सब्सिडी का कंसोलिडेशन नहीं करना क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गया, तो जो भी सब्सिडी की नेट असेट्स का कैरिंग अमाउंट आ रहा था उसको डीरिकॉग्नाइज करूंगा, गुडविल सब्सिडी की डीरिकॉग्नाइज कर दूंगा, इसके बाद कैरिंग अमाउंट NCI का डीरिकॉग्नाइज कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी एट FVTPL दिखाऊंगा। ठीक है, मेरा एक्चुअल में सेल ऑफ स्टेक तो हो नहीं रहा ना, बस इन्वेस्टमेंट एंटिटी बनाऊं तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी को एट FVTPL असेट दिखाऊंगा। कंसिडरेशन वगैरह भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक्चुअल में सेल ऑफ स्टेक नहीं है, डिफरेंस इन एंट्री का आ जाएगा गेन या लॉस, जो कि P&L में चला जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है, इसका भी अपन एक क्वेश्चन किया था, और इंडेक्स 110 मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया है। वॉल्यूम 1 अपने FR के क्वेश्चन बैंक का वॉल्यूम 1, देखो मैंने FR के क्वेश्चन बैंक दो पार्ट में आपको दे रखा है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, सिर्फ वॉल्यूम 1 करना है, वॉल्यूम 2 कोई काम का नहीं है, इररिलेवेंट थ्योरी क्वेश्चन है। तो आप वॉल्यूम 1 के सारे क्वेश्चन करना, लाइन से ही लगाए हुए हैं मैंने टॉपिक वाइज। आप देखोगे ना क्वेश्चन बैंक में मैं जो आपको पढ़ाता हूँ उसी टॉपिक के सिक्वेंस में मैं क्वेश्चन लगाता हूँ, अपने क्लास में आपको करवाया भी उसी सिक्वेंस में, तो आप सारे क्वेश्चन करना हो जाएंगे। तो इंडेक्स 110 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, ये चैप्टर में भी दो इंडेक्स और बाकी उनको अपन फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा रिविजन। देखो अब आप लोग, इंडेक्स 110 तो कंप्लीट हो गया, जो मेन पार्ट था इस चैप्टर का, जिसमें भी मेन पार्ट जो था वो CFS बनाने का था, वो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आप क्वेश्चन करिएगा और आप लोग बताइएगा जरूर साथ में कि ये आपको समझ आ रहा है ना जो मैं आपको समझाता हूँ, कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, चाहे इस वीडियो के कमेंट में आपको कोई डाउट हो तो वो भी पूछ लेना, और फीडबैक भी शेयर करना, और आप अपने जूनियर्स वगैरह को भी रिकमेंड कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगा हो तो। बाकी तो आपकी इसमें कोई कोर्स तो लग ही नहीं रही है, तो इतना आप अपने मन से चाहो तो कर सकते हो। अब आ जाओ इंडेक्स 111 जॉइंट अरेंजमेंट। इंडेक्स 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स, देखो ये इंडेक्स
में आप कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की बात करते हो कि इनकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे ग्रुप एंटिटीज़ के लिए, यानी सब्सिडी, एसोसिएट और जॉइंट अरेंजमेंट्स के लिए। तो सब्सिडी का सेपरेट बुक्स में कैसे करते हैं, इंडियस 27 बिजनेस कॉम्बिनेशन में बता दिया था। ये चैप्टर बताता है आपको सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अकाउंटिंग, इंडियस 27 इस चैप्टर में दिया हुआ है, जबकि मैंने बिजनेस कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग वाले दिन ही बता दिया था, क्योंकि वो वहाँ बताना जरूरी था तभी आपको समझ में आता, तो वहीं पढ़ा दिया था। इसके बाद सब्सिडी का आप कंसोलिडेशन कैसे करोगे, डे वन का बिजनेस कॉम्बिनेशन में, ईयर एंड का 110 में आपको यहाँ सिखा दिया। अब ऐसे बाकी कंपनीज के लिए देखो, बाकी कंपनीज के लिए कैसे मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में बताया था, वो मास्टर चार्ट ओपन करो अपना। एसोसिएट के लिए देखो, SFS में इंडियस 27 यहीं बता दिया था, इंडियस 28 के अकॉर्डिंग CFS बनेगा वो वहाँ देखेंगे। ऐसे जॉइंट अरेंजमेंट के लिए देखो, इंडियस 111 जॉइंट ऑपरेशन अपन वहाँ सीख लेंगे, और जॉइंट वेंचर के लिए इंडियस 27 CFS और इंडियस 27 SFS इंडियस 28 CFS। तो ये जो चैप्टर आपको कंसोलिडेटेड और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करता है कहाँ कहाँ बनेंगे, जिसकी समरी मैंने आपको पहले देती थी। तो अब अपन जॉइंट अरेंजमेंट की बात करते हैं, जिसमें इंडियस 111 अप्लाई होता है। तो सबसे पहली बात तो अपने को ये समझ में आना चाहिए जॉइंट अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है। उसका सिंपल सा मतलब है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू और मोर पार्टीज टू हैव जॉइंट कंट्रोल ओवर अ बिजनेस। इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के पास एग्रीमेंट होता है एक बिजनेस के ऊपर जॉइंट कंट्रोल करने का। मतलब एक बिजनेस है जिसके ऊपर किसी एक सिंगल पार्टी का कंट्रोल नहीं है, दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलकर एक बिजनेस को कंट्रोल करती हैं, तो जॉइंट कंट्रोल जॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। हमने ऐसे बिजनेस की अकाउंटिंग करना सीख लिया जिसमें हमारा कंट्रोल था, बिजनेस एक्विजिशन, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। अब ऐसा बिजनेस जिसके ऊपर हमारा अकेले का कंट्रोल नहीं है, हमारे साथ एक पार्टी और मिली हुई है, कंपनी और हम दोनों का मिलके किसी बिजनेस पे कंट्रोल है, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट अरेंजमेंट। उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे वो आपको सीखना है। ये होता कब है, तो उसका मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको क्लास में। देखो एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, मान लीजिए मैं एक कंपनी हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में हूँ, ए लिमिटेड कंपनी हूँ। गवर्नमेंट ने एक टेंडर निकाला, एक डैम का प्रोजेक्ट था, एक डैम बनाना था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, उसका टेंडर निकाला, ए लिमिटेड मैंने अप्लाई किया और मुझे टेंडर मिल गया। लेकिन मुझे टेंडर तो मिला, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि यार मेरे बस की नहीं है इतना बड़ा डैम बनाने की, क्योंकि मेरे पास इतने रिसोर्सेस ही नहीं है। तो मैं एक कंपनी को और जानता था, बी लिमिटेड को, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में थी, मैंने उसको अप्रोच किया। मैं गया बी लिमिटेड के पास, मैंने बोला मुझे देख ऐसा टेंडर मिला है, अपन दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। बी लिमिटेड अग्री हो गया। तो ये डैम प्रोजेक्ट में हमने डिसाइड किया कि 50% स्टेक मेरा रहेगा और 50% बी का रहेगा। यानी डैम प्रोजेक्ट पर अगर कोई इनकम होगी तो 50% मैं रखूंगा, 50% बी रखेगा। डैम प्रोजेक्ट पर कोई खर्चा करना होगा तो 50% मैं करूंगा, 50% बी करेगा। डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी असेट लाइबिलिटीज होंगी 50% मेरी होंगी, 50% बी की होंगी, ऐसा हमने डिसाइड कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं जॉइंट अरेंजमेंट। ये डैम प्रोजेक्ट का एक बिजनेस है, ए लिमिटेड मेरा अलग से बिजनेस चल रहा है, बी का भी अपना अलग से बिजनेस चल रहा है, पर हमने एक और बिजनेस डैम प्रोजेक्ट के नाम से एक बिजनेस था जिसमें हमने जॉइंट कंट्रोल लेने की बात करी ए और बी ने। तो इसे बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे जॉइंट कंट्रोल है, 50-50% है दोनों का। बताओ किसी का भी 50% से ज़्यादा है क्या? नहीं। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? दोनों मिलकर करेंगे। अब मान लो डैम प्रोजेक्ट बनाते वक्त ए सोच रहा है कि अंबुजा सीमेंट लगाएंगे अपन, तो भाई तो ए अपने मन से अंबुजा सीमेंट लगवाना चालू कर देगा तो काम हो जाएगा? नहीं। बी बोल रहा है अल्ट्राटेक लगाएंगे, तो अब ना बी की चलेगी ना ए की चलेगी, दोनों जिस चीज़ पे अग्री होंगे वही चलेगी, क्योंकि दोनों का जॉइंट कंट्रोल है। ए अपनी मर्जी नहीं चला सकता, ना बी अपनी मर्जी चला सकता, समझ में आई ये चीज़। ऐसा भी हो सकता है, मान लो डैम प्रोजेक्ट में तीन लोग मिले, ए बी और सी, ए का 40%, बी का 30, सी का 30, तो ये भी ये जॉइंट कंट्रोल है, क्योंकि इसमें भी आपको सभी पार्टी का कंसेंट लेना पड़ेगा, तब जाके आप डिसीजन फाइनल कर पाओगे, क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास मेजोरिटी ऑफ कंट्रोल नहीं है। क्लियर? अब इसका देखो एक और डिटेल्ड एग्जांपल दे रहा हूँ, जो एग्जाम के लिए काम का नहीं है, वो आपको बता देता हूँ। ए लिमिटेड का सपोज इस डैम प्रोजेक्ट में 60% कंट्रोल डिसाइड हुआ एग्रीमेंट में, और बी का डिसाइड हुआ 40% कंट्रोल। तो अब आप बोलोगे सर ए का ही कंट्रोल है, इसमें तो कोई जॉइंट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल एक्विजिशन हो गया। लेकिन यहाँ पे सुनो, एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर इस डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना रहा तो ए और बी दोनों को अग्री करना पड़ेगा, तभी डिसीजन फाइनल होगा। तो भी अब ये जॉइंट कंट्रोल है, क्योंकि दोनों का डिसीजन चाहिए, ए अकेला अभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। इंडिया सब्सटेंस पे चलते हैं, सब्सटेंस में एग्रीमेंट में लिखा हुआ है दोनों का डिसीजन चाहिए, यानी जॉइंट कंट्रोल यानी जॉइंट अरेंजमेंट। तो इसे बोलते हैं जॉइंट अरेंजमेंट। आपको जॉइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग लगानी पड़ेगी। अब देखो जॉइंट अरेंजमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट वेंचर। जॉइंट ऑपरेशन या जॉइंट वेंचर, जॉइंट अरेंजमेंट को दो तरीके से आप क्लासिफाई कर सकते हो। जॉइंट ऑपरेशन आप तब बोलोगे जब इस जॉइंट अरेंजमेंट में जो पार्टीज इन्वॉल्वड है उनके पास उस जॉइंट अरेंजमेंट की इंडिविजुअल असेट्स में राइट है और इंडिविजुअल लाइबिलिटीज पे और ऑब्लिगेशन है। इंडिविजुअल असेट्स में राइट है और इंडिविजुअल लाइबिलिटीज पे ऑब्लिगेशन है, यानी एग्रीमेंट में पता है क्या बता रखा है कि भाई इस जॉइंट अरेंजमेंट की ना ये जो असेट है ये असेट तेरी है, ये असेट पे 50-50% अपना, ये लाइबिलिटी तेरे को भुगतनी है, ऐसा डिसाइड किया हुआ है इंडिविजुअल असेट और लाइबिलिटी के लिए, तो वो जॉइंट ऑपरेशन होगा।
ये आपको एग्रीमेंट पढ़ के ही पता चलेगा। और या फिर आप जनरली पता है ये कब मान सकते हो जॉइंट ऑपरेशन, जब आपने जॉइंट अरेंजमेंट जो है ना आपका बिजनेस है जॉइंट अरेंजमेंट वाला, उसे सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू स्ट्रक्चर नहीं किया था। यानी पता है मैंने क्या किया, हमने जो डैम प्रोजेक्ट मिला वो बिजनेस चलाया, उससे रिलेटेड कोई भी एसेट होती तो मेरी बैलेंस शीट में आती थी, लाइबिलिटी भी, और उसका हिस्सा जितना बी लिमिटेड का था वो अपनी बुक्स में दिखाता था। उसके कोई भी क्रेडिटर डेटर होते थे वो मेरे से डायरेक्ट पैसा मांगने आते थे, क्योंकि वो डैम प्रोजेक्ट में हम अलग से बिजनेस चला रहे थे, उसे हमने रजिस्टर नहीं कराया था एज ए कंपनी, एज ए पार्टनरशिप फर्म, एज ए LLP, कुछ भी रजिस्टर नहीं करा रखा, बस वो एक बिजनेस चल रहा है हमारा। तो उसके डेटर क्रेडिटर वगैरह सब लोग हमें अप्रोच करेंगे, यानी वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं, तो यानी वो जॉइंट ऑपरेशन है। जॉइंट ऑपरेशन कैसे हुआ, क्योंकि उसके अंदर जो भी एसेट है उसमें हमारा हिस्सा बराबर होगा जितना हमने डिसाइड किया है, इनकम लाइबिलिटी एक्सपेंसिस में हम हमारी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जॉइंट ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको जनरली इस केस में होता है, बाकी आपको एग्रीमेंट पढ़ के ये चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा बोल दे क्वेश्चन में सेपरेट लीगल एंटिटी के थ्रू स्ट्रक्चर किया है, तो अब मत बोल देना कि जॉइंट ऑपरेशन नहीं है, आपको बस एसेंस समझना पड़ेगा। एसेंस ये होता है, यहाँ पे जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है उसे हम जॉइंट ऑपरेटर्स बोल देंगे। जॉइंट वेंचर कब होगा, जब जॉइंट अरेंजमेंट में जो पार्टीज हैं उनके पास उस बिजनेस की नेट असेट्स में राइट है, इंडिविजुअल असेट लाइबिलिटीज में राइट नहीं है, डायरेक्ट नेट असेट्स में, यानी उस बिजनेस के डायरेक्ट नेट प्रॉफिट्स में राइट मिलेगा, असेट लाइबिलिटी में हिस्सा नहीं मिलेगा। वो जनरली तब होता है जब आपने उसे सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह बनाया। सोचो यार, मैंने उस डैम प्रोजेक्ट के लिए कंपनी बना दी डैम प्रोजेक्ट लिमिटेड, तो अब ये कंपनी के है ना असेट लाइबिलिटी में हमारा हिस्सा थोड़ा, वो कंपनी अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी, डेटर क्रेडिटर उसके कोई होंगे तो वो उसके पास जाएंगे, डायरेक्ट मेरे पास या बी लिमिटेड के पास नहीं आएंगे। सोचो तो मेरी नेट असेट्स में हिस्सा होगा उसका इस केस में, तो यहाँ पे इसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं। और जॉइंट वेंचर के अंदर जो पार्टीज इन्वॉल्व होती है उसे जॉइंट वेंचरर्स बोलते हैं। तो जॉइंट अरेंजमेंट दो तरीके के होते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। अब दो तरीके के जॉइंट अरेंजमेंट होते हैं तो इनके लिए अकाउंटिंग भी अलग अलग होगी। तो सबसे पहले जॉइंट ऑपरेशन के लिए अकाउंटिंग क्या होगी, तो इसके ऊपर प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड लगेगा। आपको क्या करना है, मेरा का कोई जॉइंट ऑपरेशन है, डैम प्रोजेक्ट है, कोई बिजनेस है, कोई अलग से मैंने उसको कंपनी फॉर्म नहीं करी उसके लिए, तो उसकी जितनी भी असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस होंगे उसमें मेरा जितना भी शेयर है, मैं अपनी बैलेंस शीट में, अपनी सेपरेट बैलेंस शीट और P&L के अंदर मेरे रेस्पेक्टिव हेड के अंदर उनका शेयर ले लूँगा। मान लो उसके PP में मेरा 50% शेयर है, तो 50% अपने PP में ऐड कर लूँगा, लाइबिलिटी में, P&L में, इनकम एक्सपेंसेस में, यानी रेस्पेक्टिव हेड में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही अपना शेयर रिकॉर्ड कर लूँगा। ऐसे बी लिमिटेड कर लेगा, यहाँ पे CFS अलग से नहीं बनेगा, क्योंकि वो अलग से कंपनी नहीं है। मैं क्या पावर दिखाऊंगा कि डैम प्रोजेक्ट कोई कंपनी थोड़ी ना जो आप पावर दिखाओगे, यहाँ CFS अलग से नहीं बनेगा, आप डायरेक्ट बस अपना अपना हिस्सा लेकर रिकॉर्ड कर लो, असेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस में काम खत्म हो जाएगा। इतना सा है बस जॉइंट ऑपरेशन की अकाउंटिंग, एकदम सिंपल अकाउंटिंग, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन कर लो, SFS में दिखा दो। आपको याद आ रहा हो इंडेस 103 में बिजनेस कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था, किसी जॉइंट ऑपरेशन में अगर कोई पार्टी अपना हिस्सा बेच रही है और आप उसे हिस्सा खरीदते हो तो इंडेस 103 की अकाउंटिंग लगाते हो, क्योंकि वहां पे भी तो अपन उसका असेट्स और लाइबिलिटीज का शेयर ले लेते हैं, तो वो इसी के बेसिस पे डिराइव हुआ था। क्लियर? और जॉइंट वेंचर के केस में अकाउंटिंग क्या करोगे, जॉइंट वेंचर देखो एक अलग से कंपनी वगैरह फॉर्म हो रखी है, तो इन्वेस्टमेंट है, अब तो मेरे को पावर दिखानी है, भाई जॉइंट कंट्रोल है तो पावर तो है ही ना, तो SFS CFS दोनों बनाऊंगा। SFS में इंडेस 27 से अकाउंटिंग बता रखी है मैंने आपको, इन्वेस्टमेंट टू बैंक बस इतनी है एंट्री। CFS में इंडेस 28 लगता है, जॉइंट वेंचर को CFS में कंसोलिडेट करना तो इंडेस 28 से करेंगे, जो कि इक्विटी मेथड बताता है, इंडेस 28 में देखेंगे। तो ये थी सिंपल सी जॉइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग। जॉइंट ऑपरेशन Ind AS 111 ही बता देता है, इसमें CFS अलग से नहीं बनता, जॉइंट वेंचर में CFS बनेगा इंडेस 28 के अकॉर्डिंग। अब जॉइंट ऑपरेशन वाला जो केस होता है उसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन होते हैं जॉइंट ऑपरेशन के केस में, तो उनकी अकाउंटिंग और बता देता हूं। जॉइंट ऑपरेशन को, मैं एक जॉइंट ऑपरेटर हूं ए लिमिटेड, मेरा जॉइंट ऑपरेशन है एक डैम प्रोजेक्ट वाला, उसमें 50% स्टेक है, मैंने कोई एसेट बेची है, मान लो मेरा उसमें 60% स्टेक है, बी लिमिटेड का उसमें 40% है, तो मैंने अगर मेरे जॉइंट ऑपरेशन को कोई एसेट बेची है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा जॉइंट ऑपरेटर? तो इस केस में सेल की अकाउंटिंग सर जानते हैं, कैश बैंक से पैसा आएगा, एसेट चली जाएगी कैरिंग अमाउंट पे, डिफरेंस गेन लॉस P&L में, ये तो अकाउंटिंग होती है, बिल्कुल यही होगी। पर इसका अमाउंट कितना होगा, तो इसका अमाउंट होता है मैं सेल उतने ही एक्सटेंट तक रिकॉर्ड करूंगा जितना उस जॉइंट ऑपरेशन में बाकी अदर पार्टीज का शेयर है, उतनी ही रिकॉर्ड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा इस जॉइंट ऑपरेशन में स्टेक था 60%, तो बाकी पार्टीज का इस जॉइंट ऑपरेशन में कितना स्टेक होगा, 40%, तो पता सेल की जब एंट्री पास करूंगा तो 40% अमाउंट से पास करूंगा, यानी कैश बैंक में रिकॉर्ड करूंगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ अदर पार्टी, लॉस गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर आता है, असेट कितनी डी रिकॉग्नाइज करूंगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ अदर पार्टी, यानी जितना अदर पार्टी का स्टेक होता है उतना ही रिकॉर्ड करता हूं। इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? बिल्कुल लॉजिक है, आपको लेक्चर में बताया भी था। अब सोचो जॉइंट ऑपरेशन की जो असेट है
वो मेरे पास कोई असेट है वो मैं जॉइंट ऑपरेशन को बेच रहा हूँ, तो मेरे पास जो असेट थी पहले मेरी बुक्स में आ रही होगी पूरी की पूरी, मान लो एक पीपी थी 1 लाख की, पहले मेरी बुक्स में पूरी की पूरी आ रही होगी। अब वो असेट मैंने जॉइंट ऑपरेशन को बेच दी, वो असेट मैंने जॉइंट ऑपरेशन को बेच दी, तो क्या होगा, वो पूरी जॉइंट ऑपरेशन की बुक्स में दिखाई देगी, तो पूरी असेट जानी चाहिए ना, अदर पार्टी के स्टेक से क्यों एंट्री पास हो रही है। तो आप सोचो जॉइंट ऑपरेशन को असेट बेचूंगा तो जॉइंट ऑपरेशन में मेरा हिस्सा कितना है 60%, तो वापस से वो असेट घूम फिर के 60% तो मेरे पास ही आएगी ना, मेरी बैलेंस शीट में 60% वापस दिखाई जाएगी मैं जब प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करूंगा। तो अल्टीमेटली मैं ऐसा बोलूं मैंने ओनली 40% असेट का ओनली 40% स्टेक बेचा जितना अदर पार्टी का स्टेक है, बस उतनी एंट्री होती है। पूरा लॉजिक है हर चीज के पीछे, इसका एक क्वेश्चन भी अपन ने किया था। दूसरा देखो, अकाउंटिंग फॉर परचेज ऑफ असेट फ्रॉम जॉइंट ऑपरेशन बाय जॉइंट ऑपरेटर, मैं जॉइंट ऑपरेशन से असेट परचेज करता हूं तो वही असेट टू कैश बैंक, जब परचेज करते हो तो कोई गेन लॉस नहीं होता, जितने में परचेज करते हो उतने ही असेट बुक हो जाते हैं जितना अमाउंट पे करते हो, पर जब आप जॉइंट ऑपरेशन से असेट परचेज करोगे तो ओनली उतने ही एक्सटेंट तक एंट्री रिकॉर्ड करोगे जितना अदर पार्टी का स्टेक होता है जॉइंट ऑपरेशन में। सेम उसी तरीके से अमाउंट पेड टू परचेज दी असेट मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ अदर पार्टीज इन जॉइंट ऑपरेशन, इसमें भी सेम वही लॉजिक अप्लाई होगा जो ऊपर वाले में अप्लाई हुआ। इसी के साथ इंडेक्स 111 कंप्लीट हो जाता है, एकदम सिंपल सा फालतू सा इंडेक्स है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, कोई एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट भी नहीं है, एक बार पढ़ के आप छोड़ सकते हो, सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। अब आ जाइए आप लोग इस चैप्टर का लास्ट इंडेक्स, इंडेक्स 28। इंडेक्स 28 देखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स, इसे कंप्लीट करते हैं, चैप्टर आपका रिवाइज होना कंप्लीट हो जाएगा। जब देखो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग बताया गई है, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट को आप SFS में कैसे दिखाते हो, इंडेक्स 27, और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर को भी SFS में इंडेक्स 27, यानी ये CFS की अकाउंटिंग बताएगा। मैंने आपको पहले लिखवा भी रखा उस मास्टर चार्ट को, आप देखना ये पूरा पढ़ाने के बाद वो चार्ट वापस से दिखाऊंगा, आपको पूरी क्लैरिटी मिल चुकी होगी, इसलिए सबसे पहले वो चार्ट बनवाया था मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले। अब हमें जॉइंट वेंचर का मतलब तो मालूम है, एसोसिएट का मतलब ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ मेरे बिजनेस कॉम्बिनेशन के स्टार्टिंग लेक्चर में, वापस से बता देता हूँ यहाँ पे। एसोसिएट मतलब आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स में 20% या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, बट लेस देन इक्वल्स टू 50%, तो सामने वाली कंपनी में आप बोलते हो कि आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया, कंट्रोल तो नहीं है बस इन्फ्लुएंस है, तो आप उसे अपनी एसोसिएट बोल देते हो। अब अकाउंटिंग कैसे करोगे एसोसिएट जॉइंट वेंचर में, SFS में इंडेक्स 27 लगाते हो, CFS में इंडेक्स 28 इक्विटी मेथड। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए बिल्कुल सेम इंडेक्स लगते हैं, बिल्कुल सेम अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे जो मेथड लगेगा ना वो भी सेम अकाउंटिंग बताएगा। तो अब मैं एसोसिएट वर्ड बोलूँ ना, साथ में जॉइंट वेंचर मान के ही चलना, सेम अकाउंटिंग होती है। ऐसा क्यों है सर, इनके लिए सेम अकाउंटिंग क्यों दे रखी है, उसके पीछे भी एक रीज़न है। देखो एसोसिएट जॉइंट वेंचर कब बनते हैं, कोई भी कंपनी मेरी एसोसिएट कब बनेगी, देखो कोई कंपनी को अगर एसोसिएट बनाना है तो 20% से ज़्यादा बट लेस देन इक्वल टू 50% स्टेक होना चाहिए। तो अगर रिलायंस में मैं 50% स्टेक ले लूँ तो मेरी एसोसिएट हो गई, बिल्कुल एसोसिएट हो जाएगी, कंट्रोल तो है ही नहीं। लेकिन सर क्या ये जॉइंट वेंचर नहीं हो सकता, सर जॉइंट वेंचर भी तो हो सकता है, रिलायंस लिमिटेड भी एक कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, 50% स्टेक है सर, जॉइंट वेंचर भी तो बोल सकते हैं। अब सर इसे एसोसिएट बोले या जॉइंट वेंचर कैसे पता चलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन में कुछ भी बोला हो अकाउंटिंग तो सेम ही है, जो भी बोला होगा अकाउंटिंग तो सेम ही लगनी है, आपको परेशानी नहीं होना ना ही प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन सर आप बताओ तो सही फ़र्क क्या है, तो आपको वो एग्रीमेंट पढ़ने से पता चलेगा, एग्रीमेंट पढ़ने से पता चलेगा उस कंपनी के साथ आपका। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि रिलायंस के अंदर मेरा 50% है और बी का भी 50% है, यानी हमारा जॉइंट कंट्रोल है, मेरा जॉइंट कंट्रोल है बी के अंदर, तो आप बोल दोगे जॉइंट वेंचर है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, बस मैंने 50% रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यानी मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा तो मेरी एसोसिएट है, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में पता चल सकता है एग्रीमेंट से। तो एग्जाम में तो फर्क पड़ता ही नहीं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अकाउंटिंग के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इन दोनों के लिए सेम अकाउंटिंग होती है, बस इनका नाम अलग अलग कर दिया, बाकी एक ही तरीके के केस होते हैं इसलिए अकाउंटिंग भी सेम है। CFS में आप अकाउंटिंग कैसे करोगे एसोसिएट और जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट की, इक्विटी मेथड लगता है, वो आपको सीखनी है, SFS में तो सेम है ही, इंडेक्स 27 पहले ही बता चुका हूँ। अब देखो CFS में जब भी आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर को रिकॉर्ड करते हो तो कभी भी उसकी नेट असेट्स नहीं लेते, सब्सिडी में तो हम क्या करते थे असेट लाइबिलिटी टेक ओवर कर लेते थे, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर नाम से अकाउंट को ही कंटिन्यू करोगे, यानी सबसे पहले तो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया कॉस्ट पे वो रिकॉर्ड करो सबसे पहले, तो यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो आपने कंसिडरेशन पे किया था, यानी SFS वाली एंट्री, SFS वाली एंट्री एज इट इज CFS में आएगी सबसे पहले। तो इसके बाद आप क्या करोगे गुडविल और कैपिटल
खरीदा हो पता करोगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर करने की वजह से जो अराइज हुआ। कैसे पता करते हैं गुडविल कैपिटल लेता हो, कंसीडरेशन जो पे किया वो ले लो यानी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनसीए कुछ होगा ही नहीं, हमारा कोई कंट्रोल वगैरह थोड़ी ना, लेस करोगे आप अपना उसकी नेट असेट्स फेयर वैल्यू पे लेते हैं, उसकी नेट असेट्स फेयर वैल्यू पे लेस करते ना, पर यहाँ पे हम कितना लेस करेंगे ओनली जितना अपना शेयर होगा, क्योंकि एनसीए वगैरह नहीं ले रहे। कंसीडरेशन मान लो मेरा उसमें 30% स्टेक लिया है मैंने, तो कंसीडरेशन 30% के लिए तो नेट असेट्स भी तो 30% जितनी लेस करूँ, तो मैं लेस करूँगा इन्वेस्टर शेयर इन फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। देखो बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम अक्वायरर अक्वायरी वर्ड यूज लेते थे, इंडियस 110 में पेरेंट सब्सिडरी, यहाँ पे हम वर्ड लेंगे इन्वेस्टर और सामने वाला एसोसिएट या जॉइंट वेंचर या फिर इन्वेस्टी। देखो तो इन्वेस्टर यानी मेरा शेयर कितना है उसकी नेट असेट्स में, सामने वाले की नेट असेट्स फेयर वैल्यू, सामने वाली नेट असेट्स की फेयर वैल्यू में मेरा शेयर कितना है, नेट असेट्स की हम फेयर वैल्यू में शेयर देखते हैं, ठीक है ये ध्यान रखना, इंडियस फेयर वैल्यू पे चलते हैं। तो कैसे निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट असेट्स ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टर शेयर, पॉजिटिव आता है गुडविल, नेगेटिव आता है तो कैपिटल लेता हूं। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जो गुडविल आएगी उसे अलग से रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा ना उसके अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा गुडविल का अमाउंट। फिर कैलकुलेट क्यों कर रहे हैं, बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर देने के लिए, हम बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में बताएंगे कि इस इन्वेस्टमेंट में इतनी गुडविल इंक्लूडेड है। कैसे देखो आप लॉजिकली देखो, मान लो मैंने 1,00,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया सामने वाले में पीसी, उसकी नेट असेट्स में मेरा शेयर मान लो उसकी नेट असेट्स है 2,00,000 रुपीज की, मेरा शेयर है 30%, तो मेरा शेयर कितना हुआ बताओ 60,000, वो लेस करूंगा तो पॉजिटिव अमाउंट कितना है गुडविल 40,000। तो हम ये मानते हैं गुडविल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, रिकॉर्ड नहीं करनी। बैलेंस शीट में पता आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाओगे 1,00,000, ब्रैकेट में लिख दोगे इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ 40,000, बस इतना काम करने के लिए डिस्क्लोजर देने के लिए। ये क्यों मानते हैं इंक्लूडेड है, आप सोचो 1,00,000 आपने दिया तो 60,000 की तो नेट असेट दी और 40,000 की गुडविल यानी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया ना, लेकिन जो कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा वो ये मानते हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो मान लो 1,00,000 मैंने पेमेंट किया, शेयर इन नेट असेट्स आया 1,50,000, तो नेगेटिव आया कैपिटल रिजर्व आ गया 50,000, तो 1,00,000 का पेमेंट किया 1,50,000 की नेट असेट यानी 50,000 की ज़्यादा, तो वो अलग से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो कैपिटल रिजर्व आता तो अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, उसके लिए जनरल एंट्री पास करते हो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट डेबिट क्यों हुआ है यहाँ पे, तो मैं आपको बता दूं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर अकाउंट ये आपको पता है क्या रिफ्लेक्ट करेगा, सामने वाली कंपनी की नेट असेट्स में आपका कितना हिस्सा है, सामने वाली कंपनी की नेट असेट्स में आपका कितना हिस्सा है उस अकाउंट, ये अकाउंट उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसकी जब नेट असेट्स ज्यादा है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है पीसी जितना दिया उससे नेट असेट ज्यादा है, तो उसकी ज्यादा नेट असेट्स में हिस्सा लेना है ना, इसलिए इन्वेस्टमेंट अकाउंट यहां पे डेबिट हुआ, ये इसका रीजन है। बाकी आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते हो, कोई ज्यादा काम का नहीं है। फिर थर्ड आप एडजस्टमेंट क्या करोगे सीएफएस में वो देखो। अब देखो आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट कर दिया, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद सामने वाली कंपनी का कोई प्रॉफिट या लॉस करती है ड्यूरिंग द ईयर, उसमें आप अपना हिस्सा लोगे, सब्सिडरी जैसे ले रही थी वैसे अब अपन एसोसिएट में हिस्सा लेंगे जितना अपना स्टेक है, तो एसोसिएट ने जितना भी प्रॉफिट कमाया इन्वेस्टमेंट डेट के बाद, मैं यहाँ एक्विजिशन डेट नहीं बोल रहा इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ क्योंकि एक्विजिशन कंट्रोल तो आया ही नहीं ना, तो उसने जितना भी प्रॉफिट कमाया अपना हिस्सा ले लो, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एसोसिएट या जॉइंट वेंचर मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टर शेयर। हिस्सा लेने के लिए क्या करूंगा, पीएनएल में प्रॉफिट में हिस्सा लूंगा, प्रॉफिट में हिस्सा यानी क्रेडिट होगा टू प्रॉफिट, कहाँ लेके जाऊंगा शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट पीएनएल में लेके जाऊंगा, पीएनएल में तो लेके जाऊंगा, प्रॉफिट का हिस्सा तो क्रेडिट कर दिया मैंने यहाँ। डेबिट किसे करूँ, डेबिट करूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट को, क्यों सर, देखो उसने अगर प्रॉफिट कमाया तो उसकी नेट असेट बढ़ी होंगी सर, प्रॉफिट से क्या बढ़ता है रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग यानी अदर इक्विटी, नेट असेट बढ़ी होंगी ना नेट असेट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसको रिफ्लेक्ट करता है नेट असेट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसकी नेट असेट बढ़ी तो अब उसकी नेट असेट में मेरा हिस्सा बढ़ाना है मुझे, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, समझ में आया, यानी यहाँ पे ज़्यादातर जो इफेक्ट है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट से जाते हैं। ऐसे ही अगर उसने लॉस इनकर करा होता तो लॉस में भी मुझे हिस्सा लेना पड़ता, अपना हिस्सा लेता, लॉस में हिस्सा लेने के लिए डेबिट करता शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट पी एंडल में टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, लॉस से उसकी नेट असेट कम होती, रिजर्व का बैलेंस कम होता, नेट असेट कम होती यानी उसकी नेट असेट में हिस्सा कम हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया। ऐसे सिमिलर टर्म्स में मैं उसकी ओसीआई में हिस्सा लूंगा, अगर उसकी ओसीआई में प्रॉफिट है तो वही इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू शेयर इन ओसीआई प्रॉफिट ओसीआई में लेके जाऊंगा, उसके ओसीआई में अगर कोई लॉस का आइटम है तो शेयर इन ओसीआई लॉस ओसीआई में टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद अगर सामने वाले ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया, एसोसिएट ने डिक्लेयर या पे किया है उसमें हिस्सा लूंगा,
डिविडेंड डिक्लेयर पेड बाई एसोसिएट मल्टीप्लाई बाय अपना हिस्सा कितना है, डेबिट करूंगा क्या? अगर डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया है तो उसने अपनी बुक्स में लाइबिलिटी दिखाया होगा, मेरे को मिलना है तो मेरे लिए डिविडेंड रिसीवेबल है, लेकिन अगर उसने पे कर दिया होगा तो मुझे बैंक के थ्रू मिल गया होगा बैंक अकाउंट, तो इन दोनों में से जो भी आ जाएगा डिक्लेयर पे के अकॉर्डिंग डेबिट में। क्रेडिट क्या करूँ, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्यों क्रेडिट करूँगा, जैसे उसने डिविडेंड पे किया होगा उसने कहाँ से पे किया होगा, रिटेन अर्निंग, यानी उसके रिजर्व का बैलेंस कम हुआ होगा, यानी उसकी नेट एसेट कम हुई होगी, यानी मेरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट को मुझे कम करना पड़ेगा। समझ में आया, ये हो गया आपका एडजस्टमेंट। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सबसे स्पेशल एडजस्टमेंट जो ध्यान से समझना है, जो सबसे स्पेशल है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट ड्यू टू फेयर वैल्यू इंपैक्ट ऑन एक्विजिशन डेट ऑन डेप्रिसिएबल असेट्स ऑफ एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की अगर कोई डेप्रिसिएबल असेट थी एक्विजिशन डेट, यानी जिस दिन मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया था, उस दिन फेयर वैल्यू का इंपैक्ट जो हमने लिया था उस पर आपको डेप्रिसिएशन का भी एडजस्टमेंट देना पड़ेगा। क्या चीज़ है सर, ये समझ में नहीं आ रहा। देखो एक बार आप, हमने गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ता है, एसोसिएट जॉइंट वेंचर में भी इंडेस बोलता है आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम उसकी नेट असेट्स लेते हैं किस पे लेते हैं, फेयर वैल्यू पे, पर भाई सामने वाले ने तो अपने बुक्स में कैरिंग अमाउंट पे दिखा रखी होगी और उसने डेप्रिसिएशन भी कैरिंग अमाउंट पे चार्ज किया होगा। बस वही जो हमने सब्सिडरी के केस में इफेक्ट डाला था ना, एक्विजिशन डेट की डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू का इंपैक्ट, सेम वही यहाँ पे डालना है। तो अब डेप्रिसिएशन उसने तो कैरिंग अमाउंट पे लगाया होगा, सपोज उसकी बुक्स में एक पीपी का कैरिंग अमाउंट था 1 लाख और जिस दिन मैंने इन्वेस्टमेंट किया था उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी 1,20,000, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए तो मैंने 1,20,000 कंसीडर किया होगा, यानी मेरे अकॉर्डिंग उस बंदे को 1,20,000 पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, पर सामने वाले ने तो 1 लाख पे ही लगाया, यानी उसको 20,000 के एक्स्ट्रा अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था। तो 20,000 के एक्स्ट्रा अमाउंट पे जो भी डेप्रिसिएशन बनता है, सपोज 10% डेप्रिसिएशन की रेट थी, यानी 2,000 रुपीज का और डेप्रिसिएशन वो लगाता, उसका भी इंपैक्ट डालना पड़ेगा। तो अब सोचो एक बार, वो 2,000 का और डेप्रिसिएशन लगाता तो क्या करता, अपने पीएनएल को कम करता, उसके पीएनएल में तो जाता, उसका प्रॉफिट कम होता, यानी उसके प्रॉफिट में मैंने जो शेयर लिया हुआ है अभी, उसके प्रॉफिट में जो मैंने शेयर लिया हुआ है उसका प्रॉफिट कम होता तो मेरे पास कम शेयर आता, यानी उसके प्रॉफिट में मेरे को शेयर कम करना पड़ेगा, तो शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट मैं कम करूंगा पीएनएल में डेबिट करके। ये मानते हुए कि उसका एडिशनल डेप्रिसिएशन वो और लगता ना, उसका डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगता तो उसका प्रॉफिट कम होता, तो प्रॉफिट कम होता तो मेरा शेयर भी कम होता, उतने अमाउंट से मैं अपना प्रॉफिट का शेयर कम करूंगा पीएनएल में। जो भी एडिशनल डेप्रिसिएशन है मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टर शेयर, यानी 2000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है मल्टीप्लाई बाय मेरा शेयर कितना है 30%, यानी 600। टू क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ये तो अकाउंट कम होगा मेरा, उसका प्रॉफिट कम होता तो आप उसका नेट असेट भी कम होती। और अगर मान लो उस दिन उसकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा था, फेयर वैल्यू कम थी, 80,000 था पीपी की फेयर वैल्यू, कैरिंग अमाउंट 1 लाख, तो उसने 1 लाख पे डेप्रिसिएशन लगाया, लगाना चाहिए था 80,000, यानी 20,000 पे ज़्यादा लगा रखा है, यानी 10% यानी 2,000 का डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा रखा है, एड बैक करना है, यानी प्रॉफिट उसका बढ़ता तो उसके ज़्यादा प्रॉफिट में शेयर लेता, तो उसके प्रॉफिट में शेयर लो एडिशनल डेप्रिसिएशन जितना, 2,000 में अपना कितना बनता है 30%, यानी 600 इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, तो फेयर वैल्यू अगर ज़्यादा थी कैरिंग अमाउंट से तो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन में, एडिशनल डेप्रिसिएशन में आप अपना शेयर रिकॉर्ड करो, और अगर फेयर वैल्यू कम थी कैरिंग अमाउंट से, यानी डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स्ड में अपना शेयर रिकॉर्ड करो। आएगा कैसे डेप्रिसिएशन एडिशनल अमाउंट पे, कैसे पता करोगे, डेप्रिसिएशन ऑन डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट पता कर लो, एडिशनल डेप्रिसिएशन आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय अपना शेयर। क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है इससे रिलेटेड, समझ में आ गया होगा ये आपको, लॉजिकली ये नोट्स पढ़ना और अच्छे से आप 2-3 बार देखोगे, क्वेश्चन देखोगे, समझ में आ जाएगा। लास्ट एडजस्टमेंट जो आपको करना है इसके अंदर, एलिमिनेट करोगे अनरियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेंट्री या पीपी। देखो अनरियलाइज्ड गेन आपको समझ में आ गया, पेरेंट और एसोसिएट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई, उसके बाद मैंने मान लो एसोसिएट को कोई गुड्स बेचे 10,000 के गुड्स, उसको 12,000 में चिपका दिए, 2,000 का प्रॉफिट कमाया पर अपने ग्रुप से कमाया, तो भाई ये अनरियलाइज्ड गेन है, इसको एलिमिनेट करो। तो इसमें अनरियलाइज्ड गेन जितना अपना शेयर है, अपना जितना शेयर है उतना ही एलिमिनेट होगा। तो इसमें सबसे पहले मैं कौन से ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन की बात कर लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, मैंने सब्सिडियरी को बेचा, एसोसिएट को बेचा, तो इसमें अनरियलाइज्ड गेन मैंने कितना कमाया 2,000, पर मेरा एसोसिएट में स्टेक कितना है 30%, तो 2,000 का 30% 600 मुझे हटाना पड़ेगा, मैंने कमाया तो किसके पीएनएल में आ रहा होगा, मेरे पीएनएल, तो मेरे पीएनएल को डायरेक्ट डेबिट करूंगा कम करने के लिए अनरियलाइज्ड गेन को। इसके अलावा किसको खत्म करूंगा, ये जो मैंने कमाया किस पे कमाया, इन्वेंट्री जो उसको बेची थी, तो वो इन्वेंट्री उसकी बुक्स में आ रही है, उसकी बुक्स की इन्वेंट्री नहीं लेते, पर उसकी बुक्स से रिलेटेड हम एक आइटम लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, तो उसको कम कर देंगे, उसको हम कम कर देंगे। समझ में आया 600 से। इसमें इन्वेस्टर का अपना शेयर ही क्यों लिया, तो आप सोचो
मैंने 2000 का प्रॉफिट कमाया उस बंदे से, पर उस बंदे से 2000 का जो प्रॉफिट कमाया उस बंदे में दो लोगों ने पैसा लगाया, 30% मैंने, 70% कोई और लोगों ने, तो 2000 में से 70% जो कोई और लोगों ने पैसा कमाया वो तो मेरे लिए रियलाइज्ड हो गया ना, वो तो बाहर के लोग हैं, हमारे लिए ग्रुप का पैसा कितना, ओनली 30%, इसलिए उतना ही हटाया जाता है यहाँ पे एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर के केस में। अब पिस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होता तो एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर ने मुझे गुड्स या पीपी बेचे होते, तो क्या होता, उसने 2000 का प्रॉफिट कमाया होता, 30% हमारा शेयर कितना होता, 600, ठीक है, यहाँ पे भी वही इन्वेस्टर का शेयर लेंगे कितना है। अब कमाया किसने, उसने कमाया है तो उसके प्रॉफिट का शेयर, शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट से आता है, वो पीएनएल में आप डेबिट कर लो टू इन्वेंट्री अकाउंट, या इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट हुआ, तो सोचो उसने इन्वेंट्री मुझे बेची होगी तो मेरी बुक्स में इन्वेंट्री में आ रहा होगा ना, उसमें रियलाइज्ड गेन दिख रहा होगा, तो इन्वेंट्री में से हटा लेंगे, ठीक है। अब पेस्ट्रीम ट्रांजेक्शन में इन्वेंट्री हमारे पास ही होती है और डायरेक्ट हटा देंगे, पर डाउन स्ट्रीम में इन्वेंट्री उसकी बुक्स में होती है, पर उसकी बुक्स की इन्वेंट्री वगैरह अपन लेते नहीं है, तो अपन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट में से हटा देते हैं। ये हो गया अनरियलाइज्ड गेन एलिमिनेट करने की एंट्री। इसी के साथ आपका CFS में अकाउंटिंग हो जाएगी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर की। कुछ इसमें स्पेशल नोट है, फटाफट से देख लो, एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर की असेट लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं करते अपन CFS में, असेट लाइबिलिटी टेक ओवर नहीं करते तो फिर इंट्रा कंपनी जो ट्रांजेक्शन है वो भी एलिमिनेट नहीं करेंगे, डेटर क्रेडिटर वगैरह, क्योंकि असेट लाइबिलिटी नहीं लिए तो वो कहाँ से एलिमिनेट होंगे। इसके बाद देखो, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है क्लोजिंग बैलेंस बताओ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर का, तो वो आप कैसे पता लगाओगे, जनरल एंट्री पास करके। जनरल एंट्री से तो आता है क्लोजिंग बैलेंस, या तो आप लेजर अकाउंट बना लेना इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर का, या स्टेटमेंट बना लेना। ऐसे स्टेटमेंट में आंसर देता, आप कैसे भी करोगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, पर आप स्टेटमेंट को प्रायोरिटी देना, बिल्कुल सिंपल होता है। देखो, सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट जो किया वो अमाउंट ले लो, इसके बाद आप देखो उसके प्रॉफिट या लॉस में शेयर लोगे, प्रॉफिट में शेयर लोगे तो इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बढ़ रहा था आपका, ऐड कर दो, लॉस में शेयर लिया तो उतना लेस कर दो। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर उसको कुछ चार्ज करना चाहिए था तो उतना लेस करो, शेयर इन प्रॉफिट कम हो रहा था, डेप्रिसिएशन अगर रिवर्स करना था तो उतना आप ऐड करो, क्योंकि शेयर इन प्रॉफिट बढ़ रहा था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बढ़ रहा था ना। आप यहां देख लो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या इंपैक्ट आ रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है एंट्रीज के अंदर। इसके बाद उसके OCI में कोई शेयर लिया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐड होगा प्रॉफिट में, और लॉस के केस में कम होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस तो लेस कर देना। उसके डिविडेंड में शेयर लिया तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करते थे तो लेस किया। अनरियलाइज्ड गेन डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में, देखो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन में इन्वेस्टमेंट अकाउंट आता है क्रेडिट होके तो इसको लेस करते हैं, अप स्ट्रीम में नहीं आता तो उसमें कुछ भी नहीं करेंगे। इसके अलावा कैपिटल रिजर्व में इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट होता तो ऐड कर दो अगर कुछ है तो। ये सारा आपका फाइनल करने से क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन में पूरा जनरल एंट्री लेजर बना के पूरा स्टेटमेंट तीनों तरीके से बताया था इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस कैसे निकाल सकते हो, ठीक है, पूरा आपको सिखाया हुआ है लेक्चर में, आप अपने सॉल्यूशन देख लेना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका इस इंडेक्स का, रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी आपका स्टेक कम हो रहा है, तो एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में स्टेक कम होने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो बैठे बिठाए स्टेक कम होना, सामने वाले एसोसिएट ने किसी और इन्वेस्टर्स को मार्केट में नए शेयर इशू कर दिए, उससे मेरा स्टेक कम हो गया, हो सकता है ना, जैसे सब्सिडियरी में हो रहा था। तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में देखो सबसे पहले तो क्या करोगे, सामने वाले ने अगर मार्केट में नए शेयर किसी और को इशू करे हैं तो उसे पैसा भी लिया होगा, उसने कंसीडरेशन मिला होगा, तो उस कंसीडरेशन में भी तो हिस्सा मांगूंगा, क्योंकि उसको कंसीडरेशन मिला होगा, कैश इंक्रीज हुआ होगा उधर, उसकी कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, यानी उसकी नेट असेट बढ़ी होगी, नेट असेट बढ़ी होगी तो मेरा उसमें हिस्सा बनेगा ना। तो आप इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट को डेबिट करोगे जितना सामने वाले ने कंसीडरेशन रिसीव किया मार्केट में नए शेयर इशू करने से, कितने अमाउंट से, मेरा जितना शेयर है, नया शेयर जितना बचेगा, मेरा जितना नया शेयर बचेगा एसोसिएट में स्टेक जाने के बाद, जितना नया शेयर बचेगा, यानी कंसीडरेशन रिसीव्ड बाय एसोसिएट मल्टीप्लाई बाय इन्वेस्टर का नया शेयर। इसके अलावा डी रिकॉग्नाइज करूंगा मेरा प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्योंकि मेरा स्टेक कम हुआ होगा, उसने मार्केट में नए शेयर इशू करे होंगे तो मेरा स्टेक कम हुआ होगा, तो मेरे को प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, वो मैं कम कर दूंगा। प्रोपोर्शनेट डिफरेंस इन एंट्री गेन या लॉस ऑन रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा, काम खत्म, बैलेंसिंग फिगर। इतनी सिंपल सी अकाउंटिंग है। इसके बाद दूसरा सिनेरियो, स्टेक सामने वाले एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर में कैसे और कम हो सकता है, मैंने खुद से ही अपना स्टेक बेचा हो तो क्या होगा, मेरे पास सेल ऑफ स्टेक करने से कैश बैंक के थ्रू पैसा आएगा, वो रिकॉर्ड कर लूंगा, पूरा मेरा कैरिंग अमाउंट खत्म कर दूंगा इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का, चाहे मैंने कुछ स्टेक ही बेचा हो, मान लो 30% था, मैंने 10% ही बेचा है, पर एक बार तो मैं इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट का पूरा कैरिंग अमाउंट खत्म करूंगा। इसके बाद अगर मैंने कुछ कैरिंग अमाउंट, मैंने उसमें कुछ इंटरेस्ट रिटेन कर लिया, कुछ स्टेक रिटेन कर लिया, तो उसको फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट बुक कर लूंगा। अगर कुछ भी रिटेन नहीं किया तो ये जीरो हो जाएगा, कैरिंग अमाउंट तो पूरा ही रिकॉग्नाइज करना है, डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस आ जाएगा पीएनएल में। बिल्कुल सिंपल था, कैश बैंक से पैसा आएगा, पुराना जो इन्वेस्टमेंट है उसका पूरा कैरिंग अमाउंट डी रिकॉग्नाइज कर दो, और अगर कुछ स्टेक बचा लिया आपने तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, रिटेन पोर्शन को डिफरेंस इन एंट्री गेन लॉस पीएनएल में हो जाएगा, ठीक है। तो 2 तरीके से हो सकता है रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, दोनों के क्वेश्चन अपन ने करे थे, बिल्कुल सिंपल है।
लास्ट टॉपिक इस इंडेक्स का फटाफट से देख लो। अब एक क्वेश्चन था इसका अपना, लॉस मेकिंग एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, ये क्या है? अगर मैंने जिस एसोसिएट या जॉइंट वेंचर में पैसा लगाया है वो कंटिन्यूसली लॉस इंकर कर रही है हर साल, तो क्या होगा? मैं उसके लॉस में शेयर लूंगा, तो उसके लॉस का शेयर कहाँ लेके जाऊंगा? उसके इक्विटी शेयर में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एसोसिएट या जॉइंट वेंचर, उस अकाउंट में तो एडजस्ट करता हूँ शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट पीएनएल टू इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एसोसिएट, तो वहां लेके जाता हूँ, उससे मेरे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कम होता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा, मान लो वो इतने लॉस इंकर करता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आया कि उसका बैलेंस नील हो गया। इसको मैंने एक एग्जांपल से आपको क्लास में बताया था। देखो मैंने एसोसिएट में पैसा इन्वेस्ट किया, 180,000 टू बैंक, वो एसोसिएट है ना हर साल लॉस कर रही है और उस लॉस में मैं अपना शेयर ले रहा हूँ। लॉस कितना कर रही है उसका शेयर मैं निकाल रहा हूँ। देखो लॉस में मेरा शेयर कितना है, 50,000 है। फर्स्ट ईयर के लॉस में मेरा शेयर है 50,000, मेरा शेयर बता रहा हूँ। सेकंड ईयर के लॉस में 70,000 है, थर्ड ईयर के लॉस में 80,000। तो मैं जनरल एंट्री क्या पास करूंगा, फर्स्ट ईयर के लॉस में शेयर इन लॉस टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 50,000, सेकंड ईयर के लॉस में 70,000 का लॉस हुआ तो शेयर इन लॉस ऑफ एसोसिएट टू इन्वेस्टमेंट 70,000, थर्ड ईयर में क्या करूँ शेयर इन लॉस टू एसोसिएट इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 80,000 कर दूँ? नहीं। क्या होगा, अब यहाँ पे ध्यान दो, मेरा बैलेंस था 180 इन्वेस्टमेंट किया था, पहले साल मैंने लॉस में शेयर लिया, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कम किया, सेकंड ईयर शेयर लिया इन्वेस्टमेंट का बैलेंस कम किया, अब इन्वेस्टमेंट का बैलेंस हो गया 60,000, थर्ड ईयर 80,000 का लॉस हो रहा है, इन्वेस्टमेंट का बैलेंस तो है 60,000 में, अब इसको नेगेटिव कर लूँगा -20,000। कभी भी आप नेगेटिव बैलेंस नहीं करोगे, आप उतना ही शेयर ले आप जितना इसका बैलेंस नील हो जाए, यानी मैं 60,000 लूँगा, 20,000 का मेरा अनरिकग्नाइज लॉस रह गया, मतलब मेरा शेयर जो उसके लॉस में शेयर था 20,000 का, मैं वो रिकग्नाइज ही नहीं कर पाया क्योंकि मेरे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नील हो चुका है, मेरे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नील हो चुका है। तो अब आपके इन्वेस्टमेंट का बैलेंस नील हो चुका है और अनरिकग्नाइज लॉस कितना रह गया, 20,000। अब इस अनरिकग्नाइज लॉस को आप पता है कैसे बांटोगे, अगर आपने उस एसोसिएट के कोई प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या उस एसोसिएट को कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है तो उसे हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन। तो ऐसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अगर आपने कोई और एसोसिएट में कर रखे हैं इक्विटी शेयर के अलावा, अब उनमें लॉस बांटना चालू कर दो। तो अब इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर में आप लॉस बांट दो, उसमें भी आप बांट देते हो उसका बैलेंस भी नहीं लो जाता, तो फिर बचा हुआ लॉन्ग टर्म लोन में आप बांट देना, अगर वो भी खत्म हो जाता है तो आप फिर वो अनरिकग्नाइज लॉस रखना, आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। यानी आप देखो एसोसिएट कोई कंपनी का बनती है जब उसके इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो एसोसिएट कंटिन्यूसली लॉस कर रही है तो आप इक्विटी शेयर वाले इन्वेस्टमेंट में लॉस बांट दोगे, पर वो लॉस इतना बढ़ गया कि उसका बैलेंस नील हो गया फिर भी लॉस बच गया अपने पास बांटने को, तो आपने उस एसोसिएट के अगर कोई प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस प्रेफरेंस शेयर में आप बांटो। मान लो प्रेफरेंस शेयर में 15,000 का इन्वेस्टमेंट कर रखा था, 20,000 का अनरिकग्नाइज लॉस था, तो 15,000 का तो आप इसमें बांट दोगे, बच गया 5,000 का। तो मान लो मैंने उस एसोसिएट को कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा था तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन उसमें 5,000 का बांट देंगे, ठीक है? तो इस तरीके से आप लॉस बांटते हैं। आप अगर कोई एसोसिएट लॉस कर रही है तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर में बांटो जब तक उसका बैलेंस नहीं हो जाता, उसके बाद अनरिकग्नाइज्ड लॉस बच जाता है। तो आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर कुछ और एसोसिएट में कर रखे हैं आपने उसमें बांटो, जैसे कि फर्स्ट प्रेफरेंस आप दोगे इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स में, इसमें बांट दो, फिर भी बच गया कोई और लॉस तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन ऑफ एसोसिएट इसमें बांट दो, यानी इनकी सीनियरिटी के ऑर्डर में बांटो। आप खुद सोचो घर में अगर आपको पैसा कमाने की ज़रूरत है तो घर पे पैसा कौन कमाता है? अगर घर पे पैसे की ज़रूरत होती है तो आपके पापा कमाते हैं, सबसे पहले उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है पैसा कमाने की, घर के सबसे बड़े आदमी की। फिर भी उनकी कमाई से घर इतना सही से नहीं चल पा रहा तो फिर सेकंड नंबर पे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? घर के बड़े बेटे की। वो भी पैसा इतना सफिशिएंट नहीं कमा पा रहा, घर में और पैसे की ज़रूरत है तो फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? घर के छोटे बेटे की। तो यानी सबसे पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है घर के बड़े आदमी की। तो एसोसिएट लॉस कर रही है तो इक्विटी शेयर वाले सबसे पहले लॉस भुगतेंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर वाले, फिर लॉन्ग टर्म लोन वाले। समझ में आया? तो इस तरीके से आप लॉस बांटते जाओगे जब तक इनका बैलेंस नील नहीं हो जाता, नेगेटिव किसी का भी बैलेंस आप नहीं करोगे। इसके अलावा इसमें एक नोट है, जो इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स है या इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन है, इनको तो आप इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग दिखाते होगे। इंडेक्स 109 ही लगेगा चाहे आपने एसोसिएट के प्रेफरेंस शेयर या लॉन्ग टर्म लोन में पैसा लगा रखा हो। एसोसिएट का बनती है जब आप उसके इक्विटी शेयर लेते हो 20% से ज़्यादा, तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एसोसिएट पे इंडेक्स 28 लगता है, ठीक है? बाकियों पे तो इंडेक्स 109 ही लगेगा। तो जो मैंने प्रेफरेंस शेयर या लॉन्ग टर्म लोन में इन्वेस्टमेंट करा का एसोसिएट में, उस पर इंडेक्स 109 लगा रहा खाऊंगा, तो इंडेक्स 109 पता है क्या बोलेगा? मेरे को कोई मतलब नहीं है कि आपके इक्विटी शेयर लॉस भुगत नहीं पा रहे तो आप प्रेफरेंस शेयर या लॉन्ग टर्म लोन से भुगतवा रहे हो लॉस, पहले मैं अपनी एप्लीकेशन तो पूरी करूंगा। यानी इंडेक्स 109 तो आपको लगाना ही पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन लोन पे एज इट इज। इंडेक्स 109 तो इन रेस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स 28 का ये लॉस
काटने से पहले इंडेक्स 109 तो अपने आप लगेगा, यानी इन पे इंडेक्स 109 के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करोगे, फिर इनका क्लोजिंग बैलेंस आएगा और उसके बाद अगर कोई अनरिकग्नाइज लॉस है तो इन दोनों में से बांटा जाएगा प्रेफरेंस शेयर या लॉन्ग टर्म लोन में। समझ में आई ये बात, जब तक कि इनका बैलेंस नील नहीं हो जाता। इसके बाद देखो इन फ्यूचर एसोसिएट या जॉइंट वेंचर जो था वो सब्सिक्वेंटली प्रॉफिट कमाना चालू करता है, तो उस प्रॉफिट में अपना जितना शेयर होगा वो अपन कहाँ लेके जाएंगे? सर इक्विटी शेयर में ले जाओ, उसमें तो लेके जाते हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। रुक जाओ भाई, अब की बार आप क्या करोगे, सबसे पहले जिन बाहर के लोगों ने बेचारों ने लॉस भुगता था उनका लॉस का सेटलमेंट करो। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन वाले ने लॉस भुगता था, इसको बेचारे ने जितना लॉस भुगता था उतना शेयर इन प्रॉफिट इस अकाउंट में डाल दो, इसको नॉर्मल बना दो। फिर इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर वाले ने जितना लॉस भुगता था उतना इसमें में डाल दो, और बचा हुआ जितना शेयर इन प्रॉफिट है सारा का सारा आगे से इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर वाले अपने अकाउंट में लेते जाएंगे, जैसा अपन सीख चुके हैं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एसोसिएट टू शेयर इन प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट। ठीक है, यानी लॉस पहले कौन भुगतेगा? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर नील हो जाता है तो फिर प्रेफरेंस शेयर वाले भुगतेंगे, फिर लॉन्ग टर्म लोन वाले, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली वो प्रॉफिट कमाती है एसोसिएट, तो पहले लॉन्ग टर्म लोन वालों को अप टू जितना उन्होंने लॉस भुगता था उतना उनको शेयर इन प्रॉफिट दे देना, जितना प्रेफरेंस शेयर वालों ने लॉस भुगता था उतना उनको शेयर इन प्रॉफिट दे देना, और बचा हुआ शेयर इन प्रॉफिट सब इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। यानी जब लॉस भुगतने की बारी आती है तो घर का बड़ा आदमी सबसे पहले भुगतता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जब प्रॉफिट मिलता है ना, प्रॉफिट मिलता है तो घर के छोटे आदमी को जो सबसे नीचे होता है उसको मिलता है। यानी घर पर कोई आपको नई चीज़ आती है तो सबसे पहले जो छोटा होता है ना घर का उसको एडवांटेज दिया जाता है कि हाँ भाई तू ले। ठीक है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर होगी। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ा आदमी लेता है, प्रॉफिट होता है तो छोटों से स्टार्ट करते हैं कि भाई तुमने जितना भुगता है तुम उतना ले लो, तुम अपने नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाओ। ठीक है, तो इस प्रेफरेंस में आप चलोगे, इस प्रेफरेंस में चलोगे जो मैंने आपको लिखवाया है, इससे लॉस मेकिंग एसोसिएट या जॉइंट वेंचर का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ इंडेक्स 28 भी कंप्लीट कर दिया है मैंने, चैप्टर नंबर 14 कंसोलिडेटेड एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ग्रुप एंटिटीज आपका कंप्लीट हो चुका है। इंडेक्स 110, 111 और इंडेक्स 28, ये तीन इंडेक्स थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब इसी के साथ बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन ये लिंक्ड वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया आपका, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये मास्टर चार्ट एक बार आप वापस से देख के रिवाइज करना चाहो कर सकते हो। किसी कंपनी के 20% तक इक्विटी शेयर्स लेते हो, लेस देन 20% नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स 109 लगाते हैं अपन। इक्विटी शेयर के अलावा किसी में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडेक्स 109 लगता ही है। इसके बाद किसी कंपनी के 20% या उससे ज़्यादा बट लेस देन 50% इक्विटी शेयर्स लेते हैं, एसोसिएट बनती है। CFS SFS में इंडेक्स 27 लगा रहे थे, CFS इंडेक्स 28। इसके बाद मोर देन 50% लेते हो तो सब्सिडरी बनती है, SFS इंडेक्स 27, CFS डे वन इंडेक्स 103, ATHL एंड इंडेक्स 110। जॉइंट अरेंजमेंट होता है आपका तो जॉइंट ऑपरेशन की कैटेगरी में आता है तो केवल SFS ही बनता है इंडेक्स 111 के अकॉर्डिंग, CFS अलग से नहीं बनता है। लेकिन जॉइंट वेंचर होता है तो SFS इंडेक्स 27 और CFS इंडेक्स 28। पूरा मास्टर चार्ट सारी चीज़ों की अकाउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आपके ये बिजनेस कॉम्बिनेशन और CFS ये दो चैप्टर आपको एकदम अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके मिला के एग्जाम में 25-30 मार्क्स का वेटेज कम से कम एग्जाम में रखते हैं। तो इनको आप अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा, इन चैप्टर्स को रिवीजन वीडियो आप 2-3 बार एग्जाम से पहले सुनना, क्योंकि जितना रिवीजन वीडियो सुनोगे उतने कंसेप्ट पे फोकस बनेगा। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सिर्फ क्वेश्चन करके चले जाएं तो उस केस में आप बस रट के जा रहे हो, एग्जाम में सेम क्वेश्चन आ गया तो पास हो सकते हो, वरना उसमें भी आप सिली मिस्टेक करके आ जाओगे। इसलिए रिवीजन वीडियो यूट्यूब पर भी डालता हूँ कि सब स्टूडेंट इसका एडवांटेज ले सकें, कंसेप्ट समझो फिर आप क्वेश्चन पर जाओ, तो आपको क्वेश्चन जो ICAI के करने हैं उनमें भी दिक्कत नहीं आएगी, नया क्वेश्चन आएगा तो वो भी आराम से हो जाएगा। तो ये आपको पढ़ा दिया है, आप बिजनेस कॉम्बिनेशन CFS वापस से रिवाइज करना, जो अपना वॉल्यूम 1 है क्वेश्चन बैंक का उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। क्लास वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने क्वेश्चन सब करवा ही रखे हैं आपके नोटबुक में, तो आप वहाँ से सॉल्यूशन देख देख के रिवाइज कर ही सकते हो, और बाकी स्टूडेंट्स भी वॉल्यूम 1 क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो आप लोगों को, किसी को भी जरूरी नहीं है मेरे क्लास के स्टूडेंट्स ही हों, बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, आप लोग मेरे से कोई भी डाउट हो पूछ लेना टेलीग्राम व्हाट्सएप या इस वीडियो के कमेंट में डाल देना। वीडियो के कमेंट में डालोगे तो सही रहेगा, बाकी लोग जो है स्टूडेंट्स उनको भी हेल्प होगी, उसमें रिप्लाई मैं कर दूंगा। और आपका कोई फीडबैक हो वो भी ज़रूर से आप शेयर करिएगा, कैसा लगा आपको वीडियो, और अगर सही में अच्छा लगा हो तो आप अपने जूनियर्स वगैरह को रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि आप रिकमेंड करते हैं तो अल्टीमेटली देखो ये तो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसमें हमें भी कुछ बेनिफिट मिलेगा, तो वो चीज़ आप अपने एंड पे कर सकते हैं। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो मैं जनरली बोलता नहीं हूँ, बट अभी मैं बोलूँगा कि ठीक है इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो अच्छा लगे तो आप लाइक से लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से ऐसा कुछ नहीं है कि एक तो देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि हाँ भाई मैं कर रहा हूँ तो आप लोगों को समझ आ रहा है,
तो एक अच्छी सी चीज़ लगती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि YouTube का सिस्टम ही ऐसा है, जब तक आप लाइक वगैरह नहीं करते हो ना, लाइक और कमेंट वीडियो पे, तब तक वो आगे एल्गोरिदम YouTube का दिखाता ही नहीं है। मतलब वो दूसरों लोगों के सजेशन में, दूसरे स्टूडेंट के सजेशन में जब जाएगा, जब तक आप उसे लाइक कमेंट्स नहीं करते। तो आपको अच्छा लगे तो करो, वरना नहीं करना, ठीक है। अगर बुरा लगे तो आप क्लियरली बताना सर बेकार है, लेकिन अच्छा लगे तो आप सपोर्ट भी करो। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, इतना जो आप लोगों का इसमें मैंने टाइम लिया उसके लिए आप लोगों का धन्यवाद। अब बस आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, राधे राधे।